नमस्कार दोस्तों तो आज हम देखने जा रहे हैं ओ सी एस का जी एस का पेपर जिसे सी साद भी कहते हैं तो इसमें हम बेसिक मैथ पोर्शन डेटा इंटरप्रिटेशन रीजनिंग इसके सवाल देखेंगे और इसके क्या बेसिक मेथोडोलॉजी है टिप्स हैं कि हम जल्दी सॉल्व कर सकें और एक्यूरेटली सॉल्व कर सकें तो वो चीज हम देखेंगे तो टोटल एट्टी क्वेश्चन में से हमने सिक्सटी क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं ट्वेंटी फिलहाल के लिए इंग्लिश पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन के वो छोड़े हैं तो क्योंकि स्टूडेंट्स को एस्पिरेंट्स को मैथ्स वाले पोर्शन और डेटा इंटरप्रिटेशन वाले पोर्शन में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत है तो पहले हम वो कवर कर रहे हैं तो ये मैंने टेस्ट बुकलेट सीरीज ए का ए के क्वेश्चन लिए हैं तो हम सिक्सटी क्वेश्चन कवर करेंगे पहले वन टू ट्वेंटी क्वेश्चन इंग्लिश पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन के हैं तो वो स्किप आउट किए हैं तो हम डायरेक्टली मैथ्स uh, वाले पोर्शन पे uh, आ रहे हैं तो वो ट्वेंटी वन क्वेश्चन से स्टार्ट होता है तो आप वो क्वेश्चन पहले खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और uh, नहीं तो आप पहले वीडियो देख सकते हैं और साइड बाय साइड आप सॉल्व भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस तो पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन जिसमें हमें डायरेक्शन दी है चूज द करेक्ट ऑप्शन कंसीडरिंग द स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय द कंक्लूजन तो इसमें तीन स्टेटमेंट हमें दी हुई हैं सम पैंथर्स आर कैट्स पहली स्टेटमेंट सेकेंड ऑल कैट्स आर मैमल्स थर्ड है सम मैमल्स आर नॉट पैंथर्स तो इन तीन स्टेटमेंट में से हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि कौन सी स्टेटमेंट uh, मतलब तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी कंक्लूजनस एक्यूरेट uh, बैठ रही हैं और uh, कौन सी कंक्लूजनस ठीक हैं, जस्टिफाई हो रही हैं तो ये इस टाइप के सवाल uh, हम बेसिकली करते हैं वेन डायग्राम से तो वेन डायग्राम क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूं तो वेन डायग्राम में हम सर्कल uh, ड्रॉ करते हैं जैसे पहली स्टेटमेंट हमें दी है सम पैंथर्स समर्स कैट्स तो इस सर्कल को हमने नाम दे दिया पैंथर्स तो सम पैंथर्स आर कैट्स मतलब कुछ पैंथर्स कैट्स हैं तो हमने एक और सर्कल ड्रॉ किया और दे दिया कैट्स और ये वाला पोर्शन जो आपका है ये हो गया सम पैंथर्स आर कैट्स जो मैंने अभी हाईलाइट किया और सेकंड स्टेटमेंट है ऑल कैट्स आर मैमल्स तो सारी कैट्स जो भी इस सर्कल में है सारी मैमल्स हैं तो जो मैमल्स का सर्कल होगा वो ऑब्वियसली इसके बाहर होगा तो ये सर्कल का नाम हो गया मैमल्स ऑल कैट्स ऑल कैट्स आर मैमल्स इसीलिए ये सर्कल इसके अंदर है मैमल्स के अंदर कैट्स का लिया और थर्ड स्टेटमेंट है सम मैमल्स आर नॉट पैंथर्स कुछ मैमल्स पैंथर्स हैं जो कि ये पोर्शन हो गया आपका और बाकी पोर्शन जो रेस्ट रह गया उसमें आ गया कि दीज मैमल्स आर नॉट पैंथर्स और थर्ड स्टेटमेंट है सम मैमल्स

ये हम इससे कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते तो ये कंक्लूजन गलत है अगर हमें स्टेटमेंट में दिया रहता जैसे ये स्टेटमेंट दी है ऑल कैट्स आर मैमल्स अगर इधर दिया रहता कि ऑल पैंथर्स आर मैमल्स इस तरह से कुछ दिया रहता तो फिर हम ये सर्कल हमारा ऐसे बाहर मतलब बड़ा सर्कल होता फिर हम इसको ऐसे बनाते फिर ये कंक्लूजन जस्टिफाइड था अभी फिलहाल के लिए ये नहीं जस्टिफाइड तो ये गलत हो जाए कंक्लूजन गल, uh, गलत है और फिर थर्ड में दिया ऑल कैट्स आर पैंथर्स ये भी गलत है क्योंकि सम ऑफ द कैट्स आर पैंथर्स वो हम देख सकते हैं ये इनर सर्कल जो था तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है एंड ऑल मैमल्स आर पैंथर्स ये गलत है क्योंकि सारे मैमल्स पैंथर्स नहीं है सारे मैमल पैंथर होने के लिए सर्कल ऐसा होना चाहिए था कि ये मैमल्स होता और फिर ये होता ऑल मैमल्स आर पैंथर्स तो इस तरह का सर्कल नहीं है तो इसीलिए हमारा आ, कंक्लूजन सबको देख के आ रहा है वो कौन सी स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट वन इज ओनली ट्रू ठीक है तो इसमें हमारा देखेंगे ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है तो दिस इज रॉन्ग तो ओनली वन इज ट्रू तो ओनली वन फॉलोज दैट इज ऑप्शन बी तो इसका आंसर होगा बी चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू में कह रहा है दिव्यअ गेव एन एप्लीकेशन फॉर अ न्यू पासपोर्ट टू द क्लर्क ऑन मंडे आफ्टरनून नेक्स्ट डे वॉज अ हॉलीडे

ट्यूजडे वेनजडे थर्सडे फ्राइडे मतलब जितने भी हैं तो मंडे को उसने देवय ने क्या दिया एप्लीकेशन दी एप्लीकेशन टू द क्लर्क नेक्स्ट डे वॉज अ हॉलीडे तो ट्यूजडे को हॉलीडे थी सो द क्लर्क क्लियर द पेपर्स ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे ऑन रिजम्पन ऑफ ड्यूटी तो क्लर्क ने पेपर क्लियर किए ऑन वेनजे

Friday को केस डिस्पोज किया तो इसमें हमसे पूछा है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज वॉज द केस पुटअप टू द क्लर्क तो केस पुटअप किस दिन हुआ है हमारा केस हुआ थर्सडे को तो हमारा इसमें आंसर आ जाएगा बी इसमें ये ये नहीं पूछा गया कि किस दिन डिस्पोज ऑफ हुआ है किस दिन क्लर्क ने क्लियर किया है सीनियर क्लर्क ने किया गया अगर ये लंबा सवाल होता है या इसके दो तीन सवाल होते हैं तो इस तरह के सवाल भी पूछ सकते हैं तो इसमें सिंपल पूछा है कि किस दिन उसने हेड सीनियर क्लर्क ने आगे फॉरवर्ड किया तो इसमें ऑप्शन हमारा बी थर्सडे चलिए आगे चलते हैं ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन पे ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन भी स्टेटमेंट्स दी हैं और कंक्लूजनस हमें उसमें से देखने की कौन सी सही बैठेगी तो क्वेश्चन रीड आउट करता हूं मैं चूज द करेक्ट ऑप्शन कंसिडरिंग द स्टेटमेंट फॉलोड बाई कंक्लूजन स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट से हमें है कि कौन सी सही बैठेगी तो ये भी जैसे हमने क्वेश्चन ऊपर किया था ये भी किससे होगा वेन डायग्राम से तो आप वेन डायग्राम बनाइए पहले हम क्या बनाएंगे सम डेस्क आर अपार्टमेंट्स तो ये डेस्क हो गए तो सम डेस्क कुछ डेस्क अपार्टमेंट है तो इतना पोर्शन ये अपार्टमेंट का डेस्क है ठीक है ऑल अपार्टमेंट्स आर कार्स जैसे ऊपर हमें दिया था ऑल मैमल्स ऑल कैट्स आर मैमल्स तो इसी तरह इसमें दिया ऑल अपार्टमेंट्स तो ये जो है अपार्टमेंट का सर्कल ऑल अपार्टमेंट्स आर कार्स तो कार्स का हमारा कहां पे होगा

ट्रक्स ये वाला पोर्शन भी है ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है मतलब कुछ पोर्शन अपार्टमेंट्स का क्योंकि उसमें भी जस्टिफाई हो रहा है कि सम ट्रक्स आर कार्स ये हो रहा है इसमें ये हो रहा है और यहां ये भी हो सकता है ऐसे कुछ भी मतलब डेस्क को भी इंक्लूड कर सकता है तो क्योंकि हमें इसमें स्टेटमेंट में क्लैरिटी नहीं है तो हम आगे कंक्लूजन में देखेंगे कि हम कैसे करेंगे तो पहली स्टेटमेंट है सम डेस्क आर ट्रक्स सम आर ट्रक्स तो ये क्लैरिटी नहीं है हमें क्योंकि हम आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं ये भी बना सकते हैं ये भी तो इसमें तो अगर दिया रहता यही चीज ऊपर दी रहती स्टेटमेंट में तो हम इसको कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते थे लेकिन ये नहीं दिया तो ये नहीं आएगा सम समेक आर ट्रक्स तो ये नहीं आएगा ये क्रॉ गलत होगा क्योंकि ये हम कंक्लूजन स्टेटमेंट से ड्रॉ नहीं कर पा रहे दूसरी स्टेटमेंट है सम डेस्क आर कार्स ये ट्रू है क्योंकि हमें तो कंफ्यूजन ट्रक्स वाले में है ट्रक्स वाला क्लियरली नहीं दिया लेकिन कार्स वाला तो क्लियरली दिया हुआ है कि ऑल अपार्टमेंट्स आर कार्स तो कार्स ये है अपार्टमेंट ए है एंड सम डेस्क आर अपार्टमेंट्स सम डेस्क आर अपार्टमेंट तो ये वाला पोर्शन तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि ये पोर्शन है अपार्टमेंट तो एंड ऑल अपार्टमेंट्स आर कार्स तो सम डेस्क आर कार्स ये स्टेटमेंट ट्रू है एंड थर्ड स्टेटमेंट दिए सम्स आर अपार्टमेंट तो ये भी ट्रू है क्योंकि सम कार्स ये कार है और इसमें से ये पोर्शन अपार्टमेंट है क्योंकि ऑल अपार्टमेंट्स आर कार्स तो सम पोर्शन ऑफ अपार्टमेंट सम कार्स आर अपार्टमेंट तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है जो हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं नो ट्रक इज अ डेस्क नो ट्रक इज अ डेस्क अगर ये होता ये होता तो हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते थे लेकिन हमें पता नहीं है कि वो वेन डायग्राम क्या है ये है ये है या ये, ये है तो ये स्टेटमेंट हम कंक्लूसिवली ड्रॉ नहीं कर सकते तो ये स्टेटमेंट गलत है तो हमारा जो कंक्लूसिवली ड्रॉ कर सकते हैं वो स्टेटमेंट टू और थ्री है तो हम इसमें देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ओनली टू एंड थ्री फॉलो विच इज ऑप्शन बी चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पे तो इसमें लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज जिसमें दिया है ई इक्वल टू फाइव ई फाइव जी सेवन आई नाइन के इलेवन तो ये सवाल के लिए बेसिकली सीरीज फॉलो करनी है अगर आप ऑप्शन ही देखेंगे तो आप बिना आ, कुछ आगे किए डायरेक्ट आप ऑप्शन बी मार्क कर सकते हैं क्योंकि ये ऑड नंबर्स हैं और नंबर की सीरीज फॉलो हो रही है तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा इलेवन के बाद थर्टीन फिर क्या आएगा फिफ्टीन तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है जिसमें थर्टीन और फिफ्टीन है तो आप डायरेक्टली इसको मार्क कर सकते हैं कि बी होगा लेकिन हमारे पास टाइम है तो हम कंफर्म करेंगे कि आ, ये अल्फाबेट भी सीरीज में मैच कर रहे हैं कि नहीं तो इसमें तो बेसिकली ए बी सी डी है और कुछ नहीं है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ क्योंकि ओ तक ही है तो बेसिकली ए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन तो आप देखिए ई फाइव है ई फाइव जी सेवन आई नाइन ए इलेवन और नेक्स्ट ऑर्ड नंबर एम थर्टीन नेक्स्ट ऑर्ड नंबर ओ फिफ्टीन तो हमारा आंसर अल्फाबेट से भी मैच कर रहा है तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा बी ठीक है आगे चलें आगे ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन बाली इज सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड मोती इज फोर्थ फ्रॉम द राइट मीन बाली एंड मोती एक्सचेंज पोजिशन बाली विल बी फिफ्टीन फ्रॉम द लेफ्ट uh and what will be moti's positions from the right to so, is question mein hum uh, basically row draw kar lenge aise row draw kar lenge aur assume karenge ki total children in a row let's say total children in a row are n n number of children are there to so, 1 तो ये मैं आपको समझाने के लिए आ, लिख रहा हूं वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे जो मैं फॉर्मूला बताऊंगा तो उससे आप डायरेक्ट ही बिना ये ड्रॉ किए आप कर सकते हो ये समझाने के लिए मैं नंबर लिख रहा हूं तो जैसे हमने लिखा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन लास्ट हो गया एन तो बाली इज सेवन फ्रॉम बाली सेवेंथ पोजीशन पे बाली की ये ओल्ड पोजीशन थी क्योंकि आगे दिया हुआ है कि बाली बाद में इंटरचेंज करता तो बाली ओ लिख सकते हो आप एंड इज फोर्थ फ्रॉम द राइट तो राइट right में हम लिखेंगे जैसे ये एंथ टोटल चिल्ड्रन एन थे और ये होगा एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री उसी तरह आगे तो राइट right से ये एन वाली पोजीशन क्या होगी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो इसमें दिया हुआ मोती इज फोर्थ फ्रॉम द राइट तो मोती एन माइनस थ्री पे बैठा हुआ है तो मोती एन माइनस थ्री पे मोती ये मोती की ओल्ड पोजीशन है अब इन्होंने कहा है कि वो व्हेन बाली एंड मोती एक्सचेंज पोजीशंस तो बाली यहां पे आ गया यह बाली की न्यू पोजीशन है बाली न्यू और मोती बाली की जगह चला गया ये हो गई मोती की न्यू पोजिशन सेवेंथ नंबर ठीक है तो इसको आ, हमारे पास दिया हुआ है बाली विल बी फिफ्टींथ फ्रॉम द लेफ्ट तो बाली की पोजीशन जो ये दी हुई है न्यू पोजीशन ये फिफ्टीन फ्रॉम द लेफ्ट है और जब हमने पीछे से देखी तो वो पोजीशन क्या है एन माइनस थ्री तो फिफ्टीन फ्रॉम द लेफ्ट इज इक्वल टू एन माइनस थ्री क्योंकि बाली की पोजिशन क्या है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे और हमने ये देखा कि ये एन माइनस थ्री पे बैठा है तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास आ गए एटीन तो अभी पूछा है वॉट विल बी मोतीस पोजिशन फ्रॉम द राइट मोती अब कहां बैठा है सेवंथ पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट पे बैठा है तो हमारे पास टोटल चिल्ड्रन टोटल चिल्ड्रन आ गए एटीन तो हम देखेंगे कि मोती की पोजीशन फ्रॉम द राइट क्या है तो इसमें फॉर्मूला जो है वो है पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन आर ओ एन प्लस वन अब ये फॉर्मूला आप वेस्ट अप्लाई uh, करके भी देख सकते हैं सपोज फॉर एग्जाम्पल दो ही लोग हैं या आ, एक ही लोग है एक पे भी कर सकते दो पे भी या एन नंबर किसी पे भी कर सकते हैं सपोज दो लोग हैं तो पोजिशन अगर हम इसको देखें तो पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट इसकी क्या है टू पोजिशन इसकी राइट से क्या है वन क्योंकि राइट से देखेंगे तो पहले नंबर पे बैठा है टोटल नंबर कितने हुए टू प्लस वन थ्री वेरी थ्री और सपोज नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज्यादा है तीन है चार है और इसी की पोजिशन हमें देखनी है तो आ, इसकी पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट क्या है टू इसकी पोजीशन फ्रॉम द राइट क्या है वन टू थ्री टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इन अरो फोर फोर प्लस वन तो टू प्लस थ्री फाइव फोर प्लस वन फाइव तो ये हर केस में वैलिड होगा हम आपका चाहे आपके एन है चाहे जितने मर्जी आ, और मतलब ये तो मैंने आपको लेफ्ट में समझाने के लिए बताया कि आप दो इसको टेस्ट आउट कर सकते हैं तो ये आपका हमेशा एप्लीकेबल होगा और इस केस में हमारे केस में जो दिया हुआ है मोती पोजीशन फ्रॉम द राइट हमें आइडेंटिफाई करनी है तो मोती की पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हमें पता है पता है क्योंकि वो बाली की ओल्ड पोजीशन थी तो पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट सेवन पोजीशन फ्रॉम द राइट हमें अभी आइडेंटिफाई करनी है पोजिशन ये राइट इज इक्वल टू एन एन हमारे पास आ चुका है एटीन प्लस वन तो पोजिशन फ्रॉम राइट क्या आ जाएगी एटीन प्लस वन नाइनटीन माइनस सेवन इज इक्वल टू ट्वेल्व तो देखिए ऑप्शन में ट्वेल्व है ऑप्शन डी तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी चलिए आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स में दिया हुआ है वुमन मैन द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन तो ये एज ये रिलेशनशिप वाले केसेस हैं कि मेरे वो चाचे के भतीजे का लड़का मेरे बच्चे का या मेरे ब्रदर का क्या लगा उस टाइप के सवाल है तो इसमें ट्रिक क्या रहती है कि आप जो लास्ट में दिए आप सबसे लास्ट वाले से मूव फॉरवर्ड करो आगे इधर बैकवर्ड मतलब मदर से स्टार्ट करके ब्रदर फिर सन पे मतलब ऐसे इस डायरेक्शन में नहीं मैंने ऐसे बनाना था तो आप इसमें पहले मदर को लेके फिर ब्रदर फिर सन मतलब इस डायरेक्शन में आप जाएंगे तो आप आंसर पे जल्दी आ सकेंगे तो पहले हम लिख लेते हैं कि वुमन जो वुमन प्रेजेंट्स अ मैन तो ये मैन को हमने अब से लिख दिया एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ अर मदर तो पहले हमने लिख दिया मदर क्योंकि हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ हर मदर ब्रदर ऑफ अर मदर तो इसकी मदर का ब्रदर का बेटा है वो आदमी सन तो पहले हमने मदर से स्टार्ट किया वुमन की मदर के ब्रदर का बेटा वो मैन है तो वुमन की मदर का ब्रदर आपका क्या लगा अंकल और अंकल मामा जी तो मामा जी का लड़का आपका क्या लगा कजन तो इसमें क्या ऑप्शन सी तो ये आ जाएगा सी कजन हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन तो मैन इज द कजन ऑफ द वुमन क्योंकि वुमन कह रही है कि ये आदमी मेरे आ, मदर के ब्रदर का बेटा है सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर ठीक है तो हमने मदर से स्टार्ट किया मदर के ब्रदर का बेटा आपका क्या लगा कजन ठीक है तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं ये भी इसी टाइप का है फेसिंग अ मैन इन आई नीरो सेड योर सन इज माय सनज अंकल तो इसमें भी हम पीछे से स्टार्ट करेंगे माय सन्स अंकल इज योर सन तो पहले हम लिख लेते हैं नीरू सॉरी नीरो तो फेसिंग अ मैन इन द आई नीरो सेड योर सन इज माय सन्स अंकल तो माय सन अंकल माय सन्स अंकल आपका क्या लगा आपके बच्चे का आ, बेटा सॉरी आपके बच्चे का आ, अंकल आपका आ, क्या लगा ब्रदर माय सन्स अंकल आपका भाई तो आपका भाई माय सन्स अंकल हो गया तो जिस आदमी को वो कह रहा है जिस मैन को वो कह रहा है वो कह रहा है कि योर सन तुम्हारा बेटा मेरे आ, बेटे का अंकल है तो इस आदमी का तुम्हारा भाई नीरो का भाई क्या हो गया ये सन दिया हुआ है कि योर सन इसको नीरो कह रहा है कि आपके सन मेरे सन का अंकल लगा इज माय सन अंकल तो नीरो का ये आदमी क्या लगा नीरो का ये भाई और भाई इसका बेटा है जिस आदमी को वो कह रहा है तो नीरो का ये आदमी क्या लगा फादर उस आदमी को कह रहा है कि तुम्हारा बेटा मेरे बेटे का अंकल है तुम्हारे तो पहले हमने यहां से स्टार्ट किया था माई सन्स अंकल वो आपका क्या लगा ब्रदर तो ब्रदर जिसका बेटा है वो आपके फादर हुए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें ये डिनोशंस दी हुई हैं एक्सक्लमेशन एट द रेट परसेंटेज एक्सपोनेंट तो इन सब इस टाइप के सवाल काफी uh, पूछे जाते हैं सी सैट में चाहे वो स्टेट सिविल सर्विस हो या यूनियन यूपीएससी uh, हो तो इस टाइप के सवाल में पहले आप uh, लिख लो कि ये डिनोट्स एडेड टू ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे एट द रेट ये क्या डिनोट कर रहा है ये डिनोट कर रहा है डिवाइडेड बाय फिर परसेंटेज ये डिनोट कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय और ये एक्सपोनेंट ये डिनोट कर रहा है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम उसके बाद आप इक्वेशन पे इनको रिप्लेस कर दो थर्टीन एक्सक्लमेशन साइन क्या है प्लस वन जीरो टू एट द रेट क्या है डिवीजन है डिवाइडेड बाय सिक्स परसेंटेज क्या है मल्टीप्लाइड बाय टू माइनस फोर्टी वन तो इसमें हमारा कौन सा रूल अप्लाई होता है बॉडमास ये हमने सबने जूनियर क्लासेस में किया हुआ तो bracket, order, division, addition, है तो बॉर्ड मस क्या रहता है ब्रैकेट ऑर्डर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन ठीक है ब्रैकेट ऑर्डर ऑर्डर का मतलब रहता है पावर रूट पावर रूट्स अगर ऐसे दिया होता टू टू uh, की पावर या टू की पावर टू uh, या फोर तो वो पहले सॉल्व होता मतलब डिवीजन से पहले और ब्रैकेट के बाद

थर्टी फोर तो थर्टी फोर थर्टीन प्लस थर्टी फोर फोर्टी सेवन माइनस फोर्टी वन तो ये आंसर हमारा आ जाएगा सिक्स ठीक है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट uh, क्वेश्चन हमारा है ट्वेंटी uh, नाइन्थ जिसमें हमें बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ ट्रैंगल्स इन द गिवन फिगर तो इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में जनरली हम पहले जो स्मॉल uh, फिगर्स में हमें ट्रैंगल्स दिख रहे होते हैं हम पहले उनको मार्क कर लेते हैं जैसे इसमें ये फिगर है तो इसमें हम जो स्मॉल ट्रायंगल्स हमें पहले दिख रहे हैं आप लेफ्ट से स्टार्ट करो राइट right से uh, कहीं से भी तो जो स्मॉल ट्रायंगल्स हैं उनको मार्क कर लीजिए पहले जैसे ये फर्स्ट ट्रायंगल हो गया ये हमारा सेकेंड ट्रायंगल हो गया ये थर्ड ट्रायंगल हो गया ये ट्रायंगल नहीं है तो इसको हमने अल्फाबेट मार्क कर दिया है कुछ भी आप मार्क uh, कर सकते हो तो इसको मैंने ए मार्क कर दिया इस फिगर को बी मार्क कर दिया क्योंकि ये फोर साइडेड है कॉर्डिलेटर है तो हमें इसमें ट्रैंगल पूछा गया तो तीन ट्राइंगल ये हो गए ये चौथा दिख रहा है ये पांचवा दिख रहा है ये छठा दिख रहा है तो इसमें स्मॉल जो ट्राइंगल्स हैं वो छे ही हैं तो हम लिख लेते हैं पहले स्मॉल ट्रैंगल्स स्मॉल ट्राइंगल्स इक्वल सिक्स अब हमें देखना है कि जो दो स्मॉल ट्राइंगल्स को मिला के पहले हम दो से स्टार्ट करेंगे फिर तीन से स्टार्ट करेंगे फिर चार फिर पांच मतलब जितने कॉम्पोनेंट्स को मिला के मतलब कहने का मतलब है कि जैसे टू और थ्री को मिला के एक ट्रायंगल बन जाएगा तो ये टू ट्रायंगल्स को टू कॉम्पोनेंट्स को मिला के हमारे कितने ट्रायंगल्स बन जाएंगे वो हम लिख लेते हैं तो टू और थ्री को मिला के एक ट्रायंगल बन जाएगा उसको हमने नाम दे दिया सेवन ये टू और थ्री को मिला के फिर एक थ्री और ए को मिला के बन जाएगा ये ट्रायंगल इसको हमने uh, नाम दे दिया एट उसी तरह हम देखेंगे कि एक ट्रायंगल बन जाएगा फोर और फाइव को मिला के फोर और फाइव को मिला के इसको मैंने नाम दे दिया नाइन उसी तरह एक बन जाएगा फाइव और बी को मिला के ये ट्रायंगल, <coughs> तो फाइव प्लस बी इसको मैंने नाम दे दिया टेन तो अभी टू को मिला के और कोई ट्रायंगल नहीं बन पा रहा देखिए हम सारे कॉम्बिनेशन अगर देखें तो ये और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा थ्री अब देखेंगे थ्री की तरफ कि तीन कॉम्पोनेंट्स को मिला के ये टू ट्रायंगल्स का मतलब है टू कॉम्पोनेंट्स को मिला के जो हमने नाम दिए थे टू कॉम्पोनेंट्स को मिला के कितने ट्रायंगल्स तो ये टोटल आगे चार तो ये आगे छह स्मॉल ट्रायंगल्स और ये आगे चार ये सेवन एट नाइन टेन अब थ्री कॉम्पोनेंट्स को मिला के हम देखते हैं कि हमारे कितने ट्रायंगल्स बन पा रहे हैं अब थ्री कॉम्पोनेंट्स को मिला के एक तो मुझे ये दिख रहा है फोर फाइव सिक्स ये ट्रायंगल बन जाएगा फोर फाइव सिक्स तो इसको मैंने नाम दे दिया इलेवन और देखिए एक ये बन जाएगा थ्री ए फोर ये बड़ा तीन कॉम्पोनेंट को मिला के तीन का मतलब है आप देख रहे हैं ना पहले टू कॉम्पोनेंट का मतलब है, टू थ्री टू थ्री फाइव बी आ, फोर फाइव फाइव बी तो अभी तीन कॉम्पोनेंट फोर फाइव सिक्स ये उसी तरह फिर देखेंगे तीन कॉम्पोनेंट थ्री ए फोर तो इसको मिला के एक बन रहा है ट्वेल्व और हमारा कोई थ्री कॉम्पोनेंट का जो हमें दिख पा रहा है आ, थ्री ए फोर हो गया उसी तरह इसका पैरल ये बन गया टू बी फाइव तो ये थर्टीन दे दिया अब देखिए आपने थर्टीन तो आइडेंटिफाई कर ही लिया तो इसका मतलब इसमें थर्टीन के बियॉन्ड कोई ऑप्शन अगर है तो वो फोर्टीन है तो हमें एक और ट्रैंगल मिल जाएगा तो वो आ, आ, फोर कॉम्पोनेंट्स को मिला के आ, हमें मिलना चाहिए तो वो हो जाएगा वन टू बी फाइव तो फोर को मिला के फोर कॉम्पोनेंट्स वन टू बी फाइव तो ये चौदह ट्रायंगल आ गए चौदह हमारा आंसर हो गया वैसे तेरह के जब आ जाएंगे उसके बाद ही हम डायरेक्ट वैसे चौदह मार्क कर सकते हैं लेकिन फिर भी आ, कि सारे ट्रायंगल्स हम आइडेंटिफाई कर लें कि श्योर शॉर्ट हो जाए तो चौदह ट्रायंगल्स पांच कंपोनेंट से कुछ नहीं बन रहा पांच कॉम्पोनेंट में से कुछ भी बन नहीं पाएगा क्योंकि ये शेप ही एक असिमेट्रिकल शेप टाइप ही है तो इसमें हमें कुछ ज्यादा वो नहीं मिल रहा जनरली जो इन फिगर्स में फॉर्मूला लग जाता है वो रहता है कि सपोज आपको पांच पॉइंट दिए हैं तो जनरली उसमें ये कॉम्बिनेटोरियल वाला फॉर्मूला लग जाता है कि कोई भी पांच पॉइंट से हम तीन कॉम्बिनेशन अगर लें तो फाइव सी थ्री वो हम आगे देखेंगे कि वो कैसे करते हैं लेकिन इस शेप में इस तरह का कुछ नहीं बन पा रहा उसमें भी जो ये पांच पॉइंट्स हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन में है वो फिर हमें माइनस करने पड़ते हैं कि कोई स्ट्रेट लाइन वाले तो नहीं है कोई अगर पांच रैंडम पॉइंट्स हैं कि इस तरह की सबके कॉम्बिनेशन से किसी को भी आप बना लो तो एक ट्रैंगल बन जाएगा वो अलग रहता है उसमें फिर फाइव सी थ्री फॉर्मूला लागू हो सकता है तो इस टाइप का इस शेप में कुछ नहीं लग पा रहा तो इसलिए हमें ये स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है कि पहले सिंगल ट्राइंगल आइडेंटिफाई कर लो फिर टू कॉम्पोनेंट फिर थ्री कॉम्पोनेंट्स फिर फोर फिर उसी तरह आगे तो इसमें हम क्वेश्चन पे अराइव हो गए हैं फोर्टीन और बाकी जो जहां फॉर्मूले लग जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे वो सिमेट्रिकल शेप होता है कि एक ट्राइंगल है तो उसमें अगर एक बाइसेक्ट है तो उसमें फॉर्मूला लग जाता है कि एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू हमारे कितने बाइसेक्ट वो कर रहा है जैसे इसमें आप देखोगे वन टू और एक बड़ा ट्रायंगल तो तीन हमारे ट्रायंगल हो जाएंगे तो इसमें एक बाइसेकट कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो टू पार्ट्स में कर रहा है तो एन टू आ जाएगा तो टू टू प्लस वन थ्री डिवाइड बाई टू तो तीन आ जाएगा इस तरह के फॉर्मूले एक सिमेट्रिकल उसमें लग जाते हैं लेकिन इसमें हमारा इस टाइप से कुछ नहीं लग रहा उसी तरह अगर दो बाइसेक्ट हैं दो बाइसेक्ट हैं उसमें भी ये सिमिलर फॉर्मूला लग जाता है तीन कॉम्पोनेंट में डिवाइड कर रहा है बाइसेक्ट तो इसमें ट्राइंगल देख लीजिए एक दो तीन एक वन प्लस प्लस टू टू फोर प्लस थ्री आ, फाइव और एक बड़ा सिक्स तो इसमें अगर फॉर्मूला लगाए तीन बाइसेक्ट में कर रहा है थ्री आ, आ, ये, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू तो एन हो गया थ्री वन टू थ्री थ्री इंटू एन प्लस वन फोर डिवाइड बाई टू तो इसमें ये फॉर्मूले लग जाते हैं लेकिन इस टाइप ऑफ एग्जाम्पल में आपको ही करने होते हैं। मैं आपको और भी बताऊंगा प्लस वन बाई टू वो हम सारा डिस्कस करेंगे अ, लेकिन फिलहाल हम ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें इस टाइप का फॉर्मूला नहीं एप्लीकेबल हो रहा तो अ, हमने वो पार्ट स्किप कर रहे हैं कि जिसमें इस टाइप के फॉर्मूले लग पा रहे होंगे वो हम देखेंगे लेकिन अभी फिलहाल इसमें नहीं है तो वो हम पोर्शन स्किप आउट कर रहे हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव आउट करते हैं तो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है आ, उसमें भी सिमिलर है उसमें भी फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर इसमें भी एक कॉम्प्लेक्स शेप है और इसमें भी हमें सिमिलर मेथड ही करना पड़ेगा क्योंकि <coughs> इसमें भी वो वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको कॉम्बिनेटोरियल्स वाला बताया था आफ, आ, कि पॉइंट्स आप काउंट कर लीजिए जैसे सपोज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वो इसमें आ, अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि उसमें हर ट्रायंगल जैसे ये ट्रायंगल क्लोज नहीं है क्योंकि भी तीन पॉइंट से हमारा क्लोज ट्रायंगल मतलब बन रहा हो कि इसमें ये सारी क्लोज्ड फिगर्स नहीं है तो इसलिए इसमें एप्लीकेबल नहीं है कि जैसे ये क्लोज फिगर नहीं है तो नहीं तो जनरली अगर आपको दिया हो कि छे छह पॉइंट्स दिए हैं और उसमें सारे पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे नहीं है तो कितने ट्राइंगल बन जाएंगे तो उसमें सिंपल है कि सिक्स थ्री लेकिन इसमें इस टाइप का कोई एप्लीकेबल नहीं है तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही इस क्वेश्चन में हम पहले स्मॉल ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई करते हैं कि स्मॉल ट्राइंगल्स हमारे कौन कौन से दिख रहे हैं फिर वैसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि हम कित दो कॉम्पोनेंट तीन कॉम्पोनेंट चार पाँच जितने भी हमें मिलेंगे उससे हमारे कितने बन पा रहे हैं तो पहले यहां से स्टार्ट करते हैं तो ये ट्रायंगल हमारा नहीं है ये फोर साइडेड हो गया तो इसको हमने ए दे दिया ये हमारा एक ट्रायंगल दिख रहा है तो इसको ये फर्स्ट ट्रायंगल हो गया ये ट्रायंगल नहीं है तो इसको अल्फाबेट दे दिया बी और उसी तरह ये छोटा ट्रैंगल मुझे दिख रहा है तो इसको टू दे दिया ये ट्रैंगल नहीं है तो इसको सी दे दिया ये भी हमारा ट्रैंगल नहीं है तो इसको अल्फाबेट दे दिया मैंने नाम उसी तरह ये भी ट्रायंगल नहीं है तो ई e दे दिया और ये आ, हमने इस ट्रायंगल को छोटे ट्रायंगल को नाम दे दिया आ, थ्री थर्ड इसको फोर दे देते हैं उसी तरह इसको फाइव इसको सिक्स और इसको सेवन तो हम देखेंगे कि हमारे जो छोटे ट्रायंगल हैं स्मॉल ट्रायंगल्स वो हमारे आ जाएंगे सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब इसमें ये एडवांटेज है कि एक शेप सिमेट्रिकल है इस लाइन के लॉन्ग शेप सिमेट्रिकल है तो जनरली हमारे जो ट्रैंगल्स uh, आएंगे वो आप देखेंगे इधर जो आ रहे हैं उसी तरह इधर आएंगे मतलब आगे uh, हम चेकआउट करते हैं तो आगे मैं दो कॉम्पोनेंट वाले लेता हूँ दो कॉम्पोनेंट uh, में हमारे कौन कौन से बन जाएंगे टू कॉम्पोनेंट्स तो उसमें हमारे बनेंगे जैसे ये टू प्लस सी बन जाएगा एक ट्रायंगल तो टू प्लस सी इसको मैंने नाम दे दिया एट उसी तरह हमारा बन जाएगा थ्री प्लस सी इसको मैंने नाम दे दिया नाइन और एक बन जाएगा थ्री और फोर ये थ्री और फोर इसको दे दिया टेन और उसी तरह थ्री सी हो गया टू सी हो गया थ्री फोर हो गया और एक हो गया ए और वन ए और वन कि इसको नाम दे दिया इलेवन आप देखेंगे कि इसी का सिमिट्रिकल इधर मिल जाएगा हमें तो ए और वन का इधर ही सिमिट्रिकल जैसे मैं लिखता हूं तो इसका सीमेट्रिकल बी और वन थ्री और फोर जैसे इधर बनाया उसी का सिमेट्रिकल हमें मिल जाएगा इधर फाइव और सिक्स थ्री और सी जैसे हमने इधर लिखा है थ्री सी उसी का सिमेट्रिकल इधर मिल जाएगा सिक्स और ई e. मतलब ये सिमिट्रिकल शेप में हमें फायदा होता है टू सी जैसे इधर बनाया उधर इधर भी मिल जाएगा सेवन और ई तो एट नाइन टेन इलेवन और इसको हमने नाम दे दिया ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन और हमें देखेंगे तो कोई भी टू कॉम्बिनेशन वाले कुछ नहीं बन पाएंगे ट्राइंगल्स किसी और डी नहीं है फोर और डी नहीं है क्योंकि ये पेंटागन शेप आ गया और उसी टाइप से बाकी किसी कॉम्बिनेशन पे नहीं मिल पाएगा तो टू कॉम्पोनेंट वाले हमारे ये सारे आ गए आठ कि चार हमारे इस लाइन के इधर थे और चार इस लाइन के इधर तो आठ आ जाएंगे उसी तरह हम देखेंगे कि थ्री कॉम्पोनेंट वाले वाले हमारे कितने आ जाएंगे तो थ्री कंपोनेंट्स वाले हम स्टार्ट करते हैं तो देखेंगे तो ये बन जाएगा एक हमारा थ्री सी ए ये थ्री सी ए इसको हमने नाम दे दिया पंद्रह किया था तो इसको हमने दे दिया सिक्सटीन ट्राइंगल उसी तरह हमारा आप इधर पैरल देखेंगे तो बी ई सिक्स है बी प्लस ई प्लस सिक्स तो इसको हमने नाम दे दिया सेवनटीन और इधर हमारा एक बन जाएगा फोर डी वन ये वाला फोर डी वन इसको मैंने नाम दे दिया एटीनथ उसी तरह इसी का पैरल फाइव डी वन इधर क्योंकि ये सिमेट्रिकल uh, शेप है तो इसमें हमें जो इधर लेफ्ट uh, साइड मिलेगा वही राइट साइड मिलता रहेगा तो इसमें हमने आइडेंटिफाई कर लिए चार इसके बियॉन्ड हमारा कोई और बन पा रहा है सेवन ई डी नहीं है टू ई सी डी नहीं है थ्री सी ए हमने काउंट कर लिया तो इसमें हमारे इतने ही बन पाएंगे फोर कॉम्पोनेंट में जैसे टू कॉम्पोनेंट में हमारे एट ट्राइंगल्स थे सिंगल uh, कॉम्पोनेंट में हमारा सेवन ट्राइंगल्स थे इसमें हमारे फोर ट्राइंगल्स हो गए तो सेवन प्लस एट फिफ्टीन प्लस फोर नाइनटीन अभी हम देखते हैं कि फोर कॉम्पोनेंट में हमारे और कोई ट्राइंगल्स uh, हैं तो फोर कॉम्पोनेंट से हमारे कौन कौन से बन जाएंगे फोर कंपोनेंट्स में एक तो मुझे यही दिख पा रहा है जैसे हम देखेंगे कि टू सी डी फाइव ये वाला टू सी डी फाइव ये नाइनटीन तक हमने काउंट किया था तो ये ट्वेंटी हो गया उसी तरह हम देखेंगे सेवन ई डी फोर ये इसी का पैरेलल मतलब सेवन ई e, ये सेवन है सेवन ई डी फोर तो ये हमारा हो गया ट्वेंटी वन तो ये ट्वेंटी वन ट्रैंगल हो गया और फोर कंपोनेंट्स में हमारा हम देखेंगे तो हमारा कोई और मिल नहीं पा रहा ये बाकी सारे फाइव कंपोनेंट या थ्री कंपोनेंट वाले तो हमने कर लिए तो फोर कंपोनेंट हमारे इतने टू सी डी फाइव और इसी का पैरल इधर सेवन ई डी फोर तो टू कॉम्पोनेंट हमारे टू ट्राइंगल्स हो गए फिर हम आगे देखते हैं फाइव कॉम्पोनेंट में फाइव कॉम्पोनेंट में हमारे कितने बन पा रहे हैं तो फाइव कॉम्पोनेंट में एक तो हमें यही दिख रहा है फोर डी वन बी ई फोर डी वन बी ई तो ये हमारा हो गया ट्वेंटी सेकेंड नंबर ऑफ ट्राइंगल और हमारा फोर वन बी डी ई इसी तरह इधर हमारा इसी का पैरेलल हो गया फाइव सी डी वन ए फाइव सी डी वन ए हमारा ट्वेंटी थर्ड हो गया और फोर कंपोनेंट में हमारा कोई है तो और फोर कंपोनेंट में वन इससे नहीं बन पा रहा फोर वन डी ई वी ए हमने काउंट कर लिया और ए सी वन डी ए ये काउंट कर लिया एक ये बन पा रहा है देखिए टू सी डी ई सिक्स फाइव ये लेकिन सिक्स कॉम्पोनेंट है ये हम सिक्स कॉम्पोनेंट में करेंगे लेकिन इसमें हमारा ये वाला बन जाएगा टू सी डी फाइव अच्छा ये सिक्स कॉम्पोनेंट में हमारा जाएगा और एक हमारा जाएगा सेवन ई डी सी टू ये ये वाला ये फाइव कॉम्पोनेंट में जा रहा है इसको मैंने लिख दिया यहां पे टू सी डी ई और सेवन तो ये मेरा ट्वेंटी फोर्थ ट्राइंगल हो गया तो सिक्स कंपोनेंट में भी हमने आइडेंटिफाई किया था कि सिक्स कंपोनेंट में एक हमें मिल ही पा रहा है तो हमारा ट्वेंटी फोर के तो बियॉन्ड चला ही गया तो फिर भी देखते हैं सिक्स कंपोनेंट्स में हमारे कौन कौन से हैं सिक्स कंपोनेंट्स में सिक्स कंपोनेंट्स में हमारा आ जाएगा एक तो वन ए डी सी थ्री फोर वन ए सी डी थ्री फोर ये वन ए सी डी थ्री फोर ये हमारा ट्वेंटी फिफ्थ हो गया उसी तरह इधर पैरल हमारा हो जाएगा वन बी वन बी डी ई और फाइव सिक्स तो ये हमारा ट्वेंटी सिक्स हो गया अब इसके बियॉन्ड हम देखेंगे कि सिक्स वाले कोई और हैं तो सिक्स वाला एक ये दिख रहा है थ्री फोर सी डी ई सेवन थ्री फोर सी डी ई सेवन तो ये ट्वेंटी सेवन हो गया हमारा तो वैसे तो आंसर आप डायरेक्ट कर सकते हो ट्वेंटी एट क्योंकि हमने ट्वेंटी सेवन आइडेंटिफाई कर लिया लेकिन फिर भी इसका लास्ट ये हो जाएगा फाइव सिक्स ई डी सी टू फाइव सिक्स E D टू जो हमारा हो जाएगा ट्वेंटी तो हमने ट्वेंटी इसमें टिक कर देंगे ट्वेंटी एट इसमें हमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हमें सारे कॉम्पोनेंट्स ऐड करके आ, करना है इसमें इजी मेथड्स फिलहाल इस फिगर में नहीं है लेकिन कुछ फिगर्स में हमें मिल जाते हैं इजी मेथड फॉर्मूले जैसे मैंने आपको ऊपर बताया इसमें हमें स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ता है कि स्मॉल ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई करके फिर उसी तरह कॉम्पोनेट्स अगर आप कॉम्पोनेंट्स नहीं लिखोगे तो कंफ्यूजन होता कि ये कर लिया ये नहीं किया तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि पहले स्मॉल ट्राइंगल्स फिर उससे उस जो फिगर को मार्क किए उसके दो कॉम्पोनेंट तीन कॉम्पोनेंट चार कॉम्पोनेंट तो कॉम्पोनेंट वाइज जाएंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा जैसे इसमें हमने पहले सिंगल फिर दो ये देखिए सारे दो वाले हैं फिर ये सारे तीन वाले हैं फिर उसी तरह चार कॉम्पोनेंट वाले हैं ये पांच कॉम्पोनेंट अगर कोई छह कॉम्पोनेंट का आपको वैसे दिख रहा है तो आप नीचे लिख सकते हो कि पहले आप सारे लिख लीजिए जैसे हमने ऊपर भी लिखा था कि वन टू थ्री फोर फाइव तो फाइव वाला हमारा कोई मिला नहीं था तो फाइव ये जीरो आ गया था उसी तरह आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लिख लीजिए और जिसमें आपको दिख रहा है पहले दिख रहा है तो उसका वो लिखते रहिए नहीं तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप आंसर पे पहुंच ही जाएंगे तो इसमें हमारा आंसर ट्वेंटी आ जाएगा चलिए आगे चलते हैं तो आगे हमारा थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है इफ द मार्ग प्राइस ऑफ थर्टी आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ फोर्टी आर्टिकल्स देन फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट तो ये क्वेश्चन सिंपल uh, है मार्ग प्राइस जैसे हम देखते हैं कि हमारे उस पर एमआरपीज रहती हैं मार्ग प्राइस तो उसको एम आर पी तो uh, को मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलते हैं तो इसमें uh, दिया हुआ है मार्क्ड प्राइस तो मार्क्ड प्राइस जो आर्टिकल पे मार्ग होगी तो मार्क प्राइस जैसे एम ले लिया मैंने ऑफ थर्टी आर्टिकल्स तो थर्टी आर्टिकल्स की मार्क प्राइस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ फोर्टी आर्टिकल्स तो सेलिंग प्राइस ऑफ फोर्टी आर्टिकल्स तो उसको मैंने एस लिख दिया सेलिंग प्राइस को मैंने लिख दिया एस तो इससे हमें आ जाएगा मार्ग प्राइस इज इक्वल टू फोर बाय थ्री ऑफ एस तो हमें लिखना है परसेंटेज डिस्काउंट तो जैसे आपका एमआरपी दिया होता है सौ रुपए है तो बीस परसेंट डिस्काउंट देके आपको सेल कर रहे होते हैं एट्टी पे जैसे आप एमेजॉन या किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे देखते हैं तो उस पर लिखा रहता है फिफ्टी टू परसेंट डिस्काउंट एट्टी परसेंट डिस्काउंट तो मार्ग प्राइस से होता है तो आपको वो सेल कर रहा होता है जैसे हजार रुपए की आइटम पे फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट तो आपको पांच सौ रुपए पे सेल कर रहा होता है तो उसी तरह डिस्काउंट हमारा आ जाएगा मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपऑन मार्क प्राइस तो मार्क प्राइस इसमें हमने कैलकुलेट किया फोर बाय थ्री ऑफ एस पी बाय एस पी तो मार्क प्राइस फोर बाय थ्री ऑफ एस पी तो ये ऊपर हम थ्री इधर ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा एस पी बाय थ्री और इधर हमारा फोर एस पी बाय थ्री 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 कटा एस पी एस पी कटा तो so ये हमारा आ जाएगा वन बाय फोर जो कि आएगा पॉइंट टू फाइव यहाँ परसेंटेज में लेंगे तो ट्वेंटी फाइव परसेंट तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ए, ठीक है तो हम आगे चलते हैं आगे हमें क्वेश्चन uh, दिया थर्टी टू जिसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट स्कोर्स थर्टी सिक्स परसेंट मार्क्स एंड ही टू मार्क्स बट इफ ही स्कोर्स फोर्टी एट परसेंट मार्क्स देन ही विल गेट सिक्सटी फोर मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स फाइंड द पास परसेंटेज तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में पहले हम लिख लेते हैं लेट्स uh, से टोटल मार्क्स आर एक्स टोटल मार्क्स एक्स तो इफ यू स्कोर थर्टी सिक्स परसेंट मार्क्स तो थर्टी सिक्स परसेंट मतलब पॉइंट थ्री परसेंट ऑफ एक्स उसने मार्क्स स्कोर किए तो ही फेल्स बाय थर्टी टू मार्क्स तो मतलब उसने पॉइंट थ्री सिक्स मार्क्स अगर स्कोर किए तो प्लस थर्टी टू करेंगे तो वो पासिंग मार्क्स हो जाएंगे र द पासिंग मार्क्स जैसे सपोज टोटल मार्क्स एक्स की जगह मैं सौ लेता तो उसने छत्तीस मार्क्स स्कोर किए तो इस क्वेश्चन का मतलब था अगर छत्तीस स्कोर करता है तो बत्तीस और स्कोर कर लेता तो फेल नहीं होता या वो पासिंग मार्क्स सपोज थर्टी सिक्स प्लस थर्टी टू सिक्सटी एट आ गया तो बत्तीस मार्क्स से फेल हो गया मतलब पासिंग मार्क्स माइनस थर्टी टू या uh, आप लिख सकते हैं जो मार्क्स स्कोर किए उसमें थर्टी टू एड कर देंगे तो पासिंग मार्क्स तो ये uh, हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी कि थर्टी सिक्स परसेंट मार्क्स प्लस थर्टी टू इज इक्वल टू पासिंग मार्क्स और उसी तरह दिया इफ ही स्कोर फोर्टी एट परसेंट मार्क्स देन ही मतलब है कि जो पासिंग मार्क्स हमने ऊपर लिया इक्वेशन पासिंग मार्क्स प्लस सिक्सटी फोर ये सेकेंड इक्वेशन से आ गया अब दो इक्वेशनों को इक्वेट कर देंगे पासिंग मार्क्स की जगह हम ये इक्वेशन डाल देंगे तो पॉइंट फोर एट एक्स इसको मैं इससे रिप्लेस कर रहा हूं इक्वेशन वन से तो ये हमारा आ जाएगा पॉइंट थ्री सिक्स एक्स प्लस थर्टी टू प्लस सिक्सटी फोर तो ये पॉइंट थ्री सिक्स इधर जाएगा तो ये बन जाएगा पॉइंट वन टू एक्स थर्टी टू प्लस सिक्सटी फोर ये नाइन्टी सिक्स तो एक्स हमारा आ जाएगा नाइनटी सिक्स बाय पॉइंट वन टू जो कि इक्वल टू आ जाएगा इसको करेंगे तो एट हंड्रेड तो एट हंड्रेड हमारे टोटल मार्क्स आ जाएंगे और फाइंड द पास परसेंटेज तो पास परसेंटेज पासिंग मार्क्स से आ जाएगी तो पॉइंट थ्री परसेंट ऑफ एट हंड्रेड प्लस थर्टी टू हमारे पासिंग मार्क्स आ जाएंगे तो पॉइंट थ्री परसेंट ऑफ ये हम करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा एट फोर टू एट एट प्लस थर्टी टू ये आ जाएगा हमारा थ्री ट्वेंटी तो पासिंग परसेंटेज कितनी आ जाएगी थ्री ट्वेंटी बाय एट हंड्रेड विच इज इक्वल टू फोर्टी परसेंट पॉइंट फोर आ जाएगा इसको करके तो फोर्टी परसेंट तुम्हारा आंसर ए ठीक है तो uh, आगे चलते हैं थर्टी थर्ड क्वेश्चन पे थर्टी थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फाइंड द द मंथ मंथली इनकम्स ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो ऑफ फोर एंड थ्री देयर मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो ऑफ हाउएवर एक्सपेंसिस रूपीज सिक्स थाउजेंड पर मंथ देन व्हाट इज देयर टोटल मंथली इनकम तो इसमें करते हैं जैसे मंथली इनकम्स ऑफ एक्स एंड वाई तो मंथली इनकम्स आपको एग्जाम में पूरा लिखने की जरूरत नहीं है मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं आप शॉर्ट भी लिख सकते हैं एम लिख सकते हैं या डायरेक्ट एक्स लिख सकते हैं तो मंथली इनकम ऑफ एक्स सपोज हमने इसको लिख दिया एक्स और मंथली इनकम ऑफ वाई को हमने लिख दिया सपोज लेट से वाई और ये दिया हुआ है कि दे आर इन द रेशियो एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो ऑफ फोर इंस टू थ्री और उसी तरह हमें दिया है इसको हमने लिख दिया एक्स वन मंथली एक्सपेंस ऑफ वाई को लिख दिया सपोज वाई वन तो मंथली एक्सपेंसिस आर इन द रेशियो तो एक्स वन बाय वाई वन इज इन द रेशियो थ्री इंस टू टू तो हावेर ईच से रूपी सिक्स थाउजेंड पर मंथ तो सेविंग्स क्या होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर तो सेविंग्स दोनों की है सिक्स uh, थाउजेंड पर मंथ विच इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन एंड वाई माइनस वाई वन ठीक है अब एक्स uh, क्या है यहां से एक्स हमारा आ जाएगा फोर बाय थ्री ऑफ वाई और इधर से हमारा एक्स वन क्या आ जाएगा थ्री बाय टू ऑफ वाई वन तो आप इसमें इसको रिप्लेस करेंगे एक्स को लिख दीजिए फोर बाय थ्री ऑफ वाई माइनस एक्स वन को आप लिखेंगे थ्री बाय टू ऑफ वाई वन तो पहले आप y और y1 का वो निकाल लीजिए रिलेशन तो 4 बाय थ्री ऑफ वाई y इधर जाएगा तो बन जाएगा आ, y बाय थ्री और 3 बाय टू वाई को मैं उधर ले गया तो ये बन जाएगा तो हमारा वाई और वाई वन में रेशियो आ जाएगा थ्री बाई टू ऑफ वाई वन वाईक टू थ्री बाई टू ऑफ वाई वन तो y माइनस वाई वन हमारा थाउजेंड है तो सिक्स थाउजेंड मैंने लिखा y माइनस वाई वन और y हमारा आ गया था थ्री बाय टू ऑफ वाई वन तो मेरा यहां से वाई वन कितना आ जाएगा वाई वन बाय टू आ जाएगा ये इज इकल टू सिक्स थाउजेंड तो वाई वन मेरा आ जाएगा बारह हजार वाई वन क्या है हमारा मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ वाई तो वाई uh, वन आ गया बारह हजार तो इससे एक्स वन आ जाएगा एक्स वन आ जाएगा हमारा uh, इसको बारह हजार से रिप्लेस करेंगे तो छह हजार हजार उसी तरह वाई uh, हमारा है थ्री बाय टू ऑफ वाई वन तो वाई आ जाएगा इससे हमारा थ्री बाय टू ऑफ वाई वन तो वाई वन बारह हजार है तो ये भी हमारा आ जाएगा अठारह हजार और x है फोर बाई थ्री ऑफ y तो इसको अठारह हजार से रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x x आ जाएगा हमारा चौबीस हजार तो हमें पूछा गया व्हाट इज द टोटल मंथली इनकम तो मंथली इनकम टोटल कितनी है इनकी x प्लस वाई तो बस इधर से फिगर्स रिप्लेस कर दीजिए x हमारा है चौबीस हजार वाई हमारा है अट्ठारह हजार तो ये हमारा आ जाएगा चौबीस हजार प्लस अट्ठारह हजार तो ये हमारा फोर्टी टू थाउजेंड तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा बी ठीक है तो इसमें बस आप जो भी वेरिएबल्स हैं उसको एक्स वाई से रिप्लेस कर दीजिए उससे हमारा <coughs> सिंपली फिर जो भी इक्वेशन दी हैं उसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है तो ये हमारा आ जाएगा फोर्टी टू थाउजेंड टोटल मंथली इनकम कई बार वो पूछ लेते हैं व्हाट इज देयर टोटल एक्सपेंडिचर तो क्वेश्चन को आपको देख के मतलब क्या पूछा गया उसके हिसाब से आपको आंसर करना है तो इसमें अगर एक्सपेंडिचर पूछ लेता व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर मंथली एक्सपेंडिचर तो आपको ऐड करना होता है एक्स वन प्लस वाई वन ठीक है तो इसमें हमें से हमसे पूछा गया मंथली इनकम तो आप करेंगे जो हमने लिखे एक्स प्लस वाई देर टोटल मंथली इनकम दोनों की टोटल कई बार पूछ लेता मंथली इनकम एक्स बताओ या वाई बताओ तो फिर जो भी आपको दिया उसके हिसाब से आपको आंसर मार्क करना है चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन थर्टी फोर तो इसमें दिया हुआ है पी थ्राइस एज फास्ट एज क्यू वेर एज पी एंड क्यू टूगेदर कैन वर्क फोर टाइम्स एज फास्ट एज आर इफ पी क्यू आर वर्क टूगेदर ऑन अ जॉब देन इन वॉट रेशर शुड दे शेयर देयर अर्निंग्स शेयर द अर्निंग्स तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में जनरली uh, हम स्टार्ट uh, करते हैं कर तो इसमें हम पहले लिखते हैं कि सपोज पी ये काम कंप्लीट कर लेता है एक्स डेज में क्यू काम कर लेता है कंप्लीट वाई डेज में तो एक्स डेज वाई डेज में काम कंप्लीट करने का मतलब है कि वो एक दिन में कितना काम कर लेता है तो इसमें यूनिटरी मेथड हम करेंगे कि सपोज पी टोटल वर्क टोटल वर्क एक्स दिन में करता है एक दिन में कितना काम करता है वन डे में वो कितना वर्क काम करता है एक दिन में वो वन बाय एक्स करेगा मतलब टोटल वर्क ये करता है सपोज लेट से दस दिन में दस दिन में पूरा काम करता है कंप्लीट हंड्रेड परसेंट मतलब वर्क इज इक्वल टू हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट मतलब वन हो गया तो वो पूरा काम कंप्लीट करता है हंड्रेड डेज में टेन uh, डेज uh, में सपोज तो एक दिन में वो कितना काम करता है वन बाय एक्स मतलब वन बाय टेन मतलब दस परसेंट कि पहले दिन दस परसेंट अगले दिन दस परसेंट तीसरे दिन दस परसेंट तो दस दिन में पूरा काम मतलब टेन इंटू टेन हंड्रेड परसेंट कंप्लीट कर लेता है तो एक दिन में उसका हो गया मतलब वन बाय एक्स कि एक दिन में पी काम करेगा वन बाय एक्स मतलब अगर एक्स की कुछ भी वैल्यू है चाहे आप जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था टेन का तो एक दिन में वो करेगा वन बाय एक्स उसी तरह क्यू क्यूं काम लिया था टोटल वर्क काम करता है वो वाई डेज में टोटल वर्क कंप्लीट हंड्रेड परसेंट वर्क कंप्लीट करता है वाई में तो एक दिन में वो कितना करेगा वन डे में उसका काम कितना होगा वन बाय वाई लेट से ये बीस दिन में काम कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना करेगा वन बाय ट्वेंटी मतलब पांच परसेंट एक दिन में पांच परसेंट करेगा दो दिन में टेन परसेंट उसी तरह थ्री पंद्रह बीस पच्चीस तीस इसी तरह इंटू uh, ट्वेंटी uh, करेंगे तो हंड्रेड परसेंट मतलब पांच uh, परसेंट एक दिन में बीस दिन में फाइव परसेंट इंटू ट्वेंटी हंड्रेड परसेंट ठीक है तो वर्क कंप्लीट उसको होगा एक दिन में वन बाय वाई तो ये दिया हुआ है कि पी वर्क थ्राइस एज फास्टेस्ट क्यू मतलब जितना पी uh, एक दिन में करता है वो क्यू से तीन गुना है तो जो एक दिन में वो काम कंप्लीट करता है सपोज जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था टेन uh, परसेंट तो वो uh, एक दिन में टेन परसेंट करता है तो मतलब वो क्यू uh, uh, कितना करता है थ्री पॉइंट थ्री परसेंट करता होगा कि uh, ये टेन परसेंट करता है तो ये थ्री बाय वाई कि ये वाई uh, uh, जो है वो क्यू मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज लेता है तो पी वर्क फास्ट एज क्यू तो वन बाय एक्स जितना पी एक दिन में काम करता है उतने उतने से तीन गुना क्यू के तीन गुना से तो ये आ जाएगा वन बाय एक्स इज इक्वल टू थ्री बाय वाई ठीक है आ, उसी तरह इफ पी एंड क्यू वर्क टूगेदर कैन वर्क फोर टाइम आर सपोज आर काम करता है Z दिन में तो ये हमारे पास लेट से फर्स्ट इक्वेशन आ गई उसी तरह हम देखेंगे uh, जब पी और क्यू इकट्ठे काम करते हैं मतलब वन बाय एक्स प्लस वन बाय वाई ये करते हैं चार टाइम्स एज फास्ट एज आर तो फोर बाय ठीक है जैसे हमने ऊपर देखा था लेट से ये ए, एक दिन में पंद्रह परसेंट काम कंप्लीट कर लेता है टी तो इसका मतलब है क्यू पांच परसेंट करता है कि ये पंद्रह परसेंट और ये थ्री बाय वाई तो वन बाय वाई था पांच परसेंट तो पंद्रह परसेंट काम मतलब कंप्लीट हो गया मतलब क्यू अगर पांच परसेंट करता है तो इसीलिए P वर्क थ्राइस एज फास्ट मतलब P पंद्रह परसेंट काम करता है उसी तरह जब P और Q इकट्ठे काम करते हैं तो वो R से चार गुना काम करते हैं तो इसलिए वन बाय एक्स प्लस वन बाय वाई इज इक्वल टू फोर टाइम्स एज फास्ट एज R तो ये सेकेंड इक्वेशन होगी जो नीचे लिखिए तो इसको हम सॉल्व करेंगे वन बाय एक्स को मैंने थ्री बाय वाई से रिप्लेस कर दिया तो प्लस वन बाय वाई इज इक्वल टू फोर बाय जेड तो ये सॉल्व करके आ जाएगा हमारा वन बाय वाई यहाँ फोर बाय वाई इज इक्वल टू फोर बाय जेड तो मतलब वन बाय वाई इज इक्वल टू वन बाय जेड तो कहने का मतलब है कि जितना फास्ट क्यू काम करता है उतना ही फास्ट हार करता है मतलब दोनों सेम नंबर ऑफ डेज में काम कंप्लीट करेंगे लेट्स से पी तीन दिन में काम कंप्लीट करता है तो ये दोनों नौ दिन में काम कंप्लीट करेंगे इसका कहने का मतलब ये है तो इसमें पूछा गया इन वोट रेशियो शुड दे शेयर देयर अर्निंग्स किस रेशो में वो अर्निंग शेयर करें तो उसी रेशो में अर्निंग शेयर करेंगे जिस रेशो में वो काम कंप्लीट कर रहे हैं मतलब काम की स्पीड है उनकी मतलब वन बाय एक्स बाय बाय वाई बाय वन बाय जेड तो वन बाय एक्स क्या है थ्री बाय वाई डिवाइडेड बाय बाय वाई डिवाइडेड बाय वन बाय Z बी वन बाय वाई है तो ये सारा कट गया तो रेशो उनकी क्या आ गई थ्री रेशो वन रेशो वन इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ए ठीक है तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में हम आ, इस आ, मतलब जितने कंप्लीट वो जितने दिन में काम करा रहता है उसका हमें परसेंटेज लेना है एक दिन का कि एक दिन में कितना काम कर रहा है वही उसका स्पीड होगा काम करने का जैसे हम स्पीड वाले में देखते हैं कि आ, कि एक स्पीड इज इक्वल टू जैसे हम लिखते हैं किलोमीटर पर आवर तो उसका मतलब होता है डिस्टेंस बाय टाइम उसी तरह इसमें हम यूनिटरी मेथड करते हैं कि जितना वो स्पीड उसकी है वो प्रोपोर्शनेट हो जाती है जितने टाइम में वो काम कर रहा है वन बाय जैसे एक्स डेज टाइम में इसका मतलब है डेज कि कितने टाइम में वो आ, काम उसका कंप्लीट हो रहा है जितने ज्यादा नंबर ऑफ दिन होंगे उतनी स्पीड कम होगी मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू उसकी स्पीड है ठीक है कि अगर वो सौ दिन ले रहा है उसकी स्पीड कम है अगर कोई बंदा पचास दिन ले रहा है उसी तरह आ, हमें इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है इसमें भी यही दिया हुआ है थर्टी फिफ्थ जैसे हम रीड आउट करते हैं इसमें दिया हुआ है एट uh, how कैन डू 12 वर्क इन ट्वेल्व डेज ट्वेंटी कैन कंप्लीट द सेम वर्क तो इसमें जैसे जैसे हमने ऊपर किया था तो हम लिख लेते हैं सपोज एक मेन एक्स डेज लेता है काम कंप्लीट करने को तो उसका मतलब एक दिन का आ, काम कितना है वन डे में वो कितना काम कर लेता है? वन बाय एक्स उसी तरह आठ आदमी एट मैन वो कितना काम कंप्लीट कर लेंगे एक दिन में एट x ठीक yeah. है ये हमारा आ जाएगा एट मैन का एक दिन का वर्क तो हमने उसी तरह ले लिया वुमन का सपोज एक वुमन का Eight, एक वुमन का लेट से वर्क है वाई डेज तो एक दिन का कितना काम हो जाएगा वुमन का वन बाय वाई उसी तरह ट्वेंटी वुमन का हो जाएगा ट्वेंटी वुमन का ट्वेंटी बाय वाई तो इसमें दिया हुआ है कि एट मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्किंग ट्वेल्व डेज तो एट एक्स वो एक दिन का काम है मतलब टोटल वो आदमी uh, कर लेते हैं डेज में तो 1 by 12 मतलब एक दिन में ये आठ आदमी का एक दिन का काम है तो टोटल काम का टाइम वो ले रहे हैं बारह दिन तो एक दिन में वो मतलब इतना काम कंप्लीट कर लेते हैं 1 by 12. तो हमारा इससे आ जाएगा कि एक आदमी ट्वेल्व इंटू एट नाइनटी सिक्स डेज में काम करता है और आठ आदमी उसी काम को कर लेते हैं ट्वेल्व डेज में उसी तरह वुमन का बीस वुमन का एक दिन का काम ट्वेंटी बाय वाई है और ट्वेंटी बाई वाई एक दिन का काम वो उनको टोटल दिन लगते हैं दस तो एक दिन का काम उनका है वन बाय ट्वेंटी तो मतलब एक वुमन का वुमन को लगेंगे टू हंड्रेड डेज उसी तरह टू हंड्रेड वुमन का लगेंगे टेन डेज टू कंप्लीट दैट वर्क तो हमें हमने सिंगल वुमन और सिंगल मैन का निकाल लिया कि उनको कितना दिन लगता है उसी तरह जो हमें क्वेश्चन में दिया था कि आठ आदमी को आ, लगेंगे बारह दिन बीस वुमन को लगेंगे दस दिन हमने एक वुमन का निकाल लिया फिर हमें आगे दिया हुआ है कि बारह आदमी और पंद्रह वुमन वो टुगेदर करती हैं तो कितना लगेगा तो उसमें सेम लगा देंगे कि एक आदमी को लगता है वन बाय एक्स एक वुमन को लगता है वन बाय वाई तो इसमें दिया है बारह आदमी तो बारह बाय एक्स और वुमन दी है पंद्रह तो इसमें कर देंगे पंद्रह बाय वाई ठीक है क्योंकि तो टुगेदर लिखा हुआ है तो बारह बाय एक्स तो बारह बाय एक्स हमारा आ जाएगा नाइन्टी सिक्स पंद्रह बाय ये आ जाएगा 200 तो ये तो मुझे पता है कि 8 से हो जाएगा ये हम 3 से करेंगे तो 3 बाय फाइव uh, से डिवाइड किया 3 और ये 40 तो 1 बाय एट प्लस थ्री बाय फोर्टी तो इसको मैंने uh, 40 लिया 5 इधर आ जाएगा 5 बाय फोर्टी प्लस थ्री बाय फोर्टी तो ये आ जाएगा 8 बाय फोर्टी तो ये आ जाएगा वन बाय फाइव मतलब उनको टुगेदर लगेगा टोटल पांच दिन क्योंकि वन बाय फाइव आ गया मतलब बारह मेन प्लस पंद्रह वुमेन वन बाय फाइव ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ काम एक दिन में कर लेती हैं तो टोटल टाइम उनको लगेगा फाइव डेज ठीक है वन बाय फाइव आ गया तो ये उनका टोटल नंबर ऑफ डेज आके फाइव डेज ठीक है इससे हमारा आंसर आ जाएगा बी चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं तो नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है थर्टी सिक्स टू फोर्टी डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर्स थर्टी सिक्स टू फोर्टी इन ईच क्वेश्चन बिलो इज गिवन अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय थ्री कोर्सेज ऑफ एक्शन नंबर वन टू थ्री एंड फोर अ कोर्स ऑफ एक्शन इज अ स्टेप और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन टू बी टेकन फॉर इंप्रूवमेंट फॉलो अप और फर्दर एक्शन इन रिगार्ड टू द प्रॉब्लम Uh, to the problem, policy, etc. On the basis of the information given in the statement, you have to assume everything in the statement to be true. Then decide which of the suggested courses of action logically follows for pursuing. to isme basically hame diya hai ki aapko statement di hogi और फिर आपको उसमें से बताना है कि कौन सा course of action हमें लेना चाहिए। तो इसमें आपको as a administrator, uh, as a policy maker आपको सोचना है। तो इन क्वेश्चन में बेसिकली आपको रिएक्टिव या एजिटेटिव स्टेप नहीं लेना होता इसमें आपको कह लीजिए कि एक स्टेप जो प्रॉब्लम को सॉल्व करे प्रॉब्लम को एग्रावेट ना करे तो वो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हमें देना रहता है इसमें हो सकता है कि सबका आंसर या सबकी सोच डिफरेंट हो लेकिन एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू है आपको क्योंकि ये एग्जाम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का है सिविल सर्विस का है तो आपको एज अ सिविल सर्वेंट सोचना है कि आपको अगर कोई मॉब कंट्रोल करनी है तो ऐसा नहीं कि मॉब को आप लाठी चार्ज कर दो या कुछ कर दो मतलब एग्रीवेट नहीं करना प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो अगर मॉब वाला आ, कुछ क्वेश्चन है या उस टाइप से कुछ है तो आपको मॉब को पैसिफाई करना है राधर देन जैसे मैंने कहा फिर से ऑन द वर्ज ऑफ रिपीटिंग कि आपको एग्रवेट प्रॉब्लम को नहीं करना प्रॉब्लम को पैसिफाई करना है सोल्यूशन देना है और किस केस में सोल्यूशन तुरंत मिल सकता है किस केस में सोल्यूशन के लिए आपको सपोज कमेटी भी बिठानी पड़ सकती है या आ, आपको एनालिसिस भी करनी पड़ सकती है तो वो हम देखेंगे कि इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है मतलब लॉजिकली एज अ सिविल सर्वेंट आपको क्या करना है तो इस पहला क्वेश्चन देखते हैं तो पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट uh, दी हुई है अ हैवी अनसीजनल डाउनपोर ड्यूरिंग द लास्ट टू डेज हैज पैरालाइज द नॉर्मल लाइफ इन द स्टेट इन विच फाइव पर्सन वर किल्ड बट दिस हैज प्रोवाइडेड अ ह्यूज रिलीफ टू द प्रॉब्लम ऑफ एक्यूट वॉटर क्राइसिस इन द स्टेट तो इसका मतलब है कि अनसीजनल uh, बारिश हुई है लास्ट दो दिन से जिसमें नॉर्मल लाइफ पैरालाइज हो गई है और कुछ uh, पांच लोगों की uh, पांच लोग भी मारे गए हैं लेकिन इससे जो वॉटर क्राइसिस की प्रॉब्लम थी अक्यूट वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम थी उसको थोड़ा रिलीफ मिला तो इसमें हमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन स्टेट गवर्नमेंट को लेना चाहिए तो कोर्स ऑफ एक्शन स्टेट गवर्नमेंट शुड सेट अप आर कमिटी टू रिव्यू द लार्मिंग सिचुएशन दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट शुड इमिजिएटली रिमूव ऑल द रिस्ट्रिक्शन यूज ऑफ पोर्टेबल वॉटर इन ऑल द मेजर सिटीज इन द स्टेट थर्ड है द स्टेट गवर्नमेंट शुड सेंड रिलीफ सप्लाईज टू ऑल अफेक्टेड एरियाज इन द स्टेट तो इसमें जो ये कमेटी वाला स्टेप है ये जस्टिफाई नहीं होगा क्योंकि आपके नॉर्मल uh, लाइफ पैरालिसिस हो गई है नॉर्मल लाइफ अनसीजनल डाउनपोर की वजह से अफेक्ट uh, हुआ है तो सबसे पहले आपको उसमें रिलीफ देना है कोई भी क्राइसिस या कुछ भी हो तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है रिलीफ रिलीफ टू द अफेक्टेड पॉपुलेशन तो थ्री तो आपका बिल्कुल होगा हो ही होगा अभी हमें देखना है कि इसमें थ्री ऑप्शन बस इन्हीं दो में है इसमें नहीं है तो ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो गए अला रिव्यू कमेटी को इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट महीने बाद आए जितनी देर बाद आए उसमें कित, पांच लोग तो अभी मारे गए हैं और कितने लोग अफेक्ट हो जाएंगे तो इमीजिएटली आपको ये नहीं करना कि कमेटी बैकड्रॉप में हो सकती है लेकिन आपको इमीजिएटली जो स्टेप लेना है वो तो हमेशा यही होगा कि आपको रिलीफ सप्लाईज अफेक्टेड एरियाज में पहुंचानी है ताकि नॉर्मल लाइफ बैक टू मतलब रिस्टोर हो सके और इकॉनमी और और लोगों को दिक्कत ना हो अब इसमें सेकेंड जो ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट इमिजिएटली रिमूव ऑल द रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ पोर्टेबल वाटर इन ऑल द मेजर सिटीज इन द स्टेट तो इसमें ये इतना प्रोमिनेंट uh, नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन रिमूव करना क्योंकि अभी फिलहाल uh, जो अनसीजनल डाउन है उसकी वजह से ऑलरेडी थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है तो अभी आप रिस्ट्रिक्शंस को हटा देंगे उसका इतना इमरजेंट यूज नहीं है तो इमीजिएटली ये नहीं लग रहा कि इसकी जरूरत है कि आप रिलीफ सॉरी टू रिमूव ऑल द रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ पोर्टेबल वाटर इन ऑल द मेजर सिटीज क्योंकि इस टाइप का कोई मेंशन लिखा भी नहीं है कि मेजर सिटीज में प्रॉब्लम है क्या बताए गाँव में रूरल एरियाज में हो विलेजेस uh, में हो तो इमीजिएटली रिमूव ऑल द रिस्ट्रिक्शन उससे और क्राइसिस एग्रावेट हो सकती है तो इसलिए इसमें टू नहीं बैठ रहा तो इसमें सिर्फ आंसर uh, आपका आएगा डी थ्री ओनली थ्री इमीजिएटली शुड सेंड रिलीफ टू ऑल द अफेक्टेड एरियाज इन द स्टेट ठीक है आगे बढ़ते हैं तो आगे थर्टी सेवन में उसमें uh, दिया हुआ है अ लार्ज प्राइवेट बैंक हैज डिसाइडेड टू रिट्रेंच रिट्रेंच डिस वर्कफोर्स को निकालना टू रिट्रेंच वन थर्ड ऑफ इट्स इंप्लाइज इन व्यू ऑफ द ह्यूज द्यूज इनकट ड्यूरिंग पास्ट थ्री क्वार्टर मतलब एक लार्ज प्राइवेट बैंक ने अपने को आ, निकाल दिया क्योंकि उसको हो रहे थे आखिरी तीन क्वार्टर में तीन क्वार्टर नौ महीने में तो कोर्स ऑफ एक्शन जो गवर्नमेंट को लेना चाहिए शुड इशू अ नोटिफिकेशन टू जनरल पब्लिक टू इमीजिएटली स्टॉप ऑल द ट्रांजेक्शन विद द बैंक ये नहीं लग रहा कि ये स्टेप लेना चाहिए शुड डायरेक्ट द बैंक टू रिफ्रेन रिटर्न इट ये सरकार को uh, नहीं ले सकते क्योंकि प्राइवेट बैंक है मतलब सरकार वैसे तो कर सकती है सरकार एप्पल को बोले या एमेजॉन को बोले या आईसीसी एच डी एफ सी की आप नहीं निकालो तो अगर कोई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है तो वहां पे ये स्टेप शायद uh, हो सकता है कि आप uh, बोलें कि ये नहीं करना लेकिन क्योंकि हमारा मिक्सड uh, इकोनमी है तो एक प्राइवेट बैंक या प्राइवेट एंटिटी को बोलना कि आप ये डिसीजन ना लो क्योंकि वो प्राइवेट एंटिटी सरकार की रेगुलेशंस और उससे तो चलेगी लेकिन कि uh, आप उसके एम्प्लॉयज अगर वो लॉसेस इंकर कर रहा है तो उसको आप डायरेक्ट नहीं कर सकते कि आप ये uh, मत करो या मत करो अगर वो लेबर लॉज या कुछ इस तरह के इश्यूज अफेक्ट कर रही है तो गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से एक्शन ले सकती है लेकिन इस टाइप से डायरेक्ट रिफ्रेन करना कि मत निकालो वो फिलहाल सही नहीं होगा तो थर्ड गवर्नमेंट शुड आस्क सेंट्रल बैंक टू इनिशिएट एन इंक्वायरी इनटू द बैंक एक्टिविटीज एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट ये ठीक है कि आप सेंट्रल बैंक को बोल सकते हो कि हां आप देखो कि उसके इतने लॉसेज क्यों इनकम हो रहे हैं किस वजह से हुए हैं कि इतना क्राइसिस हो चुका है तो ये आ, तीन में से ये एक स्टेप फ्रैगमेटिक स्टेप लग रहा है तो ये सरकार कह सकती है कि आप ये कर सकते हो तो इसमें ओनली थर्ड uh, मेरे हिसाब से आएगा डी आएगा कि शुड आज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री टू इनिशिएट एन इंक्वायरी इन टू द बैंक्स एक्टिविटीज कि क्यों किस वजह से उसके इतने लॉसेज हो गए उसकी uh, आप जांच पड़ताल करो ऊपर वाले क्वेश्चन में इंक्वायरी कमेटी सेटअप करना इसलिए सही नहीं था क्योंकि उसमें डायरेक्टली लोग कि जान जा रही थी और लोग इफेक्ट हो रहे थे नॉर्मल लाइफ पैरालिसिस हो गया था इसमें ठीक है वन थर्ड इम्प्लॉइज उनकी जॉब जा रही है लेकिन आप एक प्राइवेट लार्ज प्राइवेट बैंक को इस तरह नहीं कह सकते कि आप मत निकालो या ये पब्लिक को नहीं बोल सकते कि आप ट्रांजेक्शंस अवॉइड कर दो जनरली बैंक्स एडवाइजरी सॉरी गवर्नमेंट एडवाइजरी इशू करती हैं कि ये मत करो वो मत करो लेकिन बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इन तीनों में से फिलहाल यही होगा कि आप सेंट्रल uh, बैंक को बोलिए कि उसमें बैंक की एक्टिविटीज देखिए कि इतने लॉसेज उसको क्यों हो रहे हैं और सबमिट इट्स रिपोर्ट ठीक है तो इसमें आंसर डी लग रहा है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं थर्टी एट इसमें स्टेटमेंट दिया मेनी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैव डिसाइडेड टू स्टेज डिमॉन्स्ट्रेशन एंड ब्लॉक ट्रैफिक मूवमेंट इन द सिटी ड्यूरिंग पी कास्ट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द स्टीप राइज इन द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कॉमोडिटीज तो इसमें गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए तो पहला दिया गवर्नमेंट शुड इमिजिएटली बैन ऑल फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन तो ये नहीं है क्योंकि इससे और सिचुएशन एग्रेवेट हो सकती है कि आप आ, बैन कर दीजिए हर आ, एजिटेशन को तो वो इतना प्रोमिनेंट नहीं लग रहा ठीक है अगर आपका मतलब बहुत ही ज्यादा मॉब uh, वो कर रही है मॉब वायलेंस हो रहा है तो ये स्टेप ले सकते हो लेकिन इस तरह का हमें कुछ वो नहीं दिया कि वायलेंस है वो कर रही है कि डिमॉन्स्ट्रेशन है और ब्लॉक ट्रैफिक मूवमेंट ड्यूरिंग पीकार टू प्रोटेस्ट तो पीसफुल प्रोटेस्ट टाइप कर सकते हैं वो तो डेमोक्रेसी में uh, हम कहते हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट इज अलाउड बट इस टाइप का अगर कुछ वॉयलेंट एक्टिविटीज नहीं है तो आप एजुटेशन वगैरह बैन नहीं कर सकते तो इसमें डिप्लॉय एडिशनल फोर्सेस टू हेल्प विद द ट्रैफिक मूवमेंट ये ठीक है कि आप एडिशनल फोर्सेस डिप्लॉय करो ताकि प्रोटेस्ट अपनी जगह और ट्रैफिक मूवमेंट अपनी जगह होता रहे और थर्ड है स्टेट गवर्नमेंट शुड कैरी आउट प्रिवेंटिव अरेस्ट ऑफ नोन क्रिमिनल्स स्टेइंग इन द सिटी तो ये इतना सही नहीं है क्योंकि इस तरह से कुछ मैंशन नहीं किया कि ये क्रिमिनल्स ही कर रहे हैं प्रोटेस्ट हैं उस तरह से तो थ्री तो नहीं है इसमें वन वोयलेंट uh, सिचुएशन में ठीक है लेकिन इस केस में वॉयलेंट सिचुएशन एज सच मेंशन नहीं है ये डेमोन्स्ट्रेशन ही हैं प्रोटेस्ट ही हैं तो ट्रैफिक मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए इसमें करेक्ट uh, ऑप्शन जो मोस्ट कंक्लूसिव लग रहा है वो बी uh, ये सेकेंड ऑप्शन लग रहा है तो इसमें आंसर बी ओनली टू तो इसमें आगे चलते हैं थर्टी नाइन्थ पे तो थर्टी नाइन में दिया है द स्कूल ड्रॉप आउट रेट in many districts in the state has increased sharply during the last few years as the parents of these children make them work in the fields owned by others to earn enough money to earn enough for them to get at least one meal in a day तो इसमें गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए कि uh, काफी स्कूल्स में स्टेट uh, मतलब स्टेट में काफी स्कूल्स में ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया है क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उन बच्चों के वो चाहते हैं कि उनके बच्चे खेत में काम करें आ, ताकि at, मतलब एक मील की एटलीस्ट वो आ, कमाई कर सके तो इसमें गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए तो गवर्नमेंट शुड पोटापा फर्स्ट स्टेटमेंट गवर्नमेंट शुड पोटापा मैकेनिज्म टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स टू द पुअर पीपल इन दिस इन दिस डिस्ट्रिक्ट्स थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू इनकरेज द पेरेंट्स टू सेंड देयर वॉर्ड्स टू स्कूल ये एक्शन ठीक है कि आप आ, उनको उनको यही लिखा ना एटलीस्ट वन मील अ डे अर्न के लिए तो उनको आप खान पीडीएस के थ्रू आप आ, चीपर राइस uh, वीट ये सप्लाई कर दो तो वो अपने आप ही अपने बच्चों को ये कामों में नहीं लगाएंगे तो पीडीएस का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है नेटवर्क है वो स्ट्रोंग करना चाहिए या इन डिस्ट्रिक्ट में जहां पे ड्रॉप आउट्स रेट ज्यादा है वहां पे टारगेट करना चाहिए पीडीएस कि ये ड्रॉप आउट्स कम हो सके गवर्नमेंट शुड क्लोज डाउन सम ऑफ द स्कूल्स इन द डिस्ट्रिक्ट एंड डिप्लॉय द टीचर्स ऑफ द स्कूल्स टू नियर बाय स्कूल्स एंड ऑल्सो आस्क रिमेनिंग स्टूडेंट टू ज्वाइन दिस स्कूल uh, ऐसा नहीं होगा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तब है अगर लॉन्ग टर्म में वो बच्चे आ ही नहीं रहे अगर आपने पीडीएस भी सप्लाई कर दिया फिर भी उनके बच्चे आ, मतलब जो पेरेंट्स भेज रहे हैं वो फील्ड में काम करा रहे हैं तो इन द लॉन्ग टर्म ये ठीक है लेकिन शॉर्ट टर्म में ये नहीं है क्योंकि अगर आप स्कूल ही बंद कर दोगे फिर तो और ही और नेगेटिव इंपैक्ट होगा कि स्कूल ही शटडाउन हो रहा है तो जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं एटलीस्ट वो भी निकलेंगे पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि एक स्कूल से दूसरे स्कूल में शिफ्ट करें टीचर्स को भी होगा दिक्कत होगी कि एक स्कूल से दूसरे स्कूल एक तरफ आप चाह रहे हैं कि स्कूल सेटअप हो और बच्चे बढ़ें तो ये लॉन्ग टर्म में ये आ, फीजिबल ऑप्शन नहीं है कि आप स्कूल ही बंद कर दो फीजिबल ऑप्शन वही है कि आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि वो बच्चे क्यों नहीं भेज रहे पेरेंट्स की वो चाहते हैं कि उनका हाथ बटाएं बच्चे आ, खेती में या फील्ड में कि उनको एक वक्त की रोटी मिल सके तो आप उनको चीपर सप्लाई ऑफ पीडीएस देंगे तो अपने आप उसका इंपैक्ट आएगा कि ड्रॉप आउट कम होने लगेगा आप स्कूल ही बंद कर दोगे तो ऑब्वियसली और नेगेटिव इंपैक्ट होगा तो लॉन्ग टर्म ये डिसीजन ठीक नहीं है कि आप ये स्कूल बंद कर दो तो आपको पहले पीडीएस का देखना पड़ेगा कि इन्फिल्ट्रेशन पीडीएस का पेनिट्रेशन कितना हो रहा है उसके बाद आप ये एक्शन ले सकते हो कि अगर स्कूल में फिर भी ना बच्चे आए माइंडसेट भी चेंज करने की कोशिश करिए नहीं हो पाया फिर ये डिसीजन आपका होगा फिलहाल इसमें कोर्स ऑफ एक्शन नहीं बनता आ, तो इसमें थर्ड स्टेटमेंट गवर्नमेंट शुड इशू अरेस्ट वॉरेंट ये तो बिल्कुल ही नहीं कि फॉर ऑल द पेरेंट्स हु फोर्स देयर चिल्ड्रन टू वर्क इन द फील्ड्स इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग क्लासेस अगर वो कोई लेबर लॉ जैसे हमने ऊपर भी देखा था कोई लेबर लॉ वायोलेट कर रहे हैं कि हाँ चाइल्ड लेबर इस तरह का तो ठीक है आप उनको पेरेंट्स uh, को करिए कि अगर वो कोई इंडस्ट्री वगैरह में भेज रहे हैं कोई इंडस्ट्री इनको इंप्लॉय करिए लेकिन अगर वो घर का काम कर रहे हैं तो उसमें इस टाइप का अरेस्ट वारंट इशू करना ये फिजिबल नहीं बैठेगा ये तो एक सॉर्ट ऑफ ऑटोक्रेटिक काइंड ऑफ डिसीजन हो जाएगा कि आप अरेस्ट वारंट इशू करके पेरेंट्स को हरास कर रहे हो तो ये दोनों uh, इस स्टेटमेंट में कोर्स ऑफ एक्शन नहीं बनता तो ओनली वन कि आप पीडीएस सप्लाई करो तो इसमें ऑप्शन ए सही बैठेगा तो ओनली वन ठीक है तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन फोर्टी इसमें दिया वन एस्पिरेंट ड्यू टू एस्पीरियंट वॉस्के पार्टिसिपेटिंग इन रिक्रूटमेंट ड्राइव ऑफ पुलिस कॉन्स्टेबल्स कि एक एस्पिरेंट्स uh, वो मारा गया स्टैम्पीड uh, uh, भगदड़ में जब एक रिक्रूटमेंट ड्राइव पुलिस कॉन्स्टेबल्स की चल रही थी तो इसमें कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेना चाहिए द ऑफिशियल्स इन चार्ज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुड बी इमिजिएटली सस्पेंडेड Uh, ये नहीं ठीक नहीं लग रहा क्योंकि एकदम से आप ये मतलब सस्पेंड uh, नहीं कर सकते किसी ऑफिसर को अनलेस बहुत ही ज्यादा ग्रेव वायलेशन हुआ है तो अनलेस कि डायरेक्ट उसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से या बहुत ही मतलब प्रेशर uh, है गवर्नमेंट को तो ये डिसीजन लिया जाता है लेकिन इमीजिएटली सस्पेंड करना वो ये uh, ठीक नहीं होगा जैसे पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में जो अटैक हुआ था उसमें जरूर अटैक नहीं पार्लियामेंट में जो प्रोटेस्ट या डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था उसमें जरूर ऑफिसर्स को इंक्वायरी के बाद किया गया था लेकिन इमीजिएटली करना वो ठीक नहीं बैठेगा तो इसमें पहला आ, तो, आ, ये तो ये एक रिएक्टिव डिसीजन होगा तो ये ठीक नहीं बैठेगा बल्कि और मॉरल लो हो जाएगा जो रिक्रूटमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसमें सेकेंड ऑप्शन है टीम ऑफिशियल शुड बी टू फाइंड आउट द ये ठीक है कि आप एक कमेटी या इंक्वायरी सेटअप करो तो उसमें आप देखो कि आ, क्या डिसीजन मतलब किस वजह से ये हुआ है क्योंकि जो एस्पिरेंट की डेथ हुई उसके फैमिली मेंबर्स भी चाहेंगे कि तय तक पहुंचे कि क्यों ये हुआ है किसकी वजह से हुआ है क्योंकि स्टैम्पिड में किसी का बस तो है नहीं फिर भी आप प्रॉपर प्लानिंग से एज अ सिविल सर्वेंट ये सब क्राउड कंट्रोल मेजर्स लेके ये सब अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि आ, संगम या भी इधर मेला होता है हरिद्वार में कुंभ मेला तो उसमें क्राउड कंट्रोल मेजर्स बहुत ही ज्यादा पुख्ते तरीके से या बहुत जगह जहाँ रिलीजियस प्रोसेशन वगैरह रहता है कुछ भी रिलीजियस हो पॉलिटिकल हो तो उसमें क्राउड कंट्रोल मेजर्स प्रॉपरली लिए जाते हैं इवन रिक्रूटमेंट में भी आप भी देखते हो कि जब बहुत एक्सपीरियंट एक ही सेंटर पे आते हैं तो क्राउड कंट्रोल मेजर्स के लिए प्रॉपर डिप्लॉय होती है फोर्सेस तो इसमें ये ठीक बैठेगा कि हाँ आप इंक्वायरी करवाइए कि क्यों किस वजह से हुआ कि उसमें प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी एक ही छोटी लाइन थी जिसमें सारे इन एंड आउट था प्रॉपर एंट्री वन एंट्री

छह दिन के अक्रॉस डिवाइड हो जाएंगे पहले तैतीस तीस हजार तैतीस हजार आ रहे थे एक दिन में तो अब वो बीस हजार पंद्रह हजार हो जाए सात दिन में दस दिन में आप स्टागर कर दो कि एक ही दिन में लोग ना आए या भीड़ एक दिन में इकट्ठा ना हो अगर आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा तो ये टू और थ्री इसमें सही बैठेगा तो आगे चलते हैं इसमें आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डायरेक्शन दिया फोर्टी वन से फोर्टी तो इसमें दिया है स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो फॉलोइंग आर द कंडीशन फॉर सिलेक्टिंग सीनियर मैनेजर जनरल बैंकिंग इन अ बैंक तो इसमें कुछ कंडीशंस दी हैं कि अ कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 60 परसेंट मार्क्स इन स्टैंडर्ड 12 हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55 परसेंट मार्क्स इन ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन थर्ड दी हैसेट मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स और फोर्थ कंडीशन दी है कि बी एट लीस्ट ट्वेंटी फाइव ईयर थर्टी फाइव ईयर फर्स्ट ऑफ मार्च ट्वेंटी टेन और फिफ्थ कंडीशन दी है पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट टू ईर्स एज जनरल बैंकिंग ऑफिसर इन अ बैंक और सिक्स है पर्सनल इंटरव्यू और इसमें और भी एक्सेप्शन भी दी हैं कि In case a candidate who satisfies all the above conditions except uh, at three, <coughs> at three का मतलब है, secured at least 60% marks in post graduate, तो उसमें uh, अगर वो नहीं करता, तो he should have secured at least 60% marks in CA or ICWA, the uh, the case is to be referred to VP recruitment. तो इसमें third के लिए exception दी है कि अगर वो uh, suppose 60% marks उसके post graduation में नहीं है तो लेकिन उसने उसकी जगह 60 परसेंट मार्क्स सी ए या आई डब्ल्यू ए का एग्जाम उसमें ले लिए हुए हैं तो वी रिक्रूटमेंट के पास केस रेफर वाइस प्रेसिडेंट रिक्रूटमेंट के पास केस रेफर किया जा सकता है और दूसरी एक्सेप्शन है कि अगर उसने सिक्स एट सिक्स अगर चालीस उसने इंटरव्यू में मार्क्स नहीं लिए बट उसने एटलीस्ट 65 परसेंट मार्क्स रिटर्न में लिए हैं और एटलीस्ट 35 परसेंट मार्क्स पर्सनल इंटरव्यू में लिए हैं तो उस केस में केस प्रेसिडेंट रिक्रूटमेंट को रेफर किया जा सकता है तो इसमें आप पहले आ, क्या करते हैं बस कंडीशन लिख लीजिए जो कंडीशन दी हैं तो उसके बाद देख लीजिए कि कौन कौन सी कंडीशन मीट हो रही है तो इसमें पहली कंडीशन हम लिख लेते हैं स्टैंडर्ड ट्वेल्व। आप ऐसे कॉलम बना लीजिए कि आ, ये कंडीशंस मीट हो रही हैं कि नहीं हो रही पहली हमारी स्टैंडर्ड ट्वेल्व की कंडीशन है इसकी कंडीशन है कि एटलीस्ट सिक्सटी परसेंट मार्क्स एटलीस्ट मतलब साठ परसेंट या साठ के ऊपर इन 60 ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फिफ्टी फाइव परसेंट और फिफ्टी फाइव परसेंट और प्लस फिर दी है पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली इन मैनेजमेंट इकॉनमिक्स और स्टैटिस्टिक्स इसमें एटलीस्ट सिक्सटी परसेंट मार्क्स इसमें होना चाहिए फिर है इयर्स क्राइटेरिया कितने साल का एज क्राइटेरिया 25 साल प्लस और uh, 35 साल के नीचे एज ऑन एक तीन 2010 ठीक है उसके बाद हैव पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस एटलीस्ट टू इयर्स इन एज जनरल बैंकिंग ऑफिसर इन अ बैंक ठीक है और हैव सिक्योर्ड पर्सनल इंटरव्यू ये नेक्स्ट क्राइटेरिया पर्सनल इंटरव्यू secured at least 40% marks in personal interview उसके बाद exceptions हैं कि अगर वो three criteria meet नहीं होती pg वाली criteria meet नहीं होती pg वाला cross होता है तो at least 60% marks in ca और icwa और second exception है कि अगर पर्सनल इंटरव्यू वाला क्राइटेरिया मीट नहीं होता पर्सनल इंटरव्यू में इसको पीआई लिख रहा हूं पे पीआई कर देता हूं पर्सनल इंटरव्यू वाला क्राइटेरिया मीट नहीं होता क्रॉस तो उसको एटलीस्ट रिटर्न में सिक्सटी फाइव परसेंट मार्क्स और पीआई में थर्टी एटलीस्ट थर्टी फाइव परसेंट मार्क्स इसने उसके आने चाहिए ठीक है तो ये हमारा क्राइटेरिया हो गया <coughs> तो हम अभी देखते हैं कि इन्होंने क्वेश्चन क्या दिए इन ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो आर गिवन डिटेल्स ऑफ वन कैंडिडेट यू हैव टू टेक वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्सेज ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड द कंडीशन एंड सब कंडीशन गिवन अबव एंड मार्क द नंबर दैट कोर्स ऑफ एक्शन एज योर आंसर यू आर नॉट टू एज्यूम एनीथिंग अदर देन दैट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड ईच क्वेश्चन ऑल ऑफ दीज आर गिवन टू यू एज ऑन एक तीन दो हजार दस मतलब जो एज क्राइटेरिया का था तो इसमें क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन इसमें दिया है एक केसव बोरा वॉज बोर्न ऑन एट नवंबर नाइनटीन सेवेंटी एट He has secured uh, 65% marks in standard 12. तो हम आ, ये सारी क्राइटेरिया देखेंगे कि इसमें से कौन कौन सी क्राइटेरिया वो मीट कर रहा है तो इसको मैं अगर अनजूम कर दू थोड़ा <coughs> हमारा सेम पेज पे आ जाए लेकिन ज्यादा छोटा हो जाएगा तो चलिए हम इधर ही क्राइटेरिया लिख लेते हैं फिर ऊपर जाके देख लेंगे कि कौन सी कौन सी मीट कर रही है। तो ही वॉज बॉर्न ऑन एट्थ ऑफ नवंबर 1978 और उसने 65 परसेंट मार्क्स स्टैंडर्ड 12 में लिए तो स्टैंडर्ड 12 का क्राइटेरिया ऊपर देख लेते हैं आप ये जनरली रफ में बना लीजिएगा ये जो मैंने इधर बनाया है। ताकि आप साइड बाय साइड मैच करते रहे तो स्टैंडर्ड ट्वेल्व का क्राइटेरिया हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्वेश्चन फोर्टी वन तो इसमें वो जो केसअप हो रहा था उसका स्टैंडर्ड ट्वेल्व में सिक्सटी फाइव परसेंट तो क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो इसको टिक कर दीजिए उसी तरह यह सिक्योर्ड सिक्सटी फाइव परसेंट मार्क्स इन स्टैंडर्ड ट्वेल्व एंड सिक्सटी परसेंट मार्क्स इन ग्रेजुएशन तो uh, इसने सिक्सटी परसेंट मार्क्स इन ग्रेजुएशन तो ये क्राइटेरिया भी मीट हो रहा है क्योंकि उसमें फिफ्टी फाइव परसेंट चाहिए था तो इस पर भी टिक हो जाएगा कि ये क्राइटेरिया भी मीट कर रहा है और थर्ड उसमें दिया है सेकेंड फिफ्टी एट परसेंट मार्क्स इन एम ए इकोनॉमिक्स एंड 60 परसेंट मार्क्स इन आईसीडब्ल्यू ए फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन एम ए इकनॉमिक्स तो ऊपर हम देखेंगे कि पीजी क्राइटेरिया कितना था पीजी क्राइटेरिया इन इकोनॉमिक्स 58 परसेंट तो ये क्राइटेरिया नहीं मीट कर रहा लेकिन ये दिया हुआ है कि सिक्सटी मार्क्स उसके आए हैं तो ये एक्सेप्शन में चला जाएगा सिक्सटी परसेंट मार्क्स उसके आईसीडब्ल्यू में आए हैं तो ये क्राइटेरिया मीट हो रहा है <laughs> तो ये क्राइटेरिया मीट होने पे केस जाएगा तो वीपी रिक्रूटमेंट लेकिन हम देखते हैं कि आगे वाले क्राइटेरिया फिर भी मैच हो रहे हैं कि नहीं तो ये वाला नहीं हो रहा उसके में नीचे वाला एक्सेप्शन हो रहा है कि सिक्सटी मार्क्स इन आईसीडब्ल्यू एज बिन वर्किंग इन अ बैंक एज जर्नलिस्ट ऑफिसर फॉर द बैंक फॉर पास टू ईर्स ये भी क्राइटेरिया मीट हो रहा है हमने ऊपर देखा ही है he has also secured 50% marks in the written examination and 45% marks in the personal uh, interview. तो so, personal interview uh, ये criteria meet हो रहा है और experience two years ये meet हो रहा है। अब हम age का देखेंगे। age उसका दिया हुआ था कि uh, जन, uh, was born on 8th November 1978। तो उसकी age as on 1st of March 2010 उसकी age हो गई 22 years plus uh, 9 years और Five months. तो ये उसकी एज हो गई थर्टी वन ईयर्स तो एज क्राइटेरिया भी मीट कर रहा है मतलब उसका ये क्राइटेरिया सारे क्राइटेरिया में मीट कर रहे हैं एक्सेप्ट ये ये लेकिन ये केस एक्सेप्शन में चला गया यहां पे चला गया तो इसका मतलब द केस इज टू बी रेफर टू वीपी रिक्रूटमेंट वाइस प्रेसिडेंट रिक्रूटमेंट तो इसमें आ जाएगा डेटा इज इनडेड नहीं द केस इज टू बी रेफर टू वीपी क्रूटमेंट ये ठीक है ये क्या बन गया एक इसमें आंसर आ जाएगा बी केस टू बी रेफर टू वीपी रिक्रूटमेंट ठीक है उसी तरह हम इनमें देख लेंगे आ, कि इसमें कौन कौन से क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं जैसे हमें ऊपर से आइडिया हो ही गया कि क्या क्या क्राइटेरिया थे ट्वेल्थ का था सिक्सटी परसेंट ग्रेजुएशन का था फिफ्टी फाइव परसेंट और पीजी का सिक्सटी परसेंट इस तरह आ, सारे क्राइटेरिया चाहे आप इधर लिस्ट आउट कर लो या रफ में कर लो नहीं तो हमें बार बार ऊपर जाना पड़ेगा तो ग्रेजुएशन का था फिफ्टी फाइव परसेंट पी जी था सिक्सटी परसेंट एज क्राइटीरिया ईयर एज क्राइटीरिया था ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फाइव एज ऑन फर्स्ट और फिर हमारा था एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस टू ईयर्स एज जनरल बैंकिंग ऑफिसर और उसके बाद था हमारा पर्सनल इंटरव्यू एट लीस्ट फोर्टी परसेंट ठीक है तो इसमें हम देखेंगे अरिनंदम घोष एज बिन वर्किंग इन अ बैंक एज अ जर्नलिस्ट ऑफिसर फॉर द पास्ट फोर ईयर्स तो ये क्राइटेरिया मीट हो रहा है ठीक है और फॉर द दा फोर आफ्टर कंप्लीटिंग इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद सिक्स परसेंट मार्क्स तो पीजी में तीन थे मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स एटलीस्ट सिक्सटी परसेंट तो ये क्राइटेरिया भी मीट हो रहा है ये सिक्योर्ड फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन द रिटर्न एग्जामिनेशन फोर्टी परसेंट मार्क्स इन द पर्सन तो ये भी क्राइटेरिया मीट हो रहा है ट मार्क्स इन स्टैंडर्ड ट्वेल्व ये भी मीट हो रहा है ये वाला नहीं दिया तो डेटा प्रोवाइडेड इज इन एडुकेट लेकिन हमें एज भी दिया हम एज पहले चेक करें कि एज मीट कर रही है तो ही वॉज बॉर्न ऑन ट्वेंटी फिफ्थीन सेवेंटी फाइव लेकिन ये दिया हुआ है हमें एक मार्च 2010 से वो 35 साल के ऊपर नहीं होना चाहिए तो अगर आप इसको 35 फाइव करेंगे तो ये आ जाएगा दो फरवरी 2010 को ये 35 को को हो गया तो मार्च 2010 को ये 35 प्लस हो गया तो ये क्राइटेरिया नहीं मीट कर रहा इसमें चाहिए नहीं भी दिया लेकिन ये नहीं मीट कर रहा और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है तो इसका मतलब है द कैंडिडेट इज नॉट टू बी सिलेक्टेड सपोज हमें ये मीट कर रहा होता ये ना दिया होता फिर हम कहते हैं लेकिन इसमें ये मीट कर रहा है इसमें ये नहीं मीट कर रहा और ये नहीं दिया तो हम पहले ही कह देंगे इज नॉट टू तो बी सिलेक्टेड चाहे हमें ग्रेजुएशन का दिया है चाहे नहीं दिया क्योंकि वो एज क्राइटेरिया मीट ही नहीं कर रहा और एज क्राइटेरिया में कोई एक्सेप्शन भी नहीं है ठीक है तो इसमें फोर्टी थर्ड क्वेश्चन में दिया सोहन माझी हैज सेक्योर्ड सिक्सटी फाइव परसेंट इन बी एस सी मतलब ग्रेजुएशन में सिक्सटी फाइव परसेंट मार्क्स है तो ये क्वेश्चन फोर्टी टू का हो गया ये हम इधर बनाए फोर्टी थ्री का तो सिक्सटी फाइव परसेंट मार्क्स इन बी मतलब ग्रेजुएशन uh, तो ये क्राइटेरिया मीट कर रहा है एंड सेवेंटी फाइव परसेंट इन मार्क्स इन एम एस सी स्टैटिस्टिक्स तो पीजी में तीन सब्जेक्ट थे जैसे ऊपर देखा मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स तो उसमें कितने सेवेंटी परसेंट तो ये मीट कर रहा है क्राइटेरिया हैज बीन वर्किंग इन अ बैंक एज जर्नलिस्ट ऑफिसर फॉर द पास्ट थ्री ईयर्स तो जनरल बैंकिंग ऑफिसर मीट कर रहा है दो साल से थे तीन साल से कर रहा है uh, तो ही मार्क्स इन द रिटर्न एग्जामिनेशन एंड फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन पर्सनल इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू में इसका क्राइटेरिया मीट कर रहा है ही ऑन ऑफ जुलाई तो इसमें बॉर्न ऑन एट्थ ऑफ जुलाई तो इसका मतलब ये टाइम फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड टेन को ये लगभग हो गया लेस देन अराउंड ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट ईयर्स तो ये क्राइटेरिया भी मीट कर रहा है लेकिन इसमें आप देखेंगे कि हमें एक क्राइटेरिया नहीं दिया प्लस टू मार्क्स तो इसमें हम ये नहीं बता सकते कि ये आ, सिलेक्ट होगा कि नहीं होगा क्योंकि इसने ट्वेल्थ के नंबर नहीं बताया आप फिर से पढ़ेंगे तो ट्वेल्थ के नंबर इज सिक्योर्ड इन द रिटर्न एग्जामिनेशन कहीं भी नहीं दिए तो इसमें आ जाएगा डेटा प्रोवाइडेड इज इन एडिक्यूट टू टेक डिसीजन ठीक है क्योंकि इसमें हमें ट्वेल्थ के स्टैंडर्ड ट्वेल्थ के नंबर नहीं दिए ठीक है इस केस में आपको पता लग गया क्योंकि इस केस में एज क्राइटेरिया ही नहीं मीट कर रहा था तो इसलिए ये ग्रेजुएशन के नंबर नहीं भी दिए थे तो हमने कर दिया इज नॉट टू बी सिलेक्टेड अगर इसमें देखिए आप सारे टिक हो रहे हैं ये नहीं दिया फिर इसलिए डेटा इन एडिक्यूट आया लेकिन इसमें ऑलरेडी ये क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा था तो पहले ही हमने बोल दिया इज नॉट टू बी सिलेक्टेड चाहे वो डेटा दिया है या नहीं दिया तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट uh, में दिया नेहा सालवे हैज बीन वर्किंग इन अ बैंक एज जर्नलिस्ट ऑफिसर फॉर द पास्ट फोर इयर्स तो ऊपर वाले क्वेश्चन करके हमें वैसे क्राइटेरिया याद हो गया कि क्या क्या क्राइटेरिया थे तो जर्नलिस्ट बैंक फॉर द पास्ट फोर इयर्स तो एक क्राइटेरिया मीट कर रहा है एक्सपीरियंस का तो फिर भी आप फॉर श्योरिटी आप वो जो टेबल बनाया था मैंने उसके बगल में टिक करते हुए जाएंगे तो आपकी कोई गलती जैसे देखते हैं कि 44 फौर का आ, कि हैज वर्किंग एज जर्नलिस्ट बैंकिंग ऑफिसर फॉर फोर इयर्स तो ये टिक हो गया और <clears throat> आ, आगे दिया है आफ्टर कंप्लीटिंग हर पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स विद 60 परसेंट मार्क्स तो पीजी का क्राइटेरिया ये भी मीट हो गया पीजी का क्राइटेरिया 60 परसेंट मार्क्स इसमें तीन सब्जेक्ट थे इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स और मैनेजमेंट वो भी ध्यान रखना है कई बार उसमें भी कंफ्यूज करते हैं कि उसने पीजी सपोज किसी और फील्ड में की है पीजी सपोज उसने मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स को छोड़ के सपोज मार्केटिंग में की है तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगी लेकिन इसमें इकोनॉमिक्स में ना तो ये सिलेक्टेड है ही सिक्योर्ड सिक्सटी परसेंट मार्क्स इन बोथ ग्रेजुएशन एंड स्टैंडर्ड ट्वेल्थ सिक्सटी परसेंट मार्क्स इन ग्रेजुएशन एंड स्टैंडर्ड ट्वेल्थ तो ये दो क्राइटेरिया भी मीट हो गए ग्रेजुएशन और स्टैंडर्ड ट्वेल्व तो इसमें आगे चलते हैं शी ऑन अगस्त तो इसकी एज टू थाउजेंड ट्वेंट मार्च को देखनी है फर्स्ट मार्च को तो इसकी अराउंड होगी थर्टी वन क्योंकि थर्टी uh, वन से भी कम तो अराउंड थर्टी टू थर्टी वन के बीच तो ये भी क्राइटेरिया एज क्राइटेरिया भी मीट होता है इसका क्योंकि इसने थर्टी uh, वन की एज है तो ये क्राइटेरिया भी मीट होता है और लेस्ट में उसमें आगे दिया ही शेयर मार्क्स मार्क्स इन इन द द एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू तो इसमें पर्सनल इंटरव्यू वाला क्राइटेरिया नहीं मीट हो रहा लेकिन हमने ऊपर देखा था कि पर्सनल इंटरव्यू में एक एक्सेप्शन दिया हुआ था ये कि अगर पर्सनल इंटरव्यू क्रॉस है तो रिटर्न में उसके सिक्सटी फाइव से ऊपर होनी चाहिए और पर्सनल इंटरव्यू में थर्टी फाइव से ऊपर होने चाहिए तब उसका केस रेफर होगा प्रेसिडेंट रिक्रूटमेंट लेकिन इसमें मीट कर रही है या नहीं कर रही है? वो हमें चेक करना पड़ेगा ये इसका एक्सेप्शन दिया हुआ था तो इसमें सिक्सटी फाइव परसेंट मार्क्स से ऊपर है इसके तो सिक्सटी फाइव से ऊपर है और थर्टी फाइव से ऊपर है दोनों क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तो दिस केस इज टू बी रेफर टू प्रेजिडेंट रिक्रूटमेंट क्योंकि बाकी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं ठीक है जिसमें एक्सेप्शन होगा अगर सारे टिक है ये अनटिक है और इसमें एक्सेप्शन दिया है तो आपको वो उस हिसाब से करना है तो इसका केस रेफर होगा प्रेजिडेंट रिक्रूटमेंट को yeah. तो आगे चलते हैं नीता जयसवाल वॉज बॉर्न ऑन सेकेंड ऑफ जून 1980 तो इसमें एज क्राइटेरिया पहले दिया है। तो एज क्राइटेरिया इसकी एज हो गई लगभग फर्स्ट मार्च ट्वेंटी टेन में अराउंड 29 टू ट्वेंटी के बीच तो एज क्राइटेरिया मीट कर रहा है इसका तो यहां पे मैं लिख लेता हूं क्वेश्चन 45 तो एज क्राइटेरिया हमारा यहाँ पे एज क्राइटेरिया मीट कर रहा है एज क्राइटेरिया मीट कर रहा है शी हैज बिन वर्किंग इन अ बैंक एज अ जर्नलिस्ट ऑफिसर फॉर द पास्ट थ्री इयर्स आफ्टर कंप्लीट तो वो क्राइटेरिया uh, भी मीट कर रहा है उसमें था दो साल का था आफ्टर कंप्लीटिंग हर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन इकोनॉमिक्स विद मार्क्स तो हमारे ये दो क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं एक्सपीरियंस और पीजी सिक्सटी परसेंट मार्क्स इन इकोनॉमिक्स जैसे मैंने आपको बताया वो देखना जरूरी है क्योंकि उसमें तीन डिग्री दिया था लेकिन इन क्वेश्चन में इन्होंने कहीं भी उस तरह का uh, कह लीजिए ट्रिक नहीं यूज किया कि इकोनॉमिक्स की जगह

Uh, हमारा ये सिक्सटी एट परसेंट मार्क्स हायर सेकेंडरी मतलब ट्वेल्थ में और फिफ्टी एट परसेंट तो ये दोनों क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं और और हमें क्या दिया है शी हैज आल्सो मार्क्स इन बोथ द रिटन एंड पर्सनल इंटरव्यू मतलब हमारा पर्सनल इंटरव्यू वाला भी क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो मतलब इसमें सारे क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं तो इसमें कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड ठीक है इसमें सारे क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं तो ये आ जाएगा मतलब आपको देखना अगर कहीं भी बीएससी मतलब बैचलर डिग्री दी है तो वो ग्रेजुएशन डिग्री है और एम एस सी एम फार्मा एम कॉम कुछ भी इस तरह से दिए मास्टर्स डिग्री दिए तो पोस्ट ग्रेजुएशन तो ये चीज भी ध्यान रखना है और इसमें भी कि क्लास स्टैंडर्ड ट्वेल्व दी है इंटर दी है हायर सेकेंडरी दी है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना तो उसको आप स्टैंडर्ड ट्वेल्व के मार्क्स लेके करेंगे तो आपका आ जाएगा तो इसमें सारे क्राइटेरिया मीट करा तो कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड ठीक है तो हमने इस तरह सॉल्व किया कि हमने आ, सारे क्राइटेरिया लिख लिए वैसे जो प्रॉपर uh, सारे क्राइटेरिया हैं विद एक्सेप्शन वो ये टेबल बनेगा क्योंकि टेबल और ऊपर हो रहा था तो नीचे एक और बना लिया था तो इसमें आप बगल में सारे करके आ, करते रहेंगे और जिसमें क्रॉस आया अगर उसमें देखेंगे एक्सेप्शन दी है कि अगर पीजी के सामने क्रॉस आया जैसे ये पीजी के सामने पीजी के सामने क्रॉस आया और पीजी के सामने यहाँ क्रॉस और एक्सेप्शन है तो फिर हम देखेंगे कि जो क्राइटेरिया दिया हुआ है वो एक्सेप्शन वाला मीट हो रहा है कि नहीं फिर उस हिसाब से हम डिसीजन लेंगे कि ये बनता है ये बनता है तो इन्होंने दो क्वेश्चन में दिया था कि पीजी का नहीं मीट हो रहा था लेकिन सी रहा था उसी तरह पर्सनल इंटरव्यू वाला नहीं मीट हो रहा था लेकिन रिटर्न वाला मीट हो रहा था और पर्सनल इंटरव्यू वाला भी मीट हो रहा था तो फिर केस रेफर प्रेसिडेंट को हुआ तो वो सब चीजें इसमें देखेंगे बेसिकली आपको क्राइटेरियाज देखने की कौन से मीट हो रहे हैं तो ये क्वेश्चन इजी हैं बस आपको एक टेबुलर फॉर्म में या टेबल फॉर्म में आपको वो बनाना है और सारे जो मीट uh, हो रहे हैं उस हिसाब से आपको लिखने हैं कि उसमें कोई गलती ना हो तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसमें दिया हुआ है uh, 46 में कीपिंग इन माइंड द रिलेशन बिटवीन द नंबर्स ऑफ द फर्स्ट पेयर फाइंड द पॉसिबल नंबर फॉर द सेकंड पेयर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो तो पहले पेयर uh, का रिलेशन दिया हुआ है और आपको सेकेंड पेयर फाइंड आउट करना है जनरली इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं स्टेट सिविल सर्विसेज में और यूपीएससी में तो आपको रिलेशन फाइंड करना तो जनरली जनरली जो रिलेशन रहता है आप देखेंगे वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं एडिशन वगैरह करके कि दो नंबर्स का एडिशन जैसे फर्स्ट पेयर सपोज कुछ दिया है टेन दिया है और सेकेंड पेयर कई बार दिया रहता है फाइव तो कई बार एडिशन से हो जाता है कि आ, आपका बन जाए अः ये पेयर मिल रहा है कई बार होता है कि डिवीजन से आपका मिल जाए कई बार होता है मल्टीप्लिकेशन से आपका मिल जाए कई बार रूट या पावर तो पहले आप अः ये सब करके आप देखेंगे प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कि इससे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा Uh, कहने का मतलब जैसे टेन फाइव और सपोज सेकेंड पेयर दिया ट्वेंटी तो इसमें रिलेशन जो बन रहा है फिलहाल वो बन रहा है आ, फिर आपको ऑप्शंस भी देखने पड़ते हैं तो इसमें दो रिलेशन भी हो सकते हैं कि टेन माइनस फाइव करके भी हो सकता है या टेन डिवाइडेड बाय टू इंटू फाइव तो इसमें दो रिलेशन बन सकते हैं कि नेक्स्ट पेयर हो सकता है ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टू टेन भी हो सकता है या ट्वेंटी माइनस फाइव भी हो सकता है कि आपको ऑप्शन देखने की क्या रिलेशन बन रहा है या आ, और भी देखेंगे कि किस हिसाब कि तो से, बन, आ, 1, 4, 3, से बन रहा है कई बार होगा कि फाइव इंटू वन फाइव इंटू टू जैसे इसमें टेन इंटू वन टेन इंटू टू इस टाइप से कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा तो इस क्वेश्चन में तो हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन से देखेंगे पहले कि फोर प्लस थ्री सेवन नहीं बन रहा फोर इंटू थ्री ट्वेल्व तो एक रिलेशन मल्टीप्लीकेशन वाला तो बन रहा है डिवीजन वाला तो कुछ नहीं है

एट इंटू फोर थर्टी टू तो हमारा आंसर बी आ जाएगा ठीक है तो इस टाइप से क्वेश्चन हमें देखने और आगे सॉल्व करने तो जनरली इसमें कुछ आपका पैटर्न बन रहा होता है वो देखना जनरली ज्यादा नंबर्स दिए रहते हैं इस केस में दो ही नंबर दिए हैं मतलब एक पेयर और दूसरा पेयर तो वो आपका सिंपल मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है तो आपका आंसर थर्टी टू आ जाएगा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टी सेवन थ्री वर्ड्स आर गिवन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन हैव कॉमन फीचर फोर ऑप्शन बिलो द थ्री वर्ड्स वन ऑफ दैट सेम कॉमन फीचर फाइंड द वर्ड तो इसमें फ्रूट फ्लावर स्टेम तो ये हम देखेंगे कि एक प्लांट या एक वेजिटेशन uh, के पार्ट है मतलब कि एक प्लांट में आपको फ्रूट होता है फ्लावर होता है स्टेम होता है तो ये एक उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है उसके पार्ट्स कह लीजिए तो इसमें हमारा आ, सेंट तो नहीं है सेंट तो एक प्रॉपर्टी हो गई कि अगर दिया रहता फ्रूट स्वीट उस हिसाब से फ्लावर सेंट फिर आता लेकिन इसमें सेंट कहीं नहीं बैठ रहा फॉरेस्ट एक बहुत ब्रॉड टर्म हो गया फॉरेस्ट में सब कुछ ही है तो ए ये भी नहीं होगा तो हमारा आंसर लीफ हाँ लीफ प्लांट का पार्ट है तो ये हो सकता है वेजिटेशन ये भी एक थोड़ा जनरल टर्म है वेजिटेशन में सब कुछ आ जाता है मतलब ग्रास भी आ जाता है आपका प्लांट्स भी आ जाता है तो ये भी एक ब्रॉड टर्म है तो इसमें मोस्ट प्रॉबली लीफ आंसर लग रहा है क्योंकि ये दोनों ब्रॉड टर्म्स है फॉरेस्ट तो बिल्कुल ही नहीं है वेजिटेशन कुछ हद हाँ तक है लेकिन ये भी एक जनरल टर्म है कि सबके लिए ग्रास के लिए अः uh, प्लांट्स के लिए फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए तो मतलब आपका फ्लोरा वगैरह के लिए तो वो सारा एक वेजिटेशन का पार्ट आ जाता है फॉरेस्ट में तो सब कुछ आ जाएगा फ्लोरा फोना तो फॉरेस्ट तो नहीं है सेंट भी नहीं है क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी है कि जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल लिया कि फ्रूट स्वीट सॉर तो उस टाइप से एक प्रॉपर्टी है कि सेंट वो एक स्मेल की प्रॉपर्टी है तो इसमें आंसर हमारा मोस्ट ऑब्ली लीफ आएगा कि आ, वो एक आ, प्लांट का पार्ट है कि स्टेम एक प्लांट का पार्ट है फ्लावर भी आ, आ, उसका पार्ट है फ्रूट भी हाँ एक प्लांट का पार्ट मतलब प्लांट्स में ही मिलता है हमें तो इसलिए इसका आंसर लीफ मोस्ट प्रॉबली लग रहा है वेजिटेशन भी हो सकता है लेकिन वेजिटेशन एक थोड़ा ब्रॉड टर्म है तो इसलिए इसका आंसर मोस्ट प्रॉबली लीफ है मतलब वन और ए और डी तो बिल्कुल नहीं है तो इसमें लीफ मोस्ट प्रॉबली लग रहा है क्योंकि उसमें कॉमन फीचर हमें देखना है तो ये प्लांट का एक कॉमन फीचर है फ्रूट है उसमें फ्लावर है स्टेम और लीफ उसमें रहता है तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं थ्री वर्ड्स आर गिवन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फोर ऑप्शन ऊपर वाले की तरह ही है वन विच ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थ्री वर्ड्स फाइंड दैट ऑप्शन चीता लाइन टाइगर तो इसमें Zoo, zoo तो नहीं होगा क्योंकि जनरली uh, सारे एनिमल्स तो नहीं हमें दिखते कि ये जू में होते हैं ठीक है लायन टाइगर कई बार होता है चीता भी कई बार होता है लेकिन उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है कि हमें हमेशा ही जू में मिलेंगे लेकिन ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक पूरी है कि हाँ ये कार्निवोरस है ये इनकी एक फीचर है कि हाँ तीनों ये चीज तो होंगी जू में हाँ ठीक है हो भी सकते हैं नहीं भी एक्सटेंट हाँ मतलब टाइगर तो एक्सटेंड नहीं है लाइन भी आ, मतलब एक्सटेंड नहीं है हमारे यहाँ दिखता ही है गिर फॉरेस्ट वगैरह में है लाइन वगैरह हैं और चीता ठीक है चीता आ, कुछ कंट्रीज में ऑन वर्ज ऑफ एक्सटेंशन है लेकिन अभी भी कुछ आ, कंट्रीज में पाया जाता है तो ये इसकी फीचर नहीं है सर्कस भी नहीं है तो इसमें कार्निवोरस तो ये श्योर शोर्ट इसका यही आंसर है इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि ये इसका रिप्रेजेंटेटिव इसको रिप्रेजेंट करता है कि यहां तीनों ही कार्निवोरस एनिमल्स हैं ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन फोर्टी नाइन पे तो इसमें दिया हुआ है राज ट्रैवल्ड फ्रॉम पॉइंट एक्स स्ट्रेट टू वाई एट अ डिस्टेंस ऑफ एट्टी मीटर्स ही टर्न राइट एंड वॉक फिफ्टी मीटर्स देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक सेवेंटी मीटर्स फाइनली ही टर्न राइट एंड वॉक फिफ्टी मीटर्स हाउ फार ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट तो इसमें बेसिकली आपको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन लेके Uh, सारा ड्रॉ करना है कि वो किस तरह मूवमेंट कर रहा है तो पहले आप पॉइंट ऐसे ड्रॉ करेंगे सपोज आपने ड्रॉ कर दिया नॉर्थ वेस्ट साउथ uh, सॉरी ईस्ट वेस्ट तो इस तरह आपने ये ड्रॉ कर दिया कि किस डायरेक्शन में जा रहा है तो आपने सपोज वो पहले क्या uh, ट्रेवल्ड फ्रॉम पॉइंट एक्स स्ट्रेट टू वाई तो सपोज ये पॉइंट एक्स था तो इसमें आप स्ट्रेट वाई की तरफ गया मतलब फेसिंग फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट तो फिर ये 80 मीटर उसने ट्रेवल किया अब ही टर्न राइट तो उसने टर्न राइट right, मतलब यहां से उसने टुवर्ड्स साउथ फेसिंग राइट फेस करके वो चलने लगा तो ही टर्न राइट एंड वॉक 50 मीटर्स तो 50 मीटर वॉक किया अब उसका फेस टुवर्ड्स साउथ है तो उसका आप देखेंगे तो उसका राइट डायरेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट हुआ और लेफ्ट डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट हुआ तो उसमें फिस दिया कि टर्न राइट अगेन तो राइट उसका इस डायरेक्शन में हो गया तो ही टर्न राइट एंड वॉक 70 मीटर्स तो 70 मीटर्स वॉक किया अब उसका फेस टुवर्ड्स वेस्ट है राइट उसका नॉर्थ की तरफ है लेफ्ट उसका साउथ की तरफ है फाइनली ही टर्न राइट एंड वॉक 50 मीटर्स फिर उसने राइट right, टर्न किया राइट उसका नॉर्थ की तरफ है तो उसने फिफ्टी मीटर ट्रेवल किया और, और यहां पे अभी उसकी फाइनल पोजीशन है तो ये फाइनल पोजीशन कितनी होगी 80 और ये 70 तो ये कितनी होगी 80 माइनस सेवेंटी टेन मीटर तो फाइनली वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट एक्स से कितनी दूर है तो ये आ जाएगा 70 मीटर बेसिकली इसमें आपको डायरेक्शन देखनी है कि कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो उसका फेस किस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में आप देखते हुए उसको राइट right या लेफ्ट जिस डायरेक्शन में बोला गया उस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आप सही आंसर पे आ जाएंगे तो ये तो इजी था तो नेक्स्ट चलते हैं फिफ्टी इसमें दिया हुआ है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफन टेल्स इज फ्रेंड शी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ द एल्डर ब्रदर ऑफ माई फादर हाउ इज दर्ल इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू दिस मैन तो इसमें जैसे हमने ऊपर भी किए थे दो सवाल तो इसमें हम ड्रॉ कर लेंगे जैसे पर्सन जो बोल रहा है अपने दोस्त को बोल रहा है एक फोटो को देखते हुए जैसे हमने बोला था कि हम पीछे से स्टार्ट करेंगे पीछे जो स्टेटमेंट किए एल्डर ब्रदर ऑफ माई फादर तो आपके फादर के एल्डर ब्रदर आपके क्या हुए ताया जी या अंकल तो ये स्टेटमेंट में लास्ट से देखेंगे लास्ट में क्या है एल्डर ब्रदर ऑफ माय फादर तो शी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ द एल्डर ब्रदर तो एल्डर ब्रदर की ग्रैंड डॉटर है मतलब फादर के एल्डर ब्रदर की ग्रैंड डॉटर तो फादर के एल्डर ब्रदर की ग्रैंड डॉटर मतलब फादर के एल्डर ब्रदर के, के बच्चे सन या डॉटर की वो डॉटर है तो आपके फादर के एल्डर ब्रदर के सन एंड डॉटर आपके क्या लगे कजन और उनकी डॉटर आपके कजन की डॉटर आपकी क्या लगी नीस <स्थाँगा> तो इसमें आ जाएगा नीस मतलब आपके फादर के एल्डर ब्रदर आपके ताया जी के की ग्रैंड डॉटर है मतलब आपके ताया जी के बच्चों की बेटी है तो वो आपकी क्या लगी नीस मतलब आपके कजन की बेटी आपकी नीस लगी तो इस हाउ इज द गर्ल रिलेटेड इन द फोटोग्राफ टू दिस मैम तो शी इज हर नीस इज इज नीस ठीक है <laughs> अब ये क्वेश्चन है uh, मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूं डायरेक्शंस क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन टू फिफ्टी फाइव इन द फॉलोइंग डायग्राम सर्कल रिप्रेजेंट्स कॉलेज प्रोफेसर सर्कल ये ये जैसे हमने ऊपर वेन डायग्राम किया था उसी टाइप से है जैसे हम आपको ऊपर दो एग्जाम्पल किए थे वेन डायग्राम से तो इसमें उसी तरह है कि आपको देखना है कि कौन सा क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो इसमें भी वो उसी टाइप से वेन डायग्राम बना हुआ है मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि आप चाहे सर्कल ड्रॉ कर लो या कोई भी शेप ड्रॉ कर लो तो आप अः वो कंक्लूजन जैसे हमने एक स्टे, तीन स्टेटमेंट दी थी उससे कंक्लूजन ड्रॉ किए थे तो इसमें भी उसी तरह दिया हुआ है कि ये सर्कल रिप्रेजेंट कॉलेज प्रोफेसर ट्रायंगल रिप्रेजेंट सर्जिकल स्पेशलिस्ट ये ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट तो इनमें से हमें क्वेश्चन दिए हैं पांच क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे तो कॉलेज प्रोफेसर सर्जिकल स्पेशलिस्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय पहले हम देखेंगे कॉलेज प्रोफेसर कौन सा सर्कल है तो वो वो है सर्कल मतलब कौन सी फिगर है तो वो सर्कल फिगर है तो ये सारे कॉलेज प्रोफेसर है हु आर ऑल्सो सर्जिकल स्पेशलिस्ट तो सर्जिकल स्पेशलिस्ट हमारा है ट्राइंगल तो इसका मतलब कॉलेज प्रोफेसर और इसका इंटरसेक्शन क्या है डी और वाई तो कॉलेज प्रोफेसर आल्सो सर्जिकल स्पेशलिस्ट आर डी एंड वाई तो इसमें आंसर में सिर्फ डी है तो हमारा आंसर आ जाएगा डी अगर यहां पे दे भी सकता था डी एंड वाई लेकिन इसने सिंपल uh, डी दिया तो आपका आ जाएगा डी कॉलेज प्रोफेसर हुसो सर्जिकल स्पेशलिस्ट इसमें वाई इसलिए नहीं दिया क्योंकि दी, दी वाई वो भी है कि कॉलेज प्रोफेसर भी हैं सर्जिकल स्पेशलिस्ट भी हैं और मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हैं तो अगर इसमें क्योंकि वो मेंशन नहीं है कि अगर ओनली मेंशन नहीं है और ओनली मेडिक सर्जिकल स्पेशलिस्ट तो फिर प्रॉपरली डी इसलिए उसने कंफ्यूजन नहीं किया वाई इसलिए नहीं दिया तो इसलिए उसका कहने का मतलब यही था कि कॉलेज प्रोफेसर हु आर ऑल्स ओनली सर्जिकल स्पेशलिस्ट तो वो डी है कॉलेज प्रोफेसर हु आर सर्जिकल स्पेशलिस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट तो वो वाई आता ठीक है तो हम आगे देखते हैं आगे इस तरह का भी और सवाल भी आएंगे तो इसमें दिया है फिफ्टी सेकेंड सर्जिकल स्पेशलिस्ट हु आर मेडिकल स्पेशलिस्ट बट नॉट प्रोफेसर इस तो इसमें क्लियरली दिया है तो जैसे सर्जिकल स्पेशलिस्ट हमने देखा था ट्रायंगल है ये ट्रायंगल हु आर ऑल्सो मेडिकल स्पेशलिस्ट मेडिकल स्पेशलिस्ट रेक्टेंगल है बट नॉट प्रोफेसर तो रेक्टेंगल और ट्राइंगल का इंटरसेक्शन लेकिन उसमें सर्कल का इंटरसेक्शन ना हो तो उसमें सिर्फ हमारा बचेगा क्योंकि एक्स वाई ये प्रोफेसर भी हैं तो इसमें क्लियरली लिखा है बट नॉट प्रोफेसर तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा डी ठीक है आ, फिर नेक्स्ट दिया सी रिप्रेजेंट सी सी रिप्रेजेंट्स तो एक किसी में भी इंटरसेक्शन नहीं है तो सी रिप्रेजेंट ओनली ये सर्जिकल स्पेशलिस्ट ट्रायंगल का पार्ट है सी तो सी रिप्रेजेंट ओनली सर्जिकल स्पेशलिस्ट तो इसमें आगे दिया बी रिप्रेजेंट तो बी कहां पे हमारा बी बी भी किसी के साथ इंटरसेक्शन नहीं है तो बी रिप्रेजेंट ओनली मेडिकल स्पेशलिस्ट इसमें ऑप्शन में ओनली मेडिकल प्रोफेसर नहीं प्रोफेसर नहीं मेडिकल स्पेशलिस्ट हुर नीदर प्रोफेसर नॉर सर्जिकल स्पेशलिस्ट तो सी क्योंकि इसमें ओनली मेडिकल स्पेशलिस्ट है तो दो सर्जिकल नॉट प्रोफेसर तो इसमें बी रिप्रेजेंट ओनली मेडिकल स्पेशलिस्ट तो इसमें नेक्स्ट है कॉलेज मेडिकल स्पेशलिस्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय तो कॉलेज प्रोफेसर हमारा सर्कल था हु आर ऑल्सो मेडिकल स्पेशलिस्ट तो इसमें सर्कल और रेक्टेंगल का इंटरसेक्शन तो वो कौन सा है एक्स एक्स तो College professors who are also medical स्पेशलिस्ट are represented by X. इसमें देखिए सिंपली हमारा बी आ जाएगा X. तो ये इजी uh, था मतलब इसमें बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि फिगर्स में कौन कौन से वो मैच कर रहे हैं तो चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं तो ये सारे uh, एक डेटा इंटरप्रिटेशन है डेटा रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं ऊपर हम देख रहे थे बेसिक मैथ्स वाले भी हैं और ये वाले हैं रीजनिंग वाले इंटरप्रिटेशन वाले कि आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो जो डेटा दिया है या जो हमें आ, एक फिगर्स दी हैं डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है फिगर्स के फॉर्म में परसेंटेजेस के फॉर्म में फ्रैक्शन के फॉर्म में फिगर्स के फॉर्म में तो उसको आपने इंटरप्रेट इंटरप्रेट कैसे करना है वो चीज है तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 टू 60 इसमें दिया रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बी तो इसमें दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल एंड फेसिंग द सेंटर तो ये एक दो तीन चार पांच छह सात लोग हैं जो सर्कल को फेस करके बैठे हुए हैं ठीक है तो हम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल तो सर्कल को फेसिंग बैठे हैं मतलब सारे लोग सर्कल को फेस तो इसमें सेवन लोग हैं सेवन पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो सारे फेसिंग फेसिंग फेस फेस इनका इधर है face सबका सर्कल की तरफ है कई बार ये हो सकता है कि फेसिंग आउटवर्ड्स भी दे सकता है तो आपको देखना है कि आ, किस तरफ फेस करके बैठेंगे क्योंकि उससे हमारा राइट right और लेफ्ट का डायरेक्शन आइडेंटिफाई होगा तो इसमें हमने सेवन पॉइंट्स लिख लिए मैं ये एरोज रब कर देता हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो लेकिन उनका फेस एक एरो रखता हूं कि उनका फेस इसकी तरफ है सर्कल की तरफ है तो सर्कल की तरफ फेस है तो उनका मतलब राइट right हैंड इस तरफ हो गया राइट right हैंड सबका राइट right हैंड इस डायरेक्शन में हो गया तो आप इस तरह ड्रॉ कर लीजिए अगर आपको बोला गया तो सबका राइट right हैंड इस डायरेक्शन में होगा ऐसे इसका राइट हैंड इधर इसका राइट इधर इसका राइट इधर और इसका राइट इधर इसके बगल में आप ड्रॉ कर लीजिए और इसका राइट इधर इसका मतलब क्योंकि हमें आगे देखना होगा कि आ, किस डायरेक्शन में उसका राइट है तो उसका राइट इधर और आ, राइट इधर और लेफ्ट इधर आप अभी फिर लाल राइट ही रखिए क्योंकि आ, हम बाद में देखेंगे तो जी इस सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी हुई आप पहले आ, कोई भी ड्रॉ कर लीजिए क्योंकि आ, 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 इसमें आज सच तो कुछ अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है क्योंकि सर्कल में बैठे हैं, तो आप कोई भी पहला एक ड्रॉ कर लीजिए उसके बाद हमारे बाकी आते रहेंगे तो जी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी तो जी हमने सपोज यहां पर रख दिया इस पॉइंट पे फर्स्ट पॉइंट पे तो जी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी C के सेकेंड लेफ्ट है तो G के राइट uh, right इधर है तो इसका लेफ्ट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C तो C का अगर सपोज यहां पे बैठा है उसका लेफ्ट यहां पे होगा तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C तो C मतलब यहां पे हो गया ठीक है क्योंकि उसका राइट right इधर है सेकेंड पे G बैठा है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C तो C का लेफ्ट इधर हो गया ये फर्स्ट इज सेकेंड तो C और G G सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C हु इज टू द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ एफ तो एफ मतलब यहां पे हो गया क्योंकि सी इज टू द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ एफ तो एफ का राइट right इधर है ये हम देख रहे हैं राइट right इधर है लेफ्ट उसके इमिजिएट में सी हो गया तो so पहली स्टेटमेंट से हमें ये आ जाएगा ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई तो इसमें पहली स्टेटमेंट से हमें जी सी एफ ही पता है लेकिन ये नहीं पता कि ए और ई e कहां पे है तो अभी फिलहाल हम देखेंगे थर्ड स्टेटमेंट तो थर्ड में दिया बी इज बिटवीन डी एंड ई बी इज बिटवीन डी एंड ई तो बी यहां पे तो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें लिखा है डी और ई e के बीच में है तो बी पक्का यहां पे होगा क्योंकि डी डी और ई e यहां पे इन दोनों में से किसी पॉइंट पे होंगे तो बी पक्का यहां पे होगा थर्ड स्टेटमेंट से हमें यह पता लग गया आप सोचोगे यहां पे क्यों नहीं क्योंकि वो दिया हुआ कि बी इज बिटवीन डी एंड तो डी एंड ई यहां पे तो है नहीं यहां पे अगर बी कर देंगे तो यहाँ पे तो F है तो बिटवीन D एंड E है तो वो D और E यहां पे होगा D या E यहां पे होगा या D E या पे होगा तो B श्योर शॉर्ट यहां पे आ गया अब हम सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं कि A इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E तो E अगर हम यहां पे रखते हैं तो E का ये राइट है तो उसका थर्ड लेफ्ट क्या होगा वन टू थ्री तो E मतलब यहां पर नहीं हो सकता ई e यहां पर होगा तो ए उसके थर्ड लेफ्ट है तो ई e का राइट right इधर है जैसे हम ये एरो देख रहे हैं तो उसका लेफ्ट इधर हो गया वन टू थ्री तो यहां पे कौन आ जाएगा ए और यहां पे क्या आ जाएगा डी तो तीनों स्टेटमेंट आप देख लीजिए जी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी इसका राइट right इधर है वन टू जी आ गया सी के सेकेंड लेफ्ट हु इज टू द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ एफ एफ का राइट right इधर है उसके इमीजिएट लेफ्ट सी आ गया ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई ई का राइट right इधर है लेफ्ट ए हो गया तो वन टू थ्री ए आ गया B is between D and D. B is between D and D. तो सारी हमारी तीन स्टेटमेंट आ गई और इसके बाद हमें इसका इंटरप्रिटेशन करना है कि इसमें कौन कौन से आंसर मैच कर रहे हैं तो ये हमारा एक बार ग्राफ ये सर्कल आ जाए या सिटिंग अरेंजमेंट आ जाए उसके बाद हमारे आंसर सिंपली इजीली आ जाएंगे तो पहला स्टेटमेंट उसमें दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स तो ए इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ई ये गलत है नहीं गलत नहीं पहले हमें चेक करना पड़ेगा मैंने सोचा यहां पे राइट दिए पे है ए इज टू द फोर्थ ऑफ राइट ऑफ ई ई का राइट right ई e इधर है तो वन टू थ्री फोर ये करेक्ट है ए इज फोर टू द राइट ऑफ ई तो ये करेक्ट है जी इज टू द इमीजिएट राइट ऑफ डी जी इज टू द इमीजिएट राइट ऑफ डी ठीक है क्योंकि राइट right इधर है तो जी इमीजिएट राइट है डी के तो ये भी करेक्ट है एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी तो डी का राइट right इधर है इधर है वन टू थ्री नहीं ये गलत है क्योंकि F उसके फोर्थ राइट right पे है वन टू थ्री फोर और लेकिन ये भी चेक करना पड़ेगा लास्ट स्टेटमेंट ये करेक्ट है कि नहीं B इज टू द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ D तो D का राइट right इधर है B उसके इमीजिएट लेफ्ट में है. ये करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट है तो इसमें पूछा गया विचो फॉलोइंग इज फॉल्स तो हमारा आंसर आ जाएगा फॉल्स इज C ठीक है तो इसमें F इज थर्ड टू द राइट ऑफ D ये गलत है क्योंकि बाकी स्टेटमेंट हमारी सारी सही आ रही है और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू तो ये भी चेक करेंगे सी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी सी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी तो बी का राइट right किधर है एरो से देख लेंगे इधर है और उसका लेफ्ट किधर होगा इधर होगा तो एक दो तीन ये गलत है सी उसके थर्ड लेफ्ट पे है यहां पे फोर्थ जी है तो ये स्टेटमेंट गलत ए इज टू द इमीजिएट राइट ऑफ जी ए इज टू द इमीजिएट राइट ऑफ जी ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि जी का राइट right किधर है इधर और वो ए बैठा हुआ है लेकिन हम बाकी स्टेटमेंट्स भी चेक करेंगे कि हमें हमारे से कोई गलती तो नहीं हुई तो सी स्टेटमेंट चेक करेंगे डी इज टू द लेफ्ट ऑफ ई डी इज टू द लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट ऑफ ई तो डी का राइट right इधर है सेकेंड लेफ्ट वन टू ये करेक्ट है सेकेंड डी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई सॉरी ई के सेकेंड लेफ्ट है ई e के सेकेंड राइट right पे है डी वन टू E उसके सेकंड लेफ्ट में है लेकिन इसमें उल्टा दिए लेफ्ट ऑफ ई तो ये गलत है कि ई e के लेफ्ट है e के तो वो राइट पे right पे है D, पे नहीं है लेफ्ट नहीं और लास्ट स्टेटमेंट है बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ जी बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ जी जी का राइट right किधर है इधर वन टू नहीं है बी वो उसके सेकेंड लेफ्ट पे है तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है ठीक है इसमें आपको देखना है कि बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ जी तो जी का राइट right किधर है इधर वन टू तो इधर बी नहीं है तो ये स्टेटमेंट गलत है इन्होंने जनरली कंफ्यूज करने के लिए वो दिया रहता है कि आपका मैच कर जाए कि वन टू लेकिन वो उसके लेफ्ट पे है राइट पे नहीं है तो ये स्टेटमेंट गलत है तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ठीक है तो फिफ्टी एट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर एज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ द सेकेंड पर्सन मतलब जो पहला पर्सन है दूसरे पर्सन के इमिजिएट लेफ्ट पे बैठा हो तो हम देखते हैं बी और ई e. तो बी क्या ई e के इमीजिएट लेफ्ट पे बैठा है नहीं बी ई e के इमीजिएट राइट right पे बैठा है तो ये स्टेटमेंट गलत है सी ए सी ए तो सी क्या आ, ए के इमीडिएट लेफ्ट पे बैठा है नहीं ए के इमीडिएट राइट पे बैठा है तो एरो ऐसे है तो ये भी गलत है और फिर थर्ड है जी और डी जी और डी क्या <clears throat> इसके इमीजिएट लेफ्ट पे बैठा है आ, ये सेकेंड पर्सन नहीं इसके इमीजिएट राइट पे बैठा है क्योंकि डी यहां है, इसके इमीजिएट राइट पे जी बैठा है लेफ्ट पे नहीं बैठा तो ये भी गलत है सी वैसे तो आप ऑप्शन को देख के ही कर सकते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन जैसे जी और डी दी है तो मतलब इन दोनों में से कोई हमारा ऑप्शन होगा तो पहले ये चेक कर सकते हैं रादर देन गोइंग थ्रू दिस हम ये सारे ऑप्शन इसलिए चेक कर रहे हैं कि कोई गुंजाइश ना रहे कि हमारे uh, किसी uh, इसमें सिटिंग अरेंजमेंट में गड़बड़ी ना हो क्योंकि अगर सिटिंग अरेंजमेंट में गड़बड़ी है तो अः uh, हमारे हो सकता है कि कोई भी ना मैच करे या दो मैच करने लग जाए तो हमारे एक ही आंसर मैच कर रहा है तो हमारा इसका मतलब सिटिंग अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट है मतलब हमने सही बनाया स्टेटमेंट मैच करे और हमारे आंसर में भी ये सिंक्रोनाइजेशन हो मतलब कि एक आंसर ही मैच कर रहा है या एक ही मतलब एक ही हमारा आंसर मैच कर रहा है ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं मैच कर रहा है या सारे मैच कर रहे हैं उसमें मतलब कि हमने गड़बड़ी की है तो इसमें सी uh, गलत है तो डी चेक करती uh, है क्या डी उसके इमीजिएट लेफ्ट बैठा है यस जी का राइट ए है तो उसके इमीजिएट लेफ्ट पे बैठा है यस yes, बैठा है डी तो ये आंसर डी सही है अभी नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलिंग हैज द मिडल पर्सन सिटिंग बिटवीन द रिमेनिंग टू मतलब सी या एफ या ई e इनके बीच में बैठा है तो हम चेक करते हैं क्या सी एफ और ई e के बीच में है सी एफ और ई e के बीच में है नहीं तो ये गलत है क्या एफ ई e और बी के बीच में है क्या एफ ई e और बी के बीच में है? नहीं तो तो ये भी गलत है क्या ई e, डी और बी के बीच में है ई e, डी और बी के नहीं तो ये भी गलत है तो इसका मतलब नन ऑफ द अभाव तो लास्ट uh, पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोजिशन ऑफ एफ फोर्थ टू द राइट ऑफ डी फोर्थ टू द राइट ऑफ डी का राइट right क्या है इधर वन टू थ्री फोर स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन फिर भी हम फॉर द सेक और वेरिफिकेशन हम आगे चेक करते हैं कि बाकी मैच कर रहे हैं पोजिशन ऑफ एफ टू द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ सी टू द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ सी नहीं ये राइट right इधर है तो सी के इमीजिएट राइट right पे है लेफ्ट पे नहीं तो ये स्टेटमेंट गलत है बिटवीन ए एंड ई एफ इज बिटवीन ए एंड ई नहीं बिटवीन सी एंड ई है एफ टू द इमीजिएट राइट ऑफ ए नहीं टू द सेकेंड राइट ऑफ ए है राइट ऐसे तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ए ठीक है तो हम पहले सिटिंग अरेंजमेंट बनाते हैं फिर आप एरो से उसका डायरेक्शन बना लीजिए कि उसका राइट right इस साइड है ताकि आपको बार बार चेक ना करना पड़े आप लेफ्ट भी बना सकते हैं लेफ्ट के लिए आप अंदर एरो बना सकते हैं ऐसे कि इसका लेफ्ट इधर है इसका लेफ्ट इधर है इसका लेफ्ट इधर है।, है लेकिन वो आप अपनी कन्वीनियंस के लिए बना सकते हैं कि जब आपको लेफ्ट राइट देखना है तो आपका कोई कंफ्यूजन ना हो कि इनका राइट इधर है क्योंकि ये फेसिंग सेंटर बैठे हैं। तो फेसिंग सेंटर बैठे हैं तो उनका राइट जो ये सर्कल आएगा इसमें है एक कहां चला गया तो आ, ये सर्कल आएगा जब फेसिंग सेंटर बैठेंगे उनका राइट इस डायरेक्शन में है और अगर वो आउटवर्ड बैठे हैं तो उल्टा डायरेक्शन में आएगा और लेफ्ट उनका अगर फेसिंग सेंटर बैठे हैं तो इस डायरेक्शन में आएगा जो हमने अंदर ड्रॉ किया ये तो आप ये सारे बना सकते हैं राइट बनाया है तो उससे ही आपका लेफ्ट का भी पता लग जाएगा लेकिन आप अपनी कन्वीनियंस जो आपको सूटेबल है उस हिसाब से आप कर सकते हैं बेसिक मेथोडोलॉजी बेसिक ट्रिक यही है कि आप उनको पहले सेटिंग अरेंजमेंट चेक करिए फिर उनका डायरेक्शन चेक करिए सेटिंग अरेंजमेंट और डायरेक्शन इससे आपको आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होगी ठीक है तो आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं तो ये हमारे आंसर इसमें ये आ रहे तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर विच अमंग द फॉलोइंग विच इज एग्जैक्टली डिविज बाय ट्वेंटी फोर फिफ्टीन एंड थर्टी सिक्स तो ये बेसिकली क्वेश्चन एलसीएम का है एलसीएम में जनरली हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिलता है लेकिन इसमें ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है तो मतलब जो हमारा नंबर होगा वो हमारे एलसीएम से डिविजिबल होगा तो इसमें आप इसका चाहे एलसीएम फाइन कर लीजिए नंबर को आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं कि आ, वो इन नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा तो हम दोनों मेथड देख लेते हैं तो पहले आप देखेंगे कि आ, ये नंबर दिया है आ, ट्रिपल लाइन ट्रिपल लाइन तो ये आप देखेंगे कि जनरली जो

आप इसको स्किप कर सकते हैं फिर इसको हम करेंगे लेट से इसके मल्टीपल से ट्वेंटी फोर तो चाहे आप उससे कर सकते हैं तो ट्वेंटी फोर इंटू फोर नाइनटी सिक्स विथ थ्री आएगा थ्री ट्वेंटी फोर वन फिफ्टी सेवन तो इसका वन फोर्टी फोर वन थर्टी टू वन फोर्टी फोर थर्टीन तो ये इससे डिवाइड हो रहा है मतलब ट्वेंटी फोर से हो रहा है उसी तरह फिफ्टीन से कर सकते हैं नाइनटी नाइन नाइन नाइनटी सेवन सेवन सिक्सटी वन ट्वेंटी एट तो ये फिफ्टीन से भी हो रहा है फिर थर्टी सिक्स मतलब आप इसको चाहे तीन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं या एलसीएम मैं आपको एलसीएम वाला बता देता हूं नहीं तो आपको आ, जो इजी लग रहा है आप उससे कर सकते हैं एलसीएम में जैसे ट्वेंटी फोर दी है तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए ट्वेंटी फोर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा मतलब उसको प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल्स में लिख दीजिए uh, तो ये हो गया एट इंटू थ्री एट इंटू थ्री फर्दर डिवाइड किया टू इंटू टू इंटू थ्री उसी तरह फिफ्टीन का हो गया थ्री इंटू फाइव तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है थर्टी सिक्स का क्या हो गया ट्वेल्व इंटू थ्री उसको फर्दर हमने कर दिया टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री ठीक है तो एलसीएम हमारा होता है आप सारे जो प्राइम फैक्टर्स है वो पहले लिख लो टू लिख लिया लिख लिया क्योंकि इसमें हमारे यही नंबर है टू थ्री फाइव और तो कोई नंबर नहीं है अब इसमें जो इनका हाइएस्ट पावर है टू का हाइएस्ट पावर इसमें क्या है स्क्वायर क्यूब सॉरी इसमें तो टू uh, का कोई पावर नहीं है इसमें टू का स्क्वायर uh, है तो टू का हाइएस्ट पावर तीनों नंबर में मिला के क्या है थ्री इसमें तो हमने इसका टू का हाइएस्ट पावर लिख लिया थ्री का हाइस्ट पावर क्या तीनों में स्क्वायर तो वो लिख लिया फाइव का हाइएस्ट पावर क्या वन तो वो लिख लिया तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा एट इंटू नाइन इंटू फाइव तो ये हमारा आ जाएगा सेवनटी टू इंटू फाइव थ्री सिक्सटी तो बेसिकली आप एक ही नंबर से डिवाइड कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा नंबर आपका थ्री सिक्सटी से डिवाइड हो रहा है या अलग अलग करके कर सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट है तो हम पहला नंबर तो स्किप कर ही सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वो फिफ्टीन से तो होगा ही नहीं नंबर है नंबर मल्टीप्लाई ना फोर से क्योंकि नाइन तो किसी भी हालत में नहीं आएगा फिफ्टीन के मल्टीपल्स में तो हम इस नंबर को थ्री सिक्सटी से डिवाइड कर सकते हैं पहले तो इसको हमने किया थ्री सिक्सटी से तो थ्री सिक्सटी इंटू टू थ्री करेंगे तो वन जीरो एट जीरो तो टू से जाएगा तो नाइन सेवन टू सेवन नाइन फिर ये सेवन आया तो थ्री सिक्सटी इंटू ये किस से जाएगा एट से करेंगे तो फोर्टी एट फोर टू एट तो नहीं एट से नहीं जाएगा सेवन से जाएगा तो हमने इसको सेवन से किया तो जीरो टू जीरो टू उतारा तो फिर से इसी पे जाएगा क्योंकि एट का तो ऊपर जा रहा था टू फाइव टू जीरो टू फाइव टू तो जीरो आया तो ये टू फाइव टू जीरो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा कि ये है फिर भी हम बाकी से करेंगे तो हमारा आपको इसी से ही आ जाएगा जैसे आपने इसमें थ्री फिफ्टी से रिप्लेस कर दिया तो यहां पे आपका फाइव आएगा तो फाइव करके यहाँ पे आपका टू फाइव टू जीरो तो वो आपका मल्टीप्लाई नहीं होगा उसी तरह आप नेक्स्ट नंबर को अगर देखेंगे मतलब <coughs> आप एलसीएम से कर सकते हैं या इसमें से आ, नंबर्स को डिवाइड uh, करके कर सकते हैं मैं आपको और इजी तरीका भी बताता हूं जैसे इसमें आपका एलसीएम में आपका कौन कौन से पावर आ रहे हैं ठीक है तो आप अरे इन छोटे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं तो इसमें आप पहले एट से करके फिर जो एट से आ, 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 आपका क्वेश्चन uh, आएगा उसको डिवाइड कर सकते हैं नाइन से फिर फाइव से ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपको ये थ्री सिक्सटी का uh, से नहीं करना डिवाइड तो आप छोटे नंबर्स से से पहले से इसके इससे डिवाइड किया फिर 9 से फिर फाइव से ऐसे कर करके भी देख सकते हैं तो अभी जैसे आप नाइन से डिवाइड करना है तो नाइन में थ्री मल्टीप्लाई थ्री है तो थ्री का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि नंबर शुड बी द नंबर शुड बी डिविज बाई थ्री तो इसमें आप ऐसे भी स्किप कर सकते हैं कि कौन से नंबर में थ्री का मल्टीपल नहीं है पहला नंबर तो हमने इलिमिनेट कर दिया क्योंकि 5 को देखते हुए हो सकता है नाइन प्लस नाइन प्लस नाइन ट्वेंटी सेवन प्लस थर्टी सिक्स से uh, हो रहा है इन प्लस नाइन प्लस नाइन ट्वेंटी सेवन प्लस टेन थर्टी सेवन तो ये थ्री से डिवाइड नहीं हो रहा तो मतलब ये नाइन से डिवाइड नहीं होगा तो इसको भी हम इलिमिनेट कर सकते हैं तो फाइनली आपको इन दोनों में से देखना है मतलब इस तरह आप इलिमिनेट uh, करके और अपना सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि मुझे कौन से दो नंबर में से या किस में पॉसिबिलिटी लग रहा है कि आंसर हो सकता है तो इस तरह आप पहले एलसीएम निकाल के कर सकते हैं या सिंगल नंबर से कर सकते हैं जो आपको इजी लगे तो बेस्ट मेथड तो यही है कि आप एलसीएम से कर लीजिए या आप सिंगल uh, नंबर को डिवाइड करके कर, कर लीजिए कि ग्रेटेस्ट एक्सिस्टिंग नंबर अमंग द फॉलोइंग इज बाय नंबर्स जो आपको लगे वैसे एलसीएम से आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा तो आप पहले आंसर एलसीएम से करिए डिवाइड और फिर uh, मतलब एलसीएम निकाल लीजिए फिर उसको उससे डिवाइड कर दीजिए नंबर से बाकी ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं कि आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो जैसे ट्रिपल नाइन ट्रिपल नाइन हमने एलिमिनेट कर दिया uh, देख के कि वो थ्री से वो सॉरी फाइव से डिवाइड नहीं होगा और ये वाला जो लास्ट नंबर था जो आ, ये रब हो गया तो ये वाला इससे डिवाइड नहीं हो सकता आपका थ्री से क्योंकि इसका जो सम ऑफ नंबर्स है वो थ्री से डिवाइड नहीं होगा तो ये इलिमिनेट हो जाएगा तो आपको दो ही चेक करने हैं वो कि वो आ, दो नंबर्स में से कौन सा सही बैठेगा तो हमारा बी ठीक बैठ रहा है तो आंसर भी आ जाएगा ठीक है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिक्सटी सेकेंड जिसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलिंग इज आर ट्रू फॉर एक्स इक्वल टू सेवन वाई इक्वल टू फाइव एंड जेड इज इक्वल टू थ्री तो इसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू दी है और हमें तीन वैल्यूज में से देखना है तो पहले मैं इसको रब कर दूं ठीक तो है इधर हम देखेंगे तो हमारे पास सिक्सटी सेकेंड क्वेश्चन के लिए x सेवन y फाइव और z थ्री दिया हुआ है तो हमें देखना है कि इसमें से एक्स वाई जेड प्लस थ्री इज इट अ कॉम्पोजिट नंबर तो कॉम्पोजिट नंबर हमारे कौन से होते हैं कॉम्पोजिट नंबर वो हैं uh, जो एटलीस्ट वन द नंबर इट और उसके अलावा कोई थर्ड नंबर से डिविजिबल हो मतलब रिमाइंडर उनका जीरो आए तो इसमें हम देखेंगे एक्स वाई जेड एक्स इंटू वाई इंटू जेड तो सेवन इंटू फाइव इंटू थ्री तो ये हो गया थर्टी फाइव इंटू थ्री वन जीरो फाइव तो वन जीरो फाइव प्लस थ्री तो वो हो गया वन जीरो एट तो वन जीरो एट कॉम्पोजिट नंबर है तो ये कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि ये देख सकते हैं हम जो डिविजिबिलिटी रूल हमने पीछे भी देखा था कि थ्री से डिविजिबल है कि वन प्लस जीरो प्लस एट नाइन तो सम ऑफ डिजिट्स इफ डिविजिबल बाय थ्री देन द नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री तो ये थ्री से डिविजिबल है बाकी और नंबर से भी डिविजिबल है लेकिन वन और वन जीरो एट के अलावा कोई भी एक नंबर से डिविजिबल है तो एक कॉम्पोजिट है तो मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है अब देखें एक्स वाई जेड माइनस फोर तो एक्स वाई जेड हमारा आया था वन जीरो फाइव तो वन जीरो फाइव माइनस फोर तो इज इट अ प्राइम नंबर वन जीरो वन तो ये टू से नहीं है थ्री से नहीं है क्योंकि वन प्लस वन टू फोर से नहीं है फोर का डिविजिबिलिटी रूल है कि आखिरी के दो नंबर डिविजल डिविजल बाय फोर होने चाहिए तो जीरो वन डिविजल बाय फोर नहीं है फाइव से नहीं है फाइव का डिविजिबिलिटी रूल है कि नंबर एटली यूनिट डिजिट जीरो हो या फाइव हो ये सिक्स से भी नहीं है सिक्स uh, का हो कि वो एटलीस्ट वो uh, दोनों मतलब एंड टू एंड थ्री दोनों से डिविजिबल हो तो ये टू से नहीं है थ्री से नहीं है सेवन से आप चेक कर लीजिए सेवन फोर वन तो सेवन से भी नहीं है एट से भी नहीं है और नाइन से भी नहीं है तो बाकी और भी नंबर रहते हैं कि किसी प्राइम नंबर से हो सकता है लेकिन ये और जितने आप प्राइम देखेंगे आ, आगे इलेवन थर्टीन सेवनटीन नाइनटीन किसी से भी डिविजिबल नहीं है ट्वेंटी थ्री और भी जितने भी हैं तो मैक्सिमम जो इसका हाफ करके भी अगर कोई प्राइम नंबर आता है तो वो सेवन है तो फोर्टी सेवन इंटू टू नाइन फोर तो उससे भी नहीं है और फिफ्टी थ्री इंटू टू वन टू सिक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड मतलब सेवन प्लस प्लस थ्री प्लस टेन तो इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर तो ये it's, it's सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन प्लस टेन ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव इज अ परफेक्ट स्क्वायर ये फाइव का स्क्वायर है हमें पता है तो ये भी ट्रू है तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा ठीक है तो ये सिक्सटी सेकेंड हो गया अब सिक्सटी थर्ड पे चलते हैं सिक्सटी थर्ड पे हमें पूछा है वॉट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर बाय विच सेवन फिफ्टी शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब तो परफेक्ट क्यूब के लिए आ, हमारा रहता है इसमें नंबर है सेवन फिफ्टी ठीक है तो हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे पहले किया था हमने सेवन फिफ्टी का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो सकता है तो ये फाइव से तो डिवाइड हो ही रहा है तो फाइव से डिवाइड करेंगे तो फाइव तो वन फिफ्टी आ जाएगा अब फर्दर करेंगे फाइव तो ये फाइव से करेंगे तो फिर फाइव इंटू थर्टी फिर फाइव से करेंगे फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू सिक्स और सिक्स को फर्दर हम लिख सकते हैं थ्री इंटू टू आप देख सकते हैं कि इस नंबर को मतलब सेवन फिफ्टी को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा ये परफेक्ट क्यूब आ जाए तो देखिए आपका फाइव का क्यूब तो ऑलरेडी है ये फाइव क्यूब अब हमें वो नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारा थ्री की पावर थ्री हो जाए और टू की पावर भी थ्री हो जाए अभी इसकी पावर वन है तो हमें एटलीस्ट वो नंबर चाहिए जिसमें थ्री स्क्वायर हो कम से कम और टू स्क्वायर हो तो उससे फिर ये नंबर हो जाएगा फाइव क्यूब इंटू थ्री क्यूब इंटू टू क्यूब फिर वो क्यूब हो जाएगा मतलब हमें बस इसमें थ्री स्क्वायर और टू स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है तो थ्री स्क्वायर कितना हो गया हमारा नाइन इंटू टू स्क्वायर फोर तो हमें एटलीस्ट इसको थर्टी सिक्स से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा सी ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सिक्सटी फोर तो इसमें लिखा हुआ है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नेवर हैव द डिजिट डैश एट द यूनिट्स प्लेस तो इस पे हमें आ, देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता तो आप जैसे जाएंगे आ, पहले यूनिट्स सारे जो नंबर हैं वन टू सारे वन फाइव सिक्स इन्हीं का करके देख लीजिए कि इसमें से कौन कौन से हमारे इलिमिनेट हो सकते हैं तो टू स्क्वायर फोर तो ये इलिमिनेट हो गया थ्री स्क्वायर नाइन तो ये इलिमिनेट हो गया फोर स्क्वायर सिक्सटीन फाइव स्क्वायर ट्वेंटी फाइव तो यूनिट डिजिट पे फाइव आ रहा है तो ये इलिमिनेट हो गया तो हमारा आंसर इससे डायरेक्ट एट आ जाएगा बाकी भी आप चेक कर सकते हैं सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स उससे फर्क मतलब कितनी भी बार आप सिक्स को मल्टीप्लाई करें यूनिट डिजिट पे सिक्स ही आएगा उसी तरह फाइव का स्क्वायर हो क्यूब हो पावर uh, फोर हो वो यूनिट डिजिट फाइव ही आएगा फोर में पहले सिक्स आएगा फिर फोर आएगा तो इसका एक साइकिल रहता है सिक्स फोर फिर फिर इसको करेंगे फोर uh, को इंटू uh, फोर तो फिर सिक्स आ जाएगा तो इसका ये साइकिल रहेगा सिक्स फोर सिक्स फोर इसी इसी तरह थ्री का भी साइकिल रहेगा पहले नाइन आएगा फिर वन आएगा फिर फिर थ्री आएगा इस तरह से साइकिल रहेगा इसका फोर का साइकिल रहेगा टू का भी फोर एट यूनिट डिजिट सिक्स टू फिर इसको फिर करेंगे तो फिर से वो साइकिल रिपीट होगा फोर सिक्स टू इस तरह और सेवन का भी इस तरह साइकिल रहता है नाइन फिर इसको करेंगे तो थ्री फिर इसको करेंगे वन फिर इसको करेंगे सेवन तो इसका ये साइकिल मतलब यूनिट डिजिट का साइकिल बोल रहा हूं मैं तो उसी तरह एट का भी साइकिल है मतलब एट किसी पे भी नहीं आएगा आपने वैसे ही इलिमिनेट कर दिया है एट का भी चलो मैं बता देता हूँ एट का साइकिल एट इंटू एट सिक्सटी फोर तो यूनिट डिजिट फोर इसको फिर से एट से करेंगे तो पीछे आएगा टू 512 इसको फिर एट से करेंगे तो एट इंटू टू सिक्सटीन तो पीछे सिक्स आ जाएगा फिर एट से करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा uh, 8 into 6, 48, 8 आ जाएगा फिर उसी तरह इसको दोबारा करेंगे तो ये साइकिल रिपीट हो जाएगा फिर फोर टू सिक्स फोर मतलब कहने का मतलब ये साइकिल्स में आपका यूनिट डिजिट रिपीट होता है तो इस तरह हम ये uh, चाहे याद कर लीजिए चाहे आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए फिलहाल uh, इसमें जो हमें चाहिए था वो एट आ जाएगा कि एट कैन नेवर बी एट द यूनिट प्लेस इसमें आप कह सकते हैं कि एट तो आ रहा है लेकिन हमें जो क्वेश्चन में दिया है वो है परफेक्ट स्क्वायर के लिए तो आप देखेंगे तो जो एट आ रहा है ये क्यूब के लिए आ रहा है स्क्वायर के लिए नहीं आ रहा उसी तरह जो एट इधर आ रहा है वो पावर फाइव के लिए आ रहा है ये एट स्क्वायर के बाद सिक्सटी फोर क्यूब के बाद पीछे टू फाइव वन टू उसके बाद ये पावर uh, फोर के लिए और ये फाइव के लिए तो एट इसमें हमें पूछा गया परफेक्ट स्क्वायर के लिए वो तो हमने वैसे इलिमिनेट करके ही देख लिया था कि फोर फाइव नाइन नहीं है तो एट हमारा परफेक्ट स्क्वायर के लिए कभी लास्ट उस पर नहीं हो सकता तो चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा एट तो आगे सिक्सटी फिफ्थ पे चलते हैं तो इसमें दिया हुआ द वैल्यू ऑफ अंडर रूट पॉइंट जीरो जीरो ट्रिपल जीरो फाइव नाइन जीरो फोर नाइन एस तो इस केस में पहले तो आप देख लीजिए कि टू वैसे तो हमें नंबर दिया ही है तो फिर भी कंफर्मेशन के लिए टू फोर थ्री इंटू टू फोर थ्री यही नंबर आ रहा है कि नहीं तो टू फोर थ्री इंटू टू फोर थ्री आप आ, इधर करें टू फोर थ्री इंटू टू फोर थ्री नाइन ट्वेल्व ये हो जाएगा सेवन ट्वेल्व सेवेंटीन वन नाइन सिक्स एट फोर तो ये आप कंफर्मेशन के लिए फोर सेवनटीन फोर्टीन ट्वेंटी टू सेवेंटीन नाइनटीन वन तो ये आ रहा है फाइव नाइन जीरो फोर नाइन तो आप इसको लिख सकते हैं जो अंडर रूट के अंदर वाला फिगर है फाइव नाइन जीरो फोर नाइन डिवाइडेड बाय अब यहां पे स्टार्ट होता है कि आप देख लीजिए कितने जाएंगे आएंगे तो ये भी अंडर रूट के अंदर ही आएगा नीचे वाला तो इसमें आप जीरो काउंट कर लीजिए वन टू थ्री और ए फाइव डिजिट नंबर तो खुद ही है फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो एट जीरो आएंगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इसको हम टू फोर्टी थ्री स्क्वायर लिख सकते हैं अभी हमने कैलकुलेट भी कर लिए और इसको हम लिख सकते हैं ये एट जीरोज है तो थाउजेंड टेन थाउजेंड फोर जीरो तो अंडर रूट तो ये अंडर रूट से स्क्वायर कट गया तो ये आ जाएगा टू फोर थ्री डिवाइडेड बाय दिवाद, वन जीरो 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 तो ये आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो टू फोर थ्री इसमें आंसर हमारा आ जाएगा बी ठीक है तो ये इस तरह सॉल्व करना है आप वेरीफाई कर लीजिए पहले कि जो मल्टीप्लिकेशन से है वैसे टू फोर थ्री हमें पता लग ही रहा है लेकिन फिर भी ऑन द सेफर साइड आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि इससे यही फिगर आएगी कई बार ये होता है कि टू फोर थ्री से आ, आ, कुछ एक एक्स्ट्रा जीरो या कम दिया होता है कि फोर नाइन जीरो फोर दिया तो आपको पॉइंट एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है कि थ्री डिजिट का थ्री डिजिट दिया सपोज पीछे जीरोज होती हैं तो उसने ऑलरेडी इलिमिनेट कर दिया होता है तो इसलिए वेरीफाई करने के लिए आपको ये चाहिए तो उससे फिर आपका आ, इस तरह आ, डिवाइड करके पॉइंट जीरो टू फोर थ्री आ जाएगा चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स तो इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो होल नंबर्स तो ये ट्रू है क्योंकि नेचुरल नंबर्स हमारे वन से स्टार्ट हैं और होल नंबर जीरो से स्टार्ट हैं तो सारे नेचुरल नंबर्स ऑब्वियसली होल नंबर्स होंगे तो ये स्टेटमेंट ट्रू है देर इज नो स्मॉलेस्ट होल नंबर ये गलत है जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर द ग्रेटेस्ट होल नंबर ये स्टेटमेंट गलत है ग्रेटेस्ट होल नंबर इज इंफानाइट क्योंकि होल नंबर जीरो से स्टार्ट होकर इन्फानाइटी तक है वन इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर ये स्टेटमेंट गलत है वन इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर रहेगा तो सिक्सटी सिक्स का ए आ जाएगा चलिए uh, आगे चलते हैं सिक्सटी सेवन सिक्सटी सेवन में हमें कह रहा है ट्वेल्व इंटू फिफ्टीन प्लस थर्टी फोर इज इक्वल टू ट्वेल्व इंटू फिफ्टीन प्लस ट्वेल्व इंटू थर्टी फोर तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इसमें कौन सा ये आ, आप कह लीजिए प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है तो इस केस में आ, ये जो प्रॉपर्टी ऊपर अप्लाई हो रही है ये है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन जो कि रहती है आप ऐसे लिख सकते हैं इसको ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस इंटू सी तो ये प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिविटी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन तो ये प्रॉपर्टी इस केस में अप्लाई हो रही है बाकी प्रॉपर्टीज uh, uh, मैं आपको वैसे ब्रीफ में बताता हूं क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है जैसे uh, एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैं तो उनको हम ऐड करेंगे तो जो एड करके नंबर आएगा वो भी नेचुरल नंबर आएगा ठीक है उसी तरह होल नंबर में हम ऐड करेंगे किसी भी नंबर uh, को आप ऐड करें तो वो होल नंबर ही आएगा ठीक है तो क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर एडिशन फॉर नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर वो एप्लीकेबल है और एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ये क्या है तो एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन का मतलब है जैसे ए प्लस ब्रैकेट स्टार्ट बी प्लस सी तो ये इक्वल ए प्लस बी ये इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होगा उसी तरह मल्टीप्लीकेशन के लिए ए इंटू अगर दिया हुआ है बी इंटू सी तो इसको आप ए इंटू बी किसी भी ऑर्डर में वैसे लिख सकते हैं ठीक है और क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी ये सिंपल है अगर आप जैसे लिखते हैं ए प्लस बी ए होगा बी प्लस ए मतलब चेंज कर दो चाहे आप तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में उसी तरह मल्टीप्लीकेशन के लिए ए इंटू बी इज इक्वल टू होगा बी इंटू ए तो इस केस में हमारा आ, ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन था तो हमारा आंसर हो जाएगा ए तो 68 पे चलते हैं इसमें लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग सीरीज हाउ मेनी सच ऑड नंबर्स आर देयर विच आर डिविजल बाय थ्री और फाइव देन फॉलोड बाय ऑड नंबर्स एंड देन ऑल्सो फॉलोड बाय इवन नंबर्स कहने का मतलब है कि ऐसे कितने ऑड नंबर्स हैं सीरीज में जो थ्री और फाइव थ्री या फाइव से डिविजल है उसके बाद उनका अगला नंबर ऑड है और उससे नंबर uh, इवन है, तो हमें स्टेप स्टेप बाय चेक करना लेकिन आप देखेंगे इसका सब्सिक्वेंट से नंबर ये तो ऑड है लेकिन ये नंबर इवन नहीं है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा ये नंबर थ्री से डिविजल है इसका सब्सिक्वेंट ऑड uh, है और फिर इवन है तो ये नंबर एक आ जाएगा हमारे पास ट्वेंटी फाइव का सब्सिक्वेंट ऑड नहीं है तो ये वैसे ही रिजेक्ट कर देंगे फिर हमें तो ऑर्ड नंबर पूछा गया तो ईवन नंबर तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे इसके ऑड नहीं है तो ये रिजेक्ट नंबर तो पूछा ही नहीं गया तो ये रिजेक्ट होते रहेंगे 21, इसके ट्वेंटीक्वेंट ऑड है यस और इसके सब्सिक्वेंट इवन है यस तो ये देखेंगे थ्री और फाइव से डिविजिबल है ये है तो ये नंबर हो जाएगा एक सेकेंड नंबर फिर इसके सब्सिक्वेंट नंबर फोर्टी फाइव के ईवन है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा ईवन तो ले ही नहीं रहे इसके सब्सिक्वेंट इवन है ये रिजेक्ट इवन रिजेक्ट इसके सब्सिक्वेंट ऑड uh, नहीं है इवन है तो ये रिजेक्ट ये रिजेक्ट इवन तो हम ले ही नहीं रहे ये इवन है तो हमारे पास कितने नंबर हाउ मेनी सच ऑड नंबर ज्यादा तो थ्री एंड ट्वेंटी वन तो इसमें पूछा गया कितने नंबर तो हमारा आंसर आ जाएगा टू ठीक है तो सिक्सटी नाइन पर चलते हैं इसमें पूछा गया है इसमें बताया गया है अराध्य प्रियांश एंड अक्षित स्टार्ट एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन to run around a circular stadium. Radhya completes one round in 252 seconds. Riyansh in 308 seconds and Akshit in 198 seconds. After what time will they meet again at the starting point? तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो सर्कुलर मोशन uh, वाले हैं तो इसमें हम एल्सियम निकालते हैं कि जो हमें सेकेंड दिए हैं इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल या इन सबका uh, आप राउंड uh, देख लीजिए कितने राउंड बाद वो मिलेगा तो एलसी में भी यही होता है तो इसमें भी यही पूछा गया कि वो कितने राउंड के बाद मिलेंगे कितने राउंड के बाद इनका आ ये, <coughs> गया, गया सोच तो ये वन नाइन एट सेकेंड्स तो हम सबका इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है इसको आ, 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 आगे डिवाइड करके जैसे टू थ्री फाइव हम करते थे तो कितने वो उस आगे फर्दर डिविजिबल ना हो तो उसमें कितने में आ जाएगा तो टू फिफ्टी टू को करेंगे टू से हो जा रहा है ये तो वन ट्वेंटी सिक्स फिर वन ट्वेंटी सिक्स को आगे तो टू से करेंगे सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री का आगे किया सेवन इंटू नाइन तो वो सेवन इंटू थ्री इंटू थ्री आ जाएगा और थ्री जीरो एट इसको टू से किया वन फिफ्टी फोर वन फिफ्टी फोर डिवाइड बाई टू फिर से हो गया सेवनटी सेवन तो वो सेवनटी सेवन सेवन से फिर इलेवन आ जाएगा उसी तरह 198 2 से किया 99 तो 99 9 नाइन इंटू इलेवन हो जाएगा तो वो 3 इंटू थ्री इंटू इलेवन तो इसमें से हम एलसीएम मैंने आपको पहले ही बताया था एलसीएम निकालने के लिए हम देख लेते हैं सारे फैक, प्राइम फैक्टर्स लिख लीजिए प्राइम हमारे कौन कौन से हैं टू थ्री सेवन इलेवन तीनों का देख के इसमें टू थ्री सेवन इलेवन सब में आ रहा है तो अब इसमें हाईएस्ट पावर टू की क्या है सबकी सबकी देख के इसमें स्क्वायर है स्क्वायर है इसमें वन है तो स्क्वायर ले लेंगे थ्री की हाईएस्ट पावर क्या है स्क्वायर इसमें नहीं है स्क्वायर तो हाईएस्ट पावर स्क्वायर आ जाएगी सेवन की हाईएस्ट पावर क्या है वन ही है इलेवन की हाईएस्ट पावर इसमें वन है इसमें वन तो वन है तो ये आपका एलसीएम आ गया मतलब फोर इंटू फोर इंटू नाइन इंटू सेवन इंटू इलेवन तो ये थर्टी सिक्स इंटू सेवेंटी सेवन तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे फोर्टी टू फोर ट्वेंटी फाइव ये भी सेम ही होगा टू ये इनका एलसीएम आ गया मतलब इतने सेकंड्स के बाद ये लोग वापस मिलेंगे एलसीएम का मतलब ये होता है कि ये जो नंबर्स दिए हैं, वो कितने मल्टीपल्स के बाद उनका सेम मल्टीपल आएगा मतलब कहने का मतलब कि अगर टू थ्री दिए तो उनका कितने के बाद जैसे इनका तो जल्दी आ जाएगा सिक्स तो ये जो नंबर्स हैं, इसका कौन सा मल्टीपल जो रहेगा जिसपे तीनों डिविजिबल है तो तीनों डिविजिबल हैं ये नंबर्स उसका मतलब वो तीनों सेम पॉइंट पे आके मिलेंगे तो ये टू सेवन सेवन टू आ गया तो ये कितने मिनट्स हो जाएगा इसको हम सिक्सटी से डिवाइड कर देंगे सिक्स से करके देख कर लीजिए बाद में जीरो लगा देंगे टू फोर थ्री सेवन टू फोर सिक्स आ जाएगा थर्टी सिक्स वन टू टू फोर सिक्सटी टू आ गया तो हमने सिक्सटी से करना था तो ये फोर्टी सिक्स मिनट फोर्टी सिक्स पॉइंट टू मिनट्स आ जाएगा ठीक है यहां पे मैंने सिक्स लिया ना तो सिक्सटी से था वाई डिवाइडेड बाई सिक्सटी था तो फोर सिक्स टू आया तो फोर्टी सिक्स पॉइंट टू मिनट्स तो इसमें आंसर में हम डायरेक्टली ये दे सकते हैं कि फोर्टी सिक्स ए की है चाहे आप इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो पॉइंट टू मिनट्स मतलब पॉइंट टू इंटू मिनट्स को सिक्स सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो इंटू सिक्सटी कर सकते हैं तो ये आ जाएगा ट्वेल्व सेकेंड्स फोर्टी सिक्स मिनट्स ट्वेल्व सेकेंड्स ये आपका आंसर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सेवेंटी इसमें बोला गया लेट द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट टू डिजिट इन ईच नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट आर रिवर्स्ड पांच नंबर दिए हैं सेवन थ्री एट थ्री फाइव नाइन फोर फाइव सिक्स थ्री फोर टू नाइन एट सिक्स फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाइएस्ट नंबर एंड द लोएस्ट नंबर मतलब हमें जो नंबर्स दिए हैं उनको रिवर्स करना है उनके फर्स्ट टू डिजिट्स को रिवर्स करना है मतलब सेवन थ्री एट हो जाएगा गया तो इसमें इसमें हम देखेंगे सेवन थ्री एट थ्री फाइव नाइन फोर फाइव सिक्स थ्री फोर टू नाइन एट सिक्स इनके पहले दो नंबर्स को रिप्लेस करना है। तो ये नंबर हो जाएगा थ्री सेवन एट इसको इस पे लेके आना है और ये इसकी साइड चला जाएगा उस जैसे इधर की है थ्री इधर आ गया सेवन इसकी जगह चला गया तो ये हो जाएगा फाइव थ्री नाइन ये हो जाएगा फोर फाइव की जगह चला गया तो फाइव फोर सिक्स इसमें फोर थ्री की जगह थ्री फोर की जगह फोर थ्री टू और ये एट नाइन की जगह एट नाइन सिक्स ठीक है अब इसमें हाईएस्ट नंबर देख लीजिए कौन सा हाईएस्ट नंबर ये है और लोएस्ट नंबर हमारा कौन सा है थ्री सेवन एट तो इसमें हमें पूछा गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट डिजिट्स ऑफ द हाईएस्ट नंबर एंड द लोएस्ट नंबर इनका फर्स्ट डिजिट तो एट माइनस थ्री इसमें आंसर हमारा आ जाएगा फाइव ठीक है तो चलते हैं आगे सेवेंटी वन पे इसमें हमें दिया हुआ है पाई चार्ट तो पाई चार्ट आ, में हमें दिया हुआ है परसेंटेज वाइज ब्रेकअप ऑफ स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ स्पेशलाइजेशन इन एमबीए इसमें क्योंकि डार्क पोर्शन है तो हमें सारे फिगर्स नहीं दिए तो इसमें हम आंसर तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे लेकिन मेथड तो वही रहेगा कि जैसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिए हुए हैं एट थाउजेंड तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्पेशलाइजेशन इन आईआर आर इंटरनेशनलाइजेशन मार्केटिंग और आईटी टी तो इसमें आई आर हमें नहीं दिख पा रहा तो आपको बस करना है परसेंटेज ऑफ आई प्लस परसेंटेज ऑफ मार्केटिंग प्लस परसेंटेज ऑफ आई टी ठीक है तो जो जो भी परसेंटेज रहेगी वो हम एट थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसमें डार्क डार्क के डाक होने के होने कारण दिख नहीं रही है। तो लेट्स से मैं खुद से ले लेता हूं कि ये पॉइंट टू है आ, मार्केटिंग की पॉइंट कुछ आ, वन थ्री है आईटी की पॉइंट वन सेवन दी है तो आ, ये सब Uh, आप मल्ट uh, ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 थाउजेंड इंटू पॉइंट तो ये 0.5 तो अराउंड जो भी आंसर आएगा आप फोर थाउजेंड वो uh, कर सकते हो इसमें क्योंकि हमें ये परसेंटेज नहीं पता ये मैंने अपने आप से लिए है तो uh, आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो तो इसका आंसर ये फिगर्स uh, होने के कारण हमारे पास नहीं है लेकिन अगर ये फिगर्स होंगी तो हम ये आंसर पे अराइव हो जाएंगे ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसमें दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन तो इसमें दिया है फाइंड क्वेश्चन uh, दिया हुआ है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इफ द क्लास इफ द क्लास बॉयज एंड सम गर्ल्स ठीक है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें क्लास में बता है, क्लास हैज एन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास इज टू मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज तो नंबर ऑफ बॉयज से नंबर ऑफ गर्ल्स दो ज्यादा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे हो गए ठीक uh, है तो इसमें दिया हुआ है कि ओनली स्टेटमेंट वन इज सफिशियंट ओनली स्टेटमेंट वन इज सफिशंट टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास तो ये हम नहीं बता सकते क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज आएंगे स्टेटमेंट वन से नंबर ऑफ गर्ल्स तो फिर भी नहीं पता लगी तो so, ये नहीं सफिशियंट ये नहीं है इधर स्टेटमेंट वन और टू इज सफिशियंट ये भी नहीं है क्योंकि हमने देख ही लिया बोल स्टेटमेंट्स आर सफिशियंट ये ट्रू है क्योंकि हमें फर्स्ट स्टेटमेंट से पता लगा नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं सेकेंड स्टेटमेंट से पता लगा कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है अगर हम सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट देखें नंबर ऑफ गर्ल्स आर टू मोर देन द बॉयज तो इससे हमें नंबर तो नहीं पता लगा ये तो कुछ भी हो सकता है नंबर ऑफ बॉयज अगर ये सपोज ट्वेंटी है तो नंबर ऑफ गर्ल्स ट्वेंटी टू आ जाएंगी तो सेकेंड स्टेटमेंट से हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पता लगते तो दोनों स्टेटमेंट हमें चाहिए तो इसका आंसर सी आ जाएगा स्टेटमेंट टू भी सफिशियंट uh, नहीं है तो इसका आंसर सी होगा कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास सेवेंटी थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है द टेबल बिलो शोज द डेली इनकम इन रूपीज ऑफ फिफ्टी पर्सन स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इनकम दी हुई है लेस देन थ्री हंड्रेड नंबर ऑफ पर्सन ट्वेल्व लेस देन 350 26 less than लेस देन फोर हंड्रेड थर्टी फोर लेस देन फोर फिफ्टी लेस देन फाइव तो हमें ऊपर दिया टोटल इनकम 50 पर्सन तो so, इसका मतलब एक क्यूमुलेटिव फिगर्स है कहने का मतलब कि 300 के नीचे 300 के नीचे जो नंबर ऑफ पर्सन हैं वो बारह हैं और साढ़े तीन सौ के नीचे साढ़े तीन सौ के नीचे छब्बीस है तो इसमें ये बारह लोग भी आ गए मतलब बारह जो तीन सौ के नीचे हैं प्लस चौदह लोग जो तीन सौ से साढ़े तीन सौ के बीच में है। मतलब अगर एक्स कोई फिगर है तीन सौ से साढ़े तीन सौ के बीच तो वो लोग भी आ गए तो मतलब इसमें आ, हम लिखेंगे बारह प्लस नंबर ऑफ दिस जो पर्सन है वो 26 सिक्स है प्लस 1226. ट्वेंटी सिक्स तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ पीपल इन ब्रैकेट थ्री हंड्रेड टू थ्री फिफ्टी है वो तो एन ही है लेकिन ये ट्वेल्व जो लेस देन थ्री फिफ्टी मतलब लेस देन थ्री हंड्रेड है वो ट्वेल्व भी इंक्लूड क्यों है तो ये एन हमारा आ जाएगा फोर्टीन मतलब दो पर्सन इन इनकम रेंज थ्री हंड्रेड टू थ्री फिफ्टी ठीक है तो इसमें ट्वेंटी सिक्स इसलिए दिया है क्योंकि उसमें थ्री हंड्रेड के नीचे वाले भी इंक्लूड है उसी तरह हम ये कर लेते हैं कि थ्री फिफ्टी से ज्यादा और फोर हंड्रेड से कम वाले तो इसमें माइनस क्या होगा ट्वेंटी सिक्स तो ये लोग कितने आ जाएंगे एट मतलब टोटल थर्टी फोर वो हैं जो फोर हंड्रेड के नीचे हैं जिसमें थ्री फिफ्टी के नीचे वाले छब्बीस लोग आ गए तो साढ़े तीन सौ से चार सौ में कितने आ गए थर्टी फोर माइनस ट्वेंटी सिक्स जो कि एट उसी तरह पीपल इन द रेंज फोर हंड्रेड टू फोर फिफ्टी वो आ जाएगा फोर्टी माइनस थर्टी फोर सिक्स और पीपल इन द रेंज इनकम रेंज फोर फिफ्टी आप देख रहे हो मैं इक्वल टू लिख रहा हूं क्योंकि इसमें लिया लेस देन तो मतलब ये आ, इन द रेंज फोर इंक्लूसिव होगा इसमें इसमें नहीं इंक्लूसिव होगा इंक्लूसिव मतलब कि इसमें काउंट नहीं होगा और इसमें 500 से लेस तो ये हो जाएगा 50 माइनस फोर्टी तो ये 10 तो हमें बताना है हाउ मेनी पर्सन अर्न 300 और मोर बट लेस देन 400 तो अर्न मोर अर्न 300 और मोर तो ये 14 प्लस 8 मतलब 22 टू सी आ जाएगा ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 जिसमें दिया फाइव डिस्टिंक्ट शॉप्स सोल्ड वेरिंग क्वांटिटीज ऑफ अम्ब्रेलास एंड रेनकोट इन अ स्पेसिफिक मंथ द टेबल गिवन बिलो प्रोवाइड्स द सेल्स फिगर्स फॉर ईच शॉप तो शॉप ए बी सी डी ई डी है नंबर ऑफ अम्ब्रेला सोल्ड फॉर ईच शॉप दी है एंड नंबर ऑफ रेनकोट सोल्ड एट ईच ऑफ दी है फिर उसके बाद इफ वो द नंबर ऑफ अम्ब्रेलाज एंड द नंबर ऑफ रेनकोट सोल्ड एक और शॉप ली है ई देन वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अम्ब्रेलाज एंड नंबर ऑफ रेनकोट सोल्ड बाय शॉप एफ सिर्फ शॉप एफ का पूछा मतलब ए बी सी डी की इसमें कोई आ, ये डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है तो एफ सिर्फ एफ का सॉरी एफ शॉप ने फोर्टी परसेंट मोर किया E शॉप का तो एफ uh, शॉप का फोर्टी परसेंट मोर तो इसका मतलब uh, जो शॉप एफ का नंबर ऑफ अम्ब्रेलाज हैं नंबर ऑफ अम्ब्रेलाज सोल्ड वो आ जाएगा टू फिफ्टी प्लस टू फिफ्टी इंटू फोर्टी परसेंट मतलब टू फिफ्टी का आप वन पॉइंट फोर कर दीजिए या फिर टू फिफ्टी प्लस टू फिफ्टी इंटू पॉइंट फोर कर दीजिए तो ये uh, आप करेंगे तो ये आ जाएगा सेवन uh, तो ये थ्री फिफ्टी आ जाएगा उसी तरह F का नंबर ऑफ रेन कोट्स नंबर ऑफ रेन कोट्स आ जाएगा थ्री हंड्रेड इंटू वन पॉइंट फोर तो ये आ जाएगा फोर uh, ट्वेंटी तो नंबर ऑफ अम्ब्रेलाज सोल्ड कितनी uh, कम है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अम्ब्रेलाज एंड द नंबर ऑफ रेन कोट तो आएगा फोर ट्वेंटी माइनस थ्री फिफ्टी तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सेवेंटी तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सेवेंटी फिफ्थ तो इसमें दिया हुआ है पाई चार्ट गिवन बिलो

ये दिया कि सबकी परसेंटेज दी है कि इसमें ट्वेंटी एट परसेंट लेट से टोटल स्टूडेंट्स एक्स है टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू एक्स तो ए में मतलब स्टूडेंट्स ट्वेंटी एट परसेंट ऑफ एक्स ठीक है उसी तरह बी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं पॉइंट वन फाइव क्योंकि इसमें आप देखें फिफ्टीन परसेंट है सी में उसी तरह पॉइंट टू फोर एक्स डी में पॉइंट वन एट एक्स और ई e में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पॉइंट वन फाइव एक्स तो आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपको हंड्रेड परसेंट आना चाहिए कि ये पॉइंट टू एट प्लस ये फोर्टी थ्री uh, ये करेंगे सिक्सटी सेवन इसको करेंगे एटी फाइव हंड्रेड ठीक है तो अब इसमें uh, रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज भी दिए तो हम यहां पे लिख लेते हैं बॉयज गर्ल्स ठीक है अब रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज दी है स्कूल ए में थ्री टू फोर तो लेट से नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स वन या एक्स ए लिख सकते हो थ्री एक्स ए बाय थ्री एक्स फोर एक्स ए नंबर ऑफ बॉयज फोर एक्स ए तो एक्स ए क्या है एक्स से मैंने जस्ट एक रैंडम नंबर लिया जिसका मतलब रेशियो में तो वो कट ही रहा है तो आप नंबर ऑफ गर्ल्स अगर ऐसे लिखेंगे टोटल नंबर प्लस फोर एक्स ए तो ये टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं ये टोटल नंबर ऑफ बॉयज हैं ठीक है तो रेशियो तो इनका थ्री बाय फोर ही है इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए तो वो है पॉइंट टू एट एक्स तो इससे आपको एक्स ए मिल जाएगा यहां आप आ, अगर एक्सए से भी नहीं करना चाहते कोई और वेरिएबल लेना चाहते हैं कुछ भी ले सकते हैं मैंने आपको समझाने के लिए एक्सए लिया तो इसमें आप एक्सए कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा ये सेवन A पॉइंट टू एट डिवाइड बाई सेवन तो पॉइंट जीरो फोर एक्स तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई थ्री इंटू A मतलब पॉइंट वन टू एक्स और नंबर ऑफ बॉयज कितने आगे पॉइंट वन सिक्स एक्स यहां आप डायरेक्टली इस रेशो को थ्री बाय सेवन से भी कर सकते हैं जैसे नंबर ऑफ गर्ल्स बॉय बॉयज थ्री बाय फोर दी है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी थ्री बाय सेवन ऑफ टोटल जैसे हम नेक्स्ट में करते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स आ गई टू बाय फाइव ऑफ दिस पॉइंट वन फाइव एक्स तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगे टू बाय फाइव ऑफ पॉइंट वन फाइव तो आएगा पॉइंट टू बाय फाइव ऑफ पॉइंट वन फाइव तो ये पॉइंट जीरो थ्री तो ये पॉइंट जीरो सिक्स एक्स उसी तरह दिस माइनस दिस नंबर ऑफ बॉयज आ जाएगा तो वह आ जाएगा पॉइंट जीरो नाइन एक्स उसी तरह नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयस इन स्कूल डी तो फाइव बाई एट ऑफ दिस फाइव बाई एट ऑफ पॉइंट टू फोर तो वो आ जाएगा ये पॉइंट जीरो थ्री पॉइंट वन फाइव नंबर ऑफ बॉयज दिस माइनस दिस पॉइंट नाइन एक्स ये एक्स आपका वही है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहे आप इस मेथड से कर लीजिए चाहे आप इस मेथड से कर लीजिए जो यहां पर मैंने बताया कि दोनों से कर सकते हैं आप उसी तरह डी का आ जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगे वन बाय वन प्लस टू वन बाय थ्री ऑफ पॉइंट वन एट ऑफ एक्स तो आ जाएगा पॉइंट जीरो सिक्स एक्स और बॉयज आ जाएंगे पॉइंट वन टू एक्स उसी तरह e का फोर बाय फाइव नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ तो पॉइंट जीरो थ्री पॉइंट वन टू एक्स और ये आ जाएंगे पॉइंट जीरो थ्री एक्स आप इन सब का रेशियो भी करेंगे गर्ल्स टू बॉयज का जैसे इसका किया फोर बाय वन इसका किया वन बाय टू इसका करेंगे तो फाइव बाय थ्री इसका करेंगे तो टू बाय थ्री इसका थ्री बाय फोर तो सारे रेशोज भी आपके मैच करेंगे आ, कि आप वैसे चेक कर सकते हो कि आप इसे कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं हुआ तो अभी हमसे पूछा गया है इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम ऑल द फाइव स्कूल इज रिप्रेजेंटेड एज द पाई चार्ट वॉट विल बी द मेजर ऑफ द सेक्टर एंगल टू द नियरेस्ट इंटीजर इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्कूल बी तो अभी हमें देखना है कि स्कूल बी में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है तो स्कूल बी में नंबर ऑफ गर्ल्स है पॉइंट जीरो सिक्स और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन सबको ऐड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इसमें ऐड कर देंगे पॉइंट वन टू प्लस पॉइंट जीरो सिक्स ये पॉइंट वन एट पॉइंट वन एट प्लस पॉइंट वन फाइव तो ये पॉइंट थ्री थ्री पॉइंट थ्री थ्री प्लस पॉइंट जीरो सिक्स तो पॉइंट थ्री नाइन प्लस पॉइंट वन टू तो ये पॉइंट फाइव वन एक्स आ जाएगा पॉइंट फाइव वन एक्स अब हमें सेक्टर एंगल निकालना है सेक्टर एंगल ऑफ बी तो बी में कितनी गर्ल्स हैं पॉइंट जीरो सिक्स पॉइंट पॉइंट जीरो सिक्स एक सेकेंड है एक सेकेंड हा तो ये पॉइंट जीरो सिक्स एक्स डिवाइडेड बाय पॉइंट फाइव वन क्योंकि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है तो हमें गर्ल्स का सेक्टोरियल एंगल निकालना है तो इसका मतलब ये रेशियो आ जाएगा जैसे ये परसेंटेज दिया हुआ है ये परसेंटेज आ जाएगा अब इसमें एंगल बोला है। तो इसमें एंगल के लिए ये एक सेक्स तो कैंसिल हो जाएगा एंगल के लिए हम इसको 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब सिक्स पॉइंट जीरो सिक्स डिवाइडेड बाई पॉइंट फाइव वन इंटू थ्री सिक्सटी तो ये हमारा कैलकुलेशन के बाद आप देखेंगे uh, कितना uh, कितना आ रहा है तो इसको कैलकुलेट करें तो मैं कैलकुलेटर uh, से कर रहा हूं आप uh, अपने पेन कॉपी पेपर पे करिएगा तो थ्री सिक्सटी इंटू सिक्स डिवाइडेड बाय फिफ्टी वन तो ये हमारा फोर्टी टू पॉइंट थ्री फाइव आ रहा है तो इसका नियरेस्ट इंटीजियर कौन सा है पॉइंट फोर टू तो ये आंसर आ जाएगा हमारा ए फोर्टी टू डिग्री ठीक है तो ये सेवनटी फिफ्थ का हो गया तो सेवनटी सिक्स पे चलते हैं इसमें दिए इन द लाइट ऑफ डेटा सफिशियंसी चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन वॉट विल बी द टोटल वेट ऑफ टेन पोल्स ईच ऑफ द पोल इज ऑफ द सेम वीट टोटल वेट ऑफ टेन पोल्स वॉट विल बी द टोटल वेट ऑफ टेन पोल्स ठीक है और ईच पोल का सेम वेट है ठीक है तो वन फोर्थ ऑफ द वेट ऑफ ईच पोल वन फोर्थ ऑफ द वेट ऑफ ईच पोल एक पोल का वेट सपोज एक्स है तो वन फोर्थ ऑफ द वेट ऑफ ईच पोल इज इक्वल टू फाइव के जी लेट वेट ऑफ एक्टर एक्स तो वन फोर्थ ऑफ द वेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव के जी तो मतलब हमारा एक्स कितना आ जाएगा ट्वेंटी के जी ठीक है तो हमें पहले स्टेटमेंट से वेट पता लग गया तो आ, पहले स्टेटमेंट से वेट पता लग गया तो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं तो टोटल वेट ऑफ थ्री पोल्स इज ट्वेंटी के जी मोर देन द टोटल वेट ऑफ टू पोल्स मतलब टोटल वेट ऑफ थ्री पोल्स थ्री एक्स प्लस इज इक्वल टू टू एक्स प्लस ट्वेंटी तो इससे भी हमारा एक्स ट्वेंटी आ रहा है ठीक है तो इसमें आ जाएगा uh, कि आइदर वन और टू इज सफिशियंट टू डिटर्मिन द टोटल वेट ऑफ टेन पोल्स क्योंकि हमें एक पोल का वेट पहली स्टेटमेंट से भी पता लग गया कि वो 20 के है क्योंकि 5 के दिया था वन फोर्थ और सेकेंड स्टेटमेंट से भी पता लग गया क्योंकि उसमें दिया था थ्री पोल्स का वेट दो पोल्स के वेट से 20 के मोर है तो इसमें भी हमने एक्स ट्वेंटी निकाल लिया तो इसका आंसर सी आ जाएगा इधर वन और टू इज सफिशियंट टू कैलकुलेट ठीक है क्योंकि ए फर्स्ट स्टेटमेंट से भी हमें पता लग रहा है और सेकेंड से भी पता लग रहा है तो यहां पहली से या दूसरी से मतलब दोनों में से कोई हो तो उससे हमें वेट पता लग जाएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 77। सेवन इस पे दिया हुआ है स्टडी द बार डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन तो ईयर्स दिए हैं टू थाउजेंड वन टू टिल टू थाउजेंड सेवन वट वॉज द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट फ्रॉम टू थाउजेंड सिक्स टू टू थाउजेंड सेवन तो इसमें तो बस फिगर्स हमें देखनी है तो टू थाउजेंड सिक्स से टू थाउजेंड सेवन तो टू थाउजेंड सिक्स में था नाइन पॉइंट फाइव और 2007 में हमारा था 11.4 तो कितना इंक्रीज हुआ तो हम देख लेंगे इंक्रीज परसेंटेज ही देखना है तो 11.4 पॉइंट फोर माइनस नाइन डिवाइडेड बाय 9.5 पॉइंट फाइव इंटू परसेंटेज तो 11.4 पॉइंट फोर माइनस नाइन तो ये आ जाएगा 1.9 डिवाइडेड बाय 9.5 पॉइंट फाइव इंटू फॉर परसेंटेज तो ये करके ये आ जाएगा वन बाय फाइव तो ये आ जाएगा ट्वेंटी परसेंट आंसर बी ठीक है आ, उसी तरह आगे चलते हैं तो इसमें दिएस द फॉलोइंग टेबल गिव्स द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय टू कंपनीज ए एंड बी ओवर सिक्स इयर्स आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो तो प्रॉफिट अर्न बाय टू कंपनीज ए एंड बी ये दिया हुआ है जो ये नीचे टे, टेबल दिया तो इसमें दिया इफ द इनकम ऑफ कंपनी बी 2010 एंड 2011 वर इन द रेशियो ऑफ टू बाय थ्री अगर इनकम ऑफ कंपनी बी 2010 और 11 की टू बाय थ्री की रेशियो में है तो व्हाट वाज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ दैट कंपनी इन दीज टू ईयर्स तो इसमें हमें सिर्फ बी कंपनी का ही देखना है ये डेटा मतलब बाकी डेटा वैसे दिया हुआ है लेकिन आपको जो ये क्वेश्चन के हिसाब से देखना है कि कौन सा चाहिए तो बस ये डेटा देखना है क्योंकि हमें 2010 का इनकम और एक्सपेंडिचर ही एनालाइज uh, करना है तो लेट्स से हम लिख लेते हैं कि इनकम uh, 2010 में 2010 में इनकम ऑफ कंपनी बी वो लेट्स से आई वन थी 2011 में इनकम आई टू थी तो इन दोनों की रेशियो दी हुई है आई वन यहां पे इनकम ऑफ कंपनी इन 2010 वर इन द रेशियो टू बाय थ्री तो ये टू बाय थ्री दी है ठीक है अब हमें करना है व्हाट वाज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर तो हमारा क्या रहता है जो प्रॉफिट रहता है इसमें हमें दिया है नेट परसेंटेज प्रॉफिट ये परसेंटेज प्रॉफिट ये तो परसेंटेज प्रॉफिट हमारा क्या रहता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बाय एक्सपेंडिचर क्योंकि ये परसेंटेज प्रॉफिट दिए अगर आपको दिया रहता है नेट पर प्रॉफिट मार्जिन तो फिर आता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बाय इनकम तो इसमें परसेंटेज प्रॉफिट दिए तो उसका फॉर्मूला ये रहता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बाय एक्सपेंडिचर तो आ, परसेंटेज प्रॉफिट हमारा 2010 uh, के केस में क्या है uh, 2010 इसको पी वन लिख देते हैं तो ये इनकम क्या आई वन एक्सपेंडिचर को लिख दिया ई वन दो वाले को जैसे यहां पे किया था मैंने तो ई वन तो ये ई वन कितना आ जाएगा uh, ये प्रॉफिट मार्जिन दिया फिफ्टी परसेंट मतलब पॉइंट फाइव तो ई uh, वन को इधर लेके गए पॉइंट फाइव ई वन I1 वन माइनस ई तो I1 आ जाएगा 1.5 पॉइंट फाइव ठीक है उसी तरह 2011 के लिए प्रॉफिट मार्जिन कितना दिया है उसको P2 लिख लेते हैं ये था 0.5 ये दिया हमें 0.45 फोर फाइव इक्वल टू आई टू माइनस ई टू तो इसको कैलकुलेट करेंगे इसको इधर लेके 0.45 पॉइंट फोर फाइव तो ये भी आई टू इज इक्वल टू वन पॉइंट फोर फाइव टू आ जाएगा ठीक है तो अभी मैं स्पेस नहीं इधर नीचे होगी ठीक है तो इधर कर लेता हूं तो अब हमें क्या निकालना है रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर तो रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर होगा हमारा ई वन बाई ई टू वन बाय ई टू वन हमारा यहां से निकल आएगा वो है आई वन बाय वन पॉइंट फाइव ये ये इस स्टेटमेंट से वन पॉइंट फाइव को नीचे ले गए हम और ई टू हमारा है आई टू बाय वन पॉइंट फोर फाइव तो वो ऊपर आ जाएगा ठीक है इसमें कंफ्यूजन नहीं है ई वन हमारा यहां से आ गया आई वन माइनस सॉरी आई वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट फाइव और E2 हमारा आ गया I2 टू डिवाइडेड बाई वन पॉइंट फोर 1.45 था वो पर ले गए तो I1 और I2 की रेशियो हमें दी है ये टू बाई थ्री यहाँ पे ठीक है तो I1 और I2 की रेशियो हमने लिख दी I1 और I2 की रेशियो हमने लिख दी टू बाय थ्री इन जो ये फिगर्स हैं 1.45 पॉइंट फोर फाइव डिवाइडेड बाई वन तो इसको हमने सॉल्व किया इसको जीरो लिख के ये काटा और ये गया फाइव से डिवाइड होके ट्वेंटी नाइन ये हो गया थर्टी ये टू थर्टी से काटा फिफ्टीन तो ट्वेंटी नाइन थ्री इन फिफ्टीन फोर्टी फाइव तो ये आ, आंसर आ गया ट्वेंटी नाइन बाई फोर्टी फाइव तो इसमें हमारा मैच कर रहा है ये डी तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ठीक है तो इस तरह सॉल्व करना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चार्ट uh, इसमें भी uh, ये डार्क सर्कल्स हैं तो <coughs> इसमें भी हमें पता लग नहीं पाएगा कि एक्चुअल फिगर्स क्या हैं। तो आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द चार्ट दैट शोज द सेल ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स इन इन अ डे फॉर अ शॉप तो इसमें भी सेम मेथड ही है जो मैंने आपको ऊपर बताया था ऊपर एक पाइचार्ट आया था तो ये सर्कल डार्कन है तो so इसमें हमें परसेंटेज नहीं पता लग पा रही तो बेसिकली वही है टोटल ऑफ ट्वेल्व हंड्रेड के जी ऑफ फ्रूट्स और सोल्ड इन अ डे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बनाना सोल्ड तो नंबर बनाना सोल्ड हमारा आ जाएगा ट्वेल्व हंड्रेड इंटू दर्सेंटेज ऑफ ट्वेल्व हंड्रेड इंटू परसेंटेज ऑफ बनाना इन द टोटल सेल्स ठीक है तो जितना परसेंटेज ऑफ बनाना क्योंकि हमें दिख नहीं रहा इसमें तो हम निकाल नहीं पा रहे तो जितना परसेंटेज होगा उसको 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर द अमाउंट ऑफ बनाना सोल्ड वो आ जाएगा ठीक है वो के में है उसी तरह फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स ऑफ ग्रेप्स एंड ऑरेंजेस वो भी ऐसे ही ट्वेल्व हंड्रेड इंटू परसेंटेज ऑफ ग्रेप्स माइनस ट्वेल्व हंड्रेड इंटू परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस वो हमारा डिफरेंस ऑफ सेल्स आ जाएगा तो ये पाई चार्ट में डार्कन सर्कल्स की वजह से हम आंसर नहीं निकाल पा रहे लेकिन हमारा आंसर आ जाएगा तो चलिए फ्रेंड्स ये हमारा पेपर कंप्लीट होता है इसमें हमने 60 क्वेश्चंस कवर किए तो होपफुली आपको इससे फायदा हुआ होगा तो आ, ये सी सैट का पेपर बेसिकली आप ही की प्रैक्टिस और आप ही की आ, ये छोटी ट्रिक्स इसको जानने के लिए होता है कि आ, आप मतलब इतना बेसिक आपको मैथ्स या इंटरप्रिटेशन आप कर पा रहे हो तो ये क्वालिफाइंग पेपर है लेकिन इसमें भी काफी लोगों को दिक्कत आती है क्योंकि वो यहाँ कह लीजिए लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है लैक ऑफ नॉलेज और बेसिक मेथोडोलॉजी जो इन आ, आ, जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए चाहिए होती है तो ऊपर हमने काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इसके अलावा भी बहुत क्वेश्चंस हैं जो स्टेट सिविल सर्विसेज और यूनियन यूपीएससी में पूछे जाते हैं तो आ, वो हम देखेंगे अगले सेशंस में तो ये हमने आज कवर किए सिक्सटी क्वेश्चन तो आप इसको प्रैक्टिस करिए और देखिए कि आपके कितने आंसर्स मैच कर रहे हैं और अगर कुछ आ, एरर हमारे पार्ट पे है या कुछ आंसर जिसमें डाउट है तो उसमें आप बता सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन में डाउट है तो चलिए ये सेशन एंड करते हैं थैंक यू थैंक यू वेरी मच